ताकि कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत हो तो नम्रता है, अभी 2 मिनट तो यहाँ पे वो हेल्प कर देंगे। या श्योर। ये मैंने स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर दी है, रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट नहीं की है जी सर। ना? यस ठीक है मैम, मैं एक बार करके देख लेता हूँ इसको, कोई इशू होगा तो मैं आपको बता देता हूँ प्लीज। ठीक है, अब बिल्कुल मेरे सर। ख्याल से कोई इशू नहीं है, सर अभी स्ट्रीम अपन मतलब कर ये लेते हैं। स्ट्रीम हाँ होना स्टार्ट हो चुका है ना? जी, स्ट्रीम होना शुरू कर दिया, मैंने कर दिया स्ट्रीमिंग। ठीक है सर सर। और पब्लिक वगैरह नम्रता, जी, अगर इसका लिंक देना हो स्टूडेंट्स को तो ये लिंक कहाँ से आएगी? ये वही से आएगी ना, जहाँ से सर ने वो कॉपी किया था ना, उसके नीचे लिंक क्रिएट होता है। ठीक है, ये अच्छा डायरेक्ट भी आ जाएगा ना? डायरेक्ट आ जाएगा ना, हाँ सर, डायरेक्ट ज्वाइन कर पाएंगे ना लोग, मैं पूछ रहा हूँ। यूट्यूब पे सर। हाँ जी हाँ जी सर, बिल्कुल ज्वाइन कर पाएंगे। आपके चैनल पे ही तो लाइव हो रहा है ना? हाँ, हाँ चैनल पे मतलब ही लाइव जैसे है, लाइव सर के चैनल पे भी लाइव स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी जितने भी ठीक वहाँ पे बैठे हैं सब लोगों को नोटिफिकेशन चला गया होगा कि लाइव स्टार्ट हुआ है। है। राइट राइट ठीक है, हाँ। और वो उनको दिखाता है जैसे हमें आता है, जैसे कोई हम किसी का सब्सक्रिप्शन मेरे लिए रहते हैं को ना। वहां जाके, मेरे को यहाँ नहीं दिखाएगा ना, ये आपको वहां दिखा सकता है ना, कि मतलब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ राइट ना जी मैम? जी राइट सर। हाँ जी, तो मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ जी सर, आप स्टार्ट कर लो ताकि कोई दिक्कत ना हो। या बिल्कुल बिल्कुल। ठीक और है मेरे पास अटेंडीज कहाँ से मिलेंगे मैम मेरे को? सर, चैट्स में मिलेंगे ना, वहां पे दिखेगा। चैट में अभी जैसे आए नहीं है वहां पर, अभी चैट में ना? ये आ गए अच्छा, सर, आने देखो आने आ गए चाहिए, सर, आ गए आ गए। आ गए होंगे। ठीक चलिए है मैम, मैं सर, स्टार्ट करता हूँ। ठीक है मैम, ठीक है, ओके ओके सर, मैडम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके। यस मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मेरी आवाज आपको आ रही है? सबको ये बता दें, उत्सव जी मेरी आवाज आ रही है, अनिल जी मेरी आवाज आ रही है, जावेद जी वेरी गुड मॉर्निंग, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मेरी आवाज आ रही है? हेलो, ये मेरी आवाज आप आ रही है? यस, मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? अनिल जी प्लीज बता दें, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं 5 मिनट में स्टार्ट करता हूँ क्लास को, तब तक बाकी लोग भी आ रहे हैं, आराम से आप मीटिंग को एंजॉय कीजिएगा, और हम लाइव ट्रेड भी लेके देखेंगे और सीखेंगे भी, दोनों चीजें हम करेंगे। मेरे को 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट बाद में क्लास को शुरू कर रहा हूँ, और एक एंजॉयबल सेशन होगा हमारा, और सीखेंगे हम इसमें, ट्रेड तो रोज ही लेते हैं, आप भी ले लूंगा, कोई इशू नहीं, लेकिन हम सीखेंगे कि इसमें हमें क्या करना चाहिए और ट्रेडर्स को कैसे कैसे काम भी करना चाहिए। मेरे को 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट के बाद मैं शुरू करता हूँ क्लास को। राइट, सचिन यादव जी आ रखे हैं, रवि जी बहुत सारे लोग आ रखे हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छे सेशन रहने वाला है आज, मेरे को उम्मीद है कि बहुत आराम से हम करेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है, मेरे को 2 मिनट दीजिए बस, 2 मिनट के बाद मैं क्लास को शुरू करता हूँ। ओके
हेलो, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? यस, पहले तो आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई है। और उसी उपलक्ष्य में देखिए, मैंने शुरू किया है आज ये जो वेबिनार मैंने रखा है, इसी रीजन से रखा है कि सब लोग एक साथ इकट्ठे हो सके, जो टीचर्स हमारा डे है इसको हम सेलिब्रेट भी कर सके और उनको हम एक अच्छी श्रद्धांजलि भी दे सके। तो ये तीनों रीजन है कि जिसकी वजह से मैंने रखा हुआ है। भाई, हमारे देश में शिक्षक जो है बहुत अहम रोल प्ले करता है। देखिए, चाहे वो शिक्षक कोई भी है, कैसा भी शिक्षक है, ठीक है, चाहे वो प्राइमरी क्लास को पढ़ा रहा है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल को पढ़ा रहा है, चाहे वो डॉक्टर्स को पढ़ा रहा है या फिर स्टॉक मार्केट है, किसी भी फील्ड के अंदर आप देखेंगे तो जो एक शिक्षक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको एक मेंटर सही मिल गया, हमें भी पता है कि हमें अगर एक मेंटर सही मिल गया तो क्या होगा। अगर हमें मेंटर सही मिल गया तो हमारे जो पूरी जिंदगी है वो सुधर सकती है, राइट? ये आप लोग भी जानते हैं। सही बोल रहा हूं कि नहीं, बताएं क्यों? सही बोल रहे हैं क्या रवि जी, जावेद जी? सही बोल रहा हूं, हमें अगर टीचर सही मिल गया तो हमारी जिंदगी पूरी 360 डिग्री टर्न हो जाएगी। यस, बताएं आप इस चीज को मानते हैं या नहीं मानते? यस यस नो, लिखें लिखे बताएं क्या आप इस चीज को मानते हैं। रमन जी, अनिल जी, फिर शुरू करते हैं हम अपना वर्क। आप देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के अंदर हमें क्या क्या हो रहा है। लेकिन एक टीचर को आप हमेशा रिस्पेक्ट करें। अगर मैं आज बोलूं तो आज भी मैं ठीक है ट्रेडर बन गया हूँ, बड़ा ट्रेडर भी बोलते हैं लोग, हालांकि मैं नहीं मानता मैं बड़ा ट्रेडर हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी रोज सुबह जीरो से शुरू होती है और मैं जीरो से ही काम शुरू करता हूँ, ठीक है? तो चलिए आज शुरू करते हैं थोड़ा सा वर्क। और पहले तो मेरे को बताइए, आप क्या मेरे साथ करना चाहेंगे, लर्निंग करना चाहेंगे या ट्रेड देखना चाहेंगे? प्लीज मेरे को ये बताएं, ट्रेड देखना चाहेंगे या आप 2 घंटे लर्निंग करना चाहेंगे, प्लीज मेरे को बताएं, और जिससे मैं उसी हिसाब से आपके साथ आगे चल सकूं। यस पीयूष जी, बताएं, लर्निंग लर्निंग बता दें मेरे को, मैं उसी हिसाब से चलता हूं, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। बोथ, यस बोथ, चलिए चलिए लर्निंग। चलिए एक काम करते हैं कि हम लोग लर्निंग शुरू करते हैं, कोई इशू नहीं है, हम लोग लर्निंग शुरू करते हैं, बीच में जो ट्रेड मिलता रहेगा हम उसको लेते भी रहेंगे, राइट है? इसी में कोई ऑप्शन, लर्निंग विद ट्रेड्स, लर्न एंड लाइफ। चलो लाइफ पे लर्न करते हैं थोड़ा सा, आज लाइफ पे लर्न करना शुरू करते हैं। चलिए चलिए, आज ये निफ्टी चल रहा है, निफ्टी को ही लर्न करते हैं और मैं सारे इंडिकेटर्स हटा देता हूं। ये मैंने जितने मेरे इंडिकेटर्स लगे हैं वो मैंने सारे हटा दिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है इस समय, कोई भी देखिए एक भी इंडिकेटर इस समय लगा हुआ नहीं है और मेरी केवल कैंडल मेरे साथ है, बाकी कुछ भी नहीं है। देन और आज हम जो मेरा जो मोटो है वो ये बताना है कि आपका जो इशिमोकू क्लाउड है वो कहाँ कहाँ आपको हेल्प कर सकता है, या फिर उसमें आप ट्रेडिंग कैसे कैसे ले सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, और हम कैसे उसमें कहाँ कहाँ पर ट्रेड को एडजस्ट करेंगे, जरा चेक करते हैं। चलिए मैं शुरू से एक बार हल्का हल्का आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ, जिससे जहां जहां पर हम ट्रेड मिलेंगे वहां ट्रेड भी ले लेंगे, प्लस हम जितना सीख पाएंगे वो आपकी पूरी लाइफ में काम आएगा। लास्ट टाइम भी जब मैंने वेबिनार किया था तो मैंने बोला था अगर आप 2 आवर्स की मेरे साथ ट्रेडिंग करते हैं, 2 आवर्स के ट्रेड लेते हैं, तो हो सकता है आपको कुछ पॉजिटिव मिल जाए, नेगेटिव भी मिल जाए, पॉजिटिव मिल सकता है, आप भी मेरे साथ ट्रेड कर सकते हैं उस जगह पर। लेकिन 2 घंटे में आपको सीखने को केवल 50% मिलेगा, क्योंकि आप ट्रेड ले रहे होंगे। लेकिन अगर आप 2 घंटे लर्निंग कर लेते हैं मेरे साथ, तो उस केस में आपको अराउंड 99% लर्निंग होगी और 1% आपका ट्रेड होगा। लर्निंग आपके साथ सारी जिंदगी रहेगी। यस सही बोल रहे हैं बिल्कुल जी, बताएं आनंद जी। आनंद जी बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, बताएं, 2 घंटे अगर लर्निंग कर लेंगे हम लोग तो आपके पास 99% आपके बिल्कुल दिमाग में रहेगा और वो आपकी सारी जिंदगी आपके काम आएगा। ये मेरा मोटो रहता है, मेरा मोटो है लोगों को सिखाना, लोगों को एक जो ये जुआ बोलते हैं लोग, इसको खत्म करना। मेरे पास आज जितने लोगों को अराउंड मोर देन 10,000, ग्रेटर देन 10,000 लोगों को मैं अभी तक सिखा चुका हूँ, और उसमें से अप्रोक्सीमेटली 95% लोग अपना प्रॉफिट करते हैं, 95% लोग अपना प्रॉफिट करते हैं। आप चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट मैं आपको दिखा भी सकता हूँ यहाँ पर,
मैं ग्रुप भी एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ग्रुप मेरा कहाँ पर है, और जिससे हम आगे चलें तो आपको पता रहे कि हमारा ग्रुप कैसे वर्क करता है। ये पूरा ग्रुप है, फिर मैं आगे 1 मिनट लेके चलता हूँ आपको। ये देखिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, लोगों को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड किया हुआ है। ये देखिए ट्रेनिंग ग्रुप है मेरे पास, और इसमें लोगों ने देखो, ये दिल्ली के हैं वरुण जी, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और सब अपने अपने प्रॉफिट कर रहे होंगे। ये देखिए संजय जी हरियाणा, अभी शुरू किया इन्होंने, देखिए अपने इनके ट्रेड अपने जा रहे हैं, आज का ही ट्रेड होगा मेरे ख्याल से ये। बिल्कुल देखिए ये ट्रेड कर रहे होंगे, ये सब अपने अपने ट्रेड कर रहे हैं। चेक करिए आज ये हैप्पी टीचर्स डे के मैसेज बहुत सारे होंगे, तो इसमें ट्रेड ढूंढने में भी थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। ये देखिए संजय हरियाणा जी ने और भी किया है, ये किसी का गेन है 1100 रुपए का, विजेंद्र जी ने। चेक करिए सिद्धार्थ जी ने, छोटे छोटे समझिए, प्रॉफिट बड़े छोटे का कोई मतलब नहीं है, कि प्रॉफिट छोटा है या बड़ा है इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है कि आपने सीखा क्या, आपने सीखा क्या, इसके ऊपर आपके पास ज्यादा फोकस होना चाहिए, बजाय इसके कि मेरे को कितना दूसरे को कितना प्रॉफिट हुआ। ये देखिए सब एनालिसिस कर रहे हैं, सब एनालिसिस कर रहे हैं मेरे साथ, मैं किसी को कॉल नहीं दे रहा हूं, मैं एक भी आदमी को कॉल नहीं दे रहा। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैं कोई कॉल प्रोवाइड नहीं करता, कोई टिप नहीं देता, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। एक बार बनाया था, हैक हो गया, फिर दोबारा मैंने बनाया नहीं। मेरा मानना है मैं क्यों दूं, जब लोग अपने आप ही कर सकते हैं तो मैं क्यों उनको ये सब करूं। ठीक है, तो ये सब देखिए अपने अपने एनालिसिस कर रहे हैं, ऊपर प्रॉफिट भी होंगे सबके, सब अपने प्रॉफिट भी कर रहे होंगे। देखिए किसी का प्रॉफिट है, ये सब अपने अपने प्रॉफिट भी कर रहे होंगे सारे के सारे लोग। चेक करें ऊपर और भी मिल जाएंगे आपको प्रॉफिट। ये देखिए राजकुमार, ये इन सब लोगों ने नए नए शुरू किया। ये देखिए किसी का लॉस भी होगा, सत्यजीत जी का, इनका पूरा मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने में पहला लॉस हुआ ही है, पहला लॉस, और शाम को इन्होंने कवर भी कर दिया था। अगर आप देखेंगे तो शाम को कवर भी कर चुका था। देखिए सब लोग अपने अपने प्रॉफिट करते हैं, जितने भी लोग हैं। देखिए चलिए अब चलते हैं आगे। तो हमारा मेन मकसद किस किस पर है, हमारा मेन जो मोटो है वो ट्रेनिंग है। हमारा मेन मोटो अर्निंग नहीं है कि सीधा हम अर्निंग शुरू कर दें, अगर आप सीख जाएंगे तो अर्निंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, कहीं पर भी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और मैं आपको पहले बताता हूँ मार्केट कैसे चलता है। ठीक है, पहले चेक करेंगे मार्केट चलता कैसे है, और उसके हिसाब से हम लोग अपनी जो ट्रेडिंग है उसको आगे जर्नी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लर्निंग। चलिए बहुत सारे लोग हैं, देखिए बहुत सारे लोग आ रखे हैं मेरे पास, बहुत सारे यहाँ पर इतने सारे लोग आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि चलिए सीखने के लिए इतने सारे लोग तैयार होते हैं। उसके लिए बहुत थैंक यू कि आप लोग इतना इसके फील्ड में आ रहे हैं, और जो एक जुए वाला एक कंसेप्ट है उसको हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ये एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, जिसको अगर आप ले लेंगे तो आप समझिए कि एक जो बच्चा होता है वो फर्स्ट क्लास से और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक लगभग लगभग 10 से 15 लाख रुपए कम से कम खर्च कर लेता है, और उसके बाद वो 20-30 हजार की नौकरी करता है। समझिए, बुरा मत मानिएगा, 20 से 30 हजार की नौकरी करता है। अगर हम उसको 7th 8th क्लास में एक डेमो ट्रेडिंग दे दें, अगर हम उसको एक डेमो ट्रेडिंग दे दें, तो शायद 12th के बाद वो अपने पैसे कमा पाएगा, उसको शायद आगे आगे इतना सा मारा मारी करने की जरूरत ना पड़े। ये मेरा कंसेप्ट है, तो मैं इसी कंसेप्ट को लेके चलता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आगे। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो देखिए ट्रेडिंग कैसे चलती है, पूरी की पूरा जो मार्केट है मार्केट कैसे चलता है देखते हैं। मैं दोबारा एक बार बताता हूँ, पहले भी मैं बताता हूँ, हर बार जितने वेबिनार होते हैं उसमें बताने की कोशिश करता हूँ हमारा मार्केट कैसे चलता है। हमारे मार्केट के 3 रूट होते हैं। पहला रूट कौन सा होता है, अप ट्रेंड, इसे बोलते हैं अप ट्रेंड। एक होता है दूसरा रूट साइडवेज, चेक कीजिए दूसरा रूट हमारे पास होता है साइडवेज, और तीसरा रूट होता है हमारे पास डाउन ट्रेंड। राइट, 3 रूट हमारे पास देखने को मिलते हैं, पहला अप ट्रेंड, दूसरा साइडवेज और तीसरा डाउन ट्रेंड। तीनों में काम करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है, तीनों में काम करने का तरीका अलग होता है। ऐसा नहीं कि एक चीज आपने सीख ली तो वो अप में भी काम करेगी, साइड में भी काम करेगी, डाउन में भी काम करेगी, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो जब चेक करते हैं मार्केट अप ट्रेंड में कैसे कैसे चलता है, ठीक है यहां से चेक कीजिए। मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, एक रिट्रेसमेंट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर एक रिट्रेसमेंट लेता है, फिर ऊपर जाता है, एक रिट्रेसमेंट, एक ऊपर जाता है रिट्रेसमेंट, एक ऊपर जाता है रिट्रेसमेंट। लेकिन ये रिट्रेसमेंट क्या होता है कि यहां पर इससे ऊपर नहीं जा पाता कभी कभी, तो मार्केट यहीं पर ही स्टक हो जाता है और इसी रेंज में घूमता रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम साइडवेज, राइट। और फिर क्या होता है, मार्केट यहां से किसी टाइम किसी मोमेंट ऊपर भी निकल सकता है नीचे भी, मगर मार्केट साइडवेज है। और अक्सर मार्केट क्या होता है,
लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाता है कुछ इस टाइप से, तो ये क्या होता है, ये आपका डाउन ट्रेंड बन जाता है, ये अप ट्रेंड, ये साइडवेज और ये डाउन ट्रेंड, तीनों में काम करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे चलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारे पास कि अप ट्रेंड में कैसे काम करते हैं। ध्यान से चेक कीजिए अप ट्रेंड में कैसे काम करते हैं। पहले मैं आपको बता रहा हूं अप ट्रेंड, उसके बाद आपको बताऊंगा साइडवेज, उसके बाद बताऊंगा आपका डाउन ट्रेंड। यस, लर्निंग में कोई इश्यू तो नहीं है, किसी को पढ़ने में इशू हो तो बताएं। यस, किसी को पढ़ने में इशू हो तो प्लीज बता दें मेरे को कि पढ़ने में ये वाला इशू है, क्योंकि ये हर एक ट्रेडर की एक कंसेप्ट है और इसमें हम ऑप्शन भी साथ में इंक्लूड कर देंगे कि ऑप्शन को कहां पर आप लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं अपना अप ट्रेंड, अप ट्रेंड हमारा कैसे काम करता है। तो देखिए मार्केट जो है वो एन वेव में काम करता है, समझिए एक एन वेव बी वेव अलग अलग होती है। पहले आप एन वेव की बात करते हैं, मार्केट ए पॉइंट से ऊपर चला, ए पॉइंट से मार्केट ऊपर चला ऐसे करके, ये उसने रैली बनाई और रैली बनाने के बाद मार्केट यहां से थोड़ा सा बैक करेगा, बैक कैसे करेगा, ऐसे आएगा, मार्केट यहां से वापस आएगा जिसको हम बोलते हैं रिट्रेस करना। ठीक है, और यहां से मार्केट फिर से ऊपर जाएगा यहां और मार्केट चला जाएगा ऐसे, ये क्या बन गई, ये अगर आप चेक करते हो तो ये आपकी बन गई है एक एन वेव, ये एन वेव का एक सिंबल बना है। इसमें काम कैसे होता है, जरा इसको आप लोगों ने फिबोनैची भी करी होगी, बाकी सब भी करा होगा बहुत कुछ, तो जरा चेक कर लें इसको। ए पॉइंट, यहां से जो बायर है उन्होंने बाय करना शुरू किया किसी भी स्टॉक को। ठीक है, आप देखिए ए पॉइंट से मार्केट में लोगों ने बाय करना शुरू किया और मार्केट में लोग गए बी पॉइंट तक, बी पॉइंट पे लोगों ने सेलिंग की, क्यों सेलिंग की। अब पहला क्वेश्चन ये है कि लोग सेल क्यों कर रहे हैं, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो मेरे को सेल करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन अब जरा यहां पॉइंट करते हैं, एक पर्सन ने यहां पर 1000 स्टॉक बाय किए, क्या ब्रोकरेज है वो सब अलग बात है, लेकिन एक पर्सन ने यहां पर 1000 स्टॉक बाय किए और वो ऊपर जाके यहां पर 50 पॉइंट मार्केट ने मूव किया और उसको यहां पर 50,000 का फायदा हो रहा है, 50,000 का फायदा हो रहा है उसको, तो उसके दिमाग में क्या आएगा, क्यों ना मैं इस प्रॉफिट को बुक करूं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, यहाँ पर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है ऊपर और मार्केट में इस जगह पर लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जब अपना आप स्क्वायर ऑफ करेंगे अपने स्टॉक को या फिर आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो उस टाइम पर मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन नीचे आने का दो कंसेप्ट लोग लेते हैं, पहला नीचे आने का लोग सोचते हैं मार्केट ने रिवर्सल ले लिया, रिवर्सल नहीं होता ये, समझिए मार्केट का नीचे आना रिवर्सल नहीं है। सबसे पहला ये कंसेप्ट को ध्यान में रखें, हम लोग यहाँ पर सेलिंग शुरू कर देते हैं मार्केट में, अगर मार्केट नीचे आ रहा है वो सेलिंग नहीं है कभी भी। पॉइंट को नोट करके रखना आप, ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट तक रैली गई, इस पूरी रैली का 50% आप लगा लीजिए, 50% ये है और इसके नीचे एक और लेवल आप लगा के रखें जिसको आप बोलेंगे 61%। ठीक है, 78 तक जाते हैं लेकिन 78 मैं प्रीफर कभी नहीं करता। तो देखिए चेक करिए, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट में केवल मार्केट 50% या 61% तक आएगा, बस यहां से मार्केट वापस चला जाएगा। यहां पर जैसे ही मार्केट वापस चलता है तो यहां पर दो कंसेप्ट आते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं कि हम यहां पर ही बाय कर देते हैं, 50% पर बाय कर लेते हैं, कर सकते हैं आप, करने में कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा एक यहां पर फिर से क्वेश्चन है, यहां से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं, यस प्लीज बताएं, यहां से मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस स्टॉक के कितने परसेंट है, परसेंट लिख के बताएं आप प्लीज मेरे को, कितने परसेंट है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट तो नीचे आ रहा है, कितने परसेंट है कि यहां से इतना ऊपर निकलेगा। यस, क्या मैं बोलूं 50% है, 50% चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगा, 50% बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 50% चांस है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मेरे पास चांस केवल 50% है तो मैं क्यों इसे बाय करूं, क्यों इसे बाय करें, व्हाई टू बाय दिस स्टॉक इफ इट इज नॉट गोइंग, द प्रोबेबिलिटी इज नॉट मोर देन 50%, क्यों मैं इसको बाय करूं, रीजन। अब मैं ऐसा नहीं करके दूसरा ऑप्शन लेता हूं, मैं बोलता हूं मैं यहां पर बाय नहीं करता हूं, मैं बोलता हूं मैं तो हाई के ऊपर बाय करूंगा। रीजन, मार्केट अगर यहां तक ऊपर गया है तो इसको कौन लेके गए हैं, यहां पर ऊपर कौन लेके गए, बायर, बायर इसको लेके गए हैं, मतलब बायर एग्रेसिव है, यहां पर बायर एग्रेसिव है और जैसे ही मार्केट इस पॉइंट से ऊपर निकलता है
अगर मैं यहाँ पर बाय करूंगा तो मेरे परसेंट कितना है, कम से कम 95 या 90% चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगा, राइट? या बम कितने परसेंट चांस है यहाँ से ऊपर जाने के मार्केट के? यस आप बताएं प्लीज कि मार्केट के कितने परसेंट चांस है यहाँ से ऊपर जाने के कि मार्केट ऊपर चला जाएगा? प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो मैं नीचे क्यों बाय करूं? भाई कंसेप्ट समझ में आ गया। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये आ गया कि मार्केट यहां से ऊपर जाते जाते भी तो रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है ना, वापिस आ सकता है। इसका मतलब यहां पर मेरे को किसी इंडिकेटर की या प्राइस एक्शन की जरूरत पड़ने वाली है। जब मार्केट यहां पर जाएगा तो मेरे को दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, एक होगा प्राइस एक्शन और दूसरा होगा इंडिकेटर। डन, प्राइस एक्शन और इंडिकेटर। आपको ही पता है मैं ऑप्शन चेन से कभी ऑप्शन नहीं देखता, ना ही करता हूं, मैं डायरेक्ट ऑप्शन करता हूं, ऑप्शन लेके भी रखता हूं। अगर मैं सुबह कोई ट्रेड लिया भी होगा छोटा मोटा, तो मैंने ये देखिए आपके लिए लिया भी होगा, ये कुछ पैसे इन्होंने और इसमें किसमें निकले होंगे पैसे, देखिए ऑप्शन में निकले होंगे। मैं कभी ऑप्शन चेन को नहीं देखता, राइट? चलिए आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको पीछे के कुछ स्टॉक दिखाता हूं जहां पर मार्केट 50% या 61% पे आया होगा। ये देखिए सपोज कोई सी भी सीरीज आप ले लीजिए, अगर मैं ये पूरी सीरीज उठा लेता हूं तो ये इसकी फिबोनैची में इसका क्या रिएक्शन आएगा, जरा चेक करने की कोशिश करते हैं। चलिए ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनसे हम काम करते हैं, फिर ऑप्शन पे भी चलेंगे अभी और बाकी स्टॉक पे भी चलेंगे, ठीक है? स्टॉक भी आपके होंगे, मेरा कोई स्टॉक नहीं होता है, ठीक है? मेरा, मैं तो रखता ही नहीं कोई भी स्टॉक, ये सब आपके स्टॉक है। ये देखिए मार्केट यहाँ से गया और यहाँ तक गया, मैं देखना चाहता हूँ कितने परसेंट पे मार्केट ने रिट्रेस कर दिया, एग्जैक्ट चेक करें। ये मैंने यहां से चेक किया कितने परसेंट पे मार्केट ने रिट्रेस किया, बताएं। मैं स्टॉक भी पहले से निकाल के नहीं रख रहा हूं, सब आपके ये स्टॉक है, निफ्टी है, मैं निफ्टी पे ट्रेड कर रहा हूं। मेरे को जो आप बोलेंगे मैं उस स्टॉक पे ट्रेड करके दिखाऊंगा, मेरा अपना कोई स्टॉक नहीं है, क्योंकि ये रीजन नहीं है। अगर मैं पर्टिकुलर स्टॉक निकालूंगा तो मैं किस बात का मैटर हुआ, राइट? ये चेक कीजिए, मार्केट 50% से ऊपर जाएगा, लेकिन अब दोबारा से सेम क्वेश्चन, यहां से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कितनी? 50%। यहां से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कितनी? 100%, या फिर आप बोले 95%, इतने परसेंटेज यहां पर है। तो अब जरा हम चेक और भी आपको दिखा देता हूं, खाली यही नहीं, कहीं पर भी किसी जगह पर भी कोई भी रैली आप पकड़े, ये देखिए, चलिए मैं इसे कोई चेक कर लेता हूं, ये नीचे ये भी गई है, ये भी गई है, कितने परसेंट पर यहां से पकड़े। अच्छा एक कंसेप्ट यहां पर और भी है, कई सारे लोग बॉडी को प्रीफर करते हैं, बॉडी से अपनी जो फिबोनैची है वो लगाते हैं, बॉडी टू बॉडी। मैं उसको नहीं मानता, उसका रीजन क्या है कि मार्केट में ये लो बना है और मार्केट की स्ट्रेटेजी है, मार्केट ही बोलता है कि ये लो है। अगर ये लो है इसका मतलब मार्केट यहां तक गया है और यहां से जाके वापस आया, तो ये लो मेरे लिए बहुत काम का है। तो इसलिए जब कभी मैं फिबोनैची लगाऊंगा तो मैं इस लो से, जो भी लो है, ये देखिए ये लो है, जो भी लोएस्ट लो है मैं उसको मार्क करूंगा और मैं यहां से ऊपर चलूंगा और मैं गया यहां। पॉइंट को चेक करें, कौन सा लेवल, लेवल कौन सा, या तो मार्केट 50 से ऊपर जाएगा या मार्केट 61 से ऊपर जाएगा। कंसेप्ट को नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां से चेक कीजिए इस जगह पर मार्केट 61। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और आता है जो कि आपके काम का है। अब आपका क्वेश्चन ये है और मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं यहां पर, प्लीज आप आंसर करिएगा कि ये 61% है, मैं 61% से बाय करूं या फिर मार्केट के ऊपर जाने पर 50% से बाय करूं। प्लीज मेरे को बताएं कि मैं 61% से बाय करूं या मैं 50% के ऊपर बाय करूं, प्लीज बताएं मेरे को। यस रवि जी बोलते हैं 61 के ऊपर। यस किसके ऊपर? 50 के ऊपर, एग्जैक्ट 50 के ऊपर बाय करना है मेरे को। रीजन क्या है, रीजन क्या है, चेक करिए रीजन क्या है। 61 के ऊपर अगर मैं बाय करता हूं तो मार्केट देखिए एग्जैक्टली देखिए यहां से ऊपर चला, रिट्रेस किया और नीचे गिर जाएगा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बिल्कुल 50% के ऊपर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आलोक जी, 50% के ऊपर ही बाय होगा। अगर मार्केट 60 से रिट्रेस करता है, कभी कभी 78 से भी यहां पर नीचे आ जाता है, तो मार्केट अगर 78 से भी रिट्रेस करेगा तो भी मैं 50 के ऊपर बाय करूंगा, अगर 61 से रिट्रेस करेगा तो भी 50 के ऊपर बाय करूंगा, और अगर 50 से रिट्रेस कर गया तो मैं डायरेक्ट भी बाय कर सकता हूं। लेकिन मेरी तब भी एडवाइस है कि मैं 50 से भी बाय ना करूं। आप कर सकते हैं, आपके लिए कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं, पर फिर भी मेरी एडवाइस हमेशा ये रहेगी कि आप इसके ऊपर बाय करें।
आप जरा चेक करते हैं इसको थोड़ा सा और, ये पॉइंट मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। इसी कंसेप्ट को आप बड़े टाइम फ्रेम में भी ले सकते हैं, किसी में भी आशीष जी, किसी में भी इसको चेक करें, हम इंट्राडे चेक करें, होल्डिंग चेक करें। चलिए इसके ऊपर ही होल्डिंग पर बात करते हैं। चलिए मैंने बोला ये डे टाइम फ्रेम आ गया, मैं होल्डिंग पे बात कर रहा हूँ, ध्यान से पॉइंट को चेक करना। मैं होल्डिंग पर बात कर रहा हूँ कि मार्केट में कोई पीछे से ले लेते हैं हम, जहां से मार्केट गया होगा। चलिए मैं यहीं से शुरू करता हूँ, यहीं से शुरू करता हूँ। और ये देखिए यहां से ये पॉइंट, मैं पूरा ये देखिए होल्डिंग पर बात कर रहा हूँ, ये होल्डिंग है। आप चाहे तो मंथ में चेक करें, चाहे डे में चेक करें, कभी भी चेक करें आप। यहां से मैंने पकड़ा मार्केट को और देखिए ये ऊपर तक ले गया। जब इसने पहला रिट्रेसमेंट किया, कौन से लेवल से मार्केट रिट्रेस हो गया बताएं, किस लेवल से मार्केट रिट्रेस हो गया? 61। एग्जैक्ट चेक करें, इसका मतलब आपको 61 के कहां पर बाय करनी थी। अब जरा मेरे को बाय बता दे, बाय आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि मेरे को बाय कहां पर करना है, बाय कहां करना है मेरे को, बिल्कुल एग्जैक्टली जल्दी से बताएं बाय कहां पर होगी। क्या मैं 61 के ऊपर बाय कर लू? यस और नो? किसके ऊपर बाय करें? 50 के ऊपर। चलिए चलते हैं इसको देखने की कोशिश करते हैं, मैं छोटे टाइम फ्रेम में लेके चले जाता हूं इसको, और यहां पर चेक करने की कोशिश करते हैं। मैं करंट पे भी अभी आपको दिखाऊंगा इसी चीज को, ठीक है? पहले पीछे से रिवाइज करते आते हैं, फिर हम करंट पे भी इसको चेक करेंगे। पीछे देखते हैं कहां पर था ये, कहीं पर लगा होगा ये, ये रहा, ये रहा। अगर मैं 1 आवर में देखता हूं, 1 डे में मैंने लगाया, तो मार्केट देखिए क्या किया। पॉइंट को नोट करना, ये पॉइंट बहुत काम के हैं, कोई मेरे को पता नहीं कोई समझाएगा या नहीं समझाएगा आपको, पर मेरा मेरी ड्यूटी है इन चीजों का समझाना। मैं कुछ छुपा के नहीं रखता, मैं हमेशा सबको बता के रखता हूँ। पॉइंट को नोट करें, मार्केट को अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में देखता हूं, तो देखो मार्केट ने क्या किया, 50 से रिट्रेस किया। मैंने आपको क्या बोला, 50 से हम जल्दी से बाय नहीं करते, करना चाहो कर लो, लेकिन आप 50 से बाय नहीं करते। मैं बाय करूंगा इसके ऊपर जहां से मार्केट ने रिट्रेस किया है। ये देखिए फर्स्ट टाइम रिट्रेस करेगा, दूसरी टाइम रिट्रेस करेगा यहां से, और तीसरे टाइम देखिए यहां जाता रहेगा, ये जाता रहेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा मार्केट। एकदम से नीचे नहीं आता मार्केट और ना ही नीचे गिरता है मार्केट, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा यहां पर। अब क्या हुआ, देखो मार्केट यहां से ऊपर चला, लेकिन मार्केट इसके ऊपर नहीं गया। पॉइंट को समझना छोटा सा, कि अगर किसी पर्सन ने यहां से 1000 क्वांटिटी ली होती 1%, और वो वेट कर रहा होता कि मार्केट यहां पर जाएगा, तो उसे शायद एक बड़ा नुकसान हो गया होता। क्यों, सही बोल रहा हूं मैं बताएं आशीष जी? सही है, मार्केट इसके ऊपर नहीं गया, मार्केट नीचे गिर गया। अब दूसरा केस, हम यहां पर साइकोलॉजी केवल चेक कर रहे हैं। मैंने बोला मार्केट 50 से ऊपर नहीं गया, मार्केट 60 के पास में आ गया। अगर मार्केट को सचमुच में ऊपर जाना है, मार्केट को सचमुच में ऊपर जाना है, तो मार्केट 50 के ऊपर सस्टेन करेगा। ये देखिए मार्केट ने गैप अप खोला, और गैप अप कहां खोला, 50 के ऊपर। और यहां पर इस जगह आप एक बाय कर सकते थे, क्योंकि ये आपके पास हुआ इनिशियल गैप। इनिशियल गैप, गैप थ्योरी मैं आपको बता दूंगा, या चलिए मैं बता देता हूं एक बार, गैप थ्योरी भी साथ में आपके काम में आएगी। मार्केट अगर नीचे गिर रहा है, मार्केट देखिए अगर नीचे गिर रहा है, ऐसे मार्केट आ रहा है नीचे, ऐसे करके नीचे आ रहा है, और मार्केट किसी दिन आपको सीधा गैप अप खोलता है, सीधा गैप अप, मतलब यहां पर मार्केट क्लोज हुआ और मार्केट ने सीधा गैप अप खोला, तो ये गैप आपके पास क्या होगा, इसको हम बोलते हैं इनिशियल गैप। और ये गैप बनने के लिए मार्केट रेयर केस नीचे आएगा, रेयर केस नीचे आएगा, ना के बराबर कई महीनों में आ सकता है, दिनों में आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। चेक कर लीजिए, ये भी देखिए यहां पर मार्केट, ठीक है, यहां पर चेक कर लीजिए, कहीं पर भी आप चेक करते रहे, अगर मार्केट ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है और बीच में कोई गैप बनाता है, तो इसे बोलते हैं मीडिएटरी गैप। इसे मार्केट भर कर ही जाएगा, राइट, इसे मार्केट भर के ही जाएगा। पॉइंट को चेक कर लेना, इनिशियल गैप अगर बना है तो उसमें आप छोटा भी स्टॉप लॉस लगाएंगे वो कटेगा नहीं, और अगर आपने मीडिएटरी गैप में बाय किया, और अगर आप छोटा सा भी गैप, बड़ा भी आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो शायद ये काट के जाएगा। कुछ कंडीशंस हैं जिनके ऊपर मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन नॉर्मली वो आज या कल में भरने के लिए नीचे आ जाता है। ऐसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाते हुए आपके पास मार्केट सडन नीचे खुलता है, सडन नीचे, फिर से ये हुआ इनिशियल गैप। अब एक गैप और भी आता है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग गैप, जरा टर्मिनेटिंग गैप को भी चेक कर लो। मार्केट में इसके बीच में जितने भी गैप होंगे वो सब मीडिएटरी गैप होंगे, राइट, और मार्केट जहां से ये अप मूवमेंट दे देगा, तो इस सीरीज के जितने भी गैप थे
ये लास्ट में जो गैप बना है इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग गैप। टर्मिनेटिंग गैप किस लिए? इस सीरीज के लिए, जो डाउन सीरीज आ रही थी इसके लिए हुआ टर्मिनेटिंग गैप, और जो ये आपकी सीरीज बनी है इसके लिए हुआ इनिशियल गैप। सेम केस, मार्केट ऊपर है, अगर नीचे खुलता है तो इस सीरीज के लिए हुआ इनिशियल गैप और इस सीरीज के लिए हुआ टर्मिनेटिंग गैप। क्लियर है? फिर ऐसे मार्केट में नीचे जो डाउन होंगे मीडिएटरी गैप, फिर ऐसे मीडिएटरी गैप, और फिर मार्केट नीचे से अगर ऊपर खोल देगा फिर से इनिशियल गैप। तो ये गैप थ्योरी होती है, गैप थ्योरी बाद में कभी करेंगे लेकिन ये नॉर्मल सा कंसेप्ट है। तो ये कौन सा गैप हुआ मेरे को बताएं, कौन सा गैप हुआ प्लीज एक्सप्लेन करें मेरे को, लिख के बताएं कौन सा गैप हुआ, इनिशियल गैप हुआ, मीडिएटरी गैप हुआ या टर्मिनेटिंग गैप हुआ? यस, कौन सा गैप हुआ और क्या इसे भरने के लिए मार्केट आया? यस एनीवन, कौन सा गैप हुआ और क्या इसे भरने के लिए मार्केट आ गया नीचे? यस, इसको चेक करें, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेंज ब्रेक हो रही, रेंज ब्रेक हो रही, कुछ भी बोल लें इसको, ठीक है, किसी भी नाम से बोल लें, ठीक है। आप मार्केट में इतने सारे आते हैं, ठीक है, प्याज आता है मार्केट में, हम यूपी वाले उसको प्याज बोलते हैं, महाराष्ट्र जाएंगे वहां कांदा बोलेंगे या अलग अलग। सेम केस, ये इनिशियल गैप है, आप इसको चाहे टर्मिनेटिंग गैप बोले इस सीरीज के लिए या इसके लिए आप इनिशियल गैप बोले। देखिए, अगर मैं इसमें छोटा सा भी स्टॉप लॉस लगाऊंगा ना, ये कटेगा नहीं, पॉइंट को ध्यान रखना। तो कभी भी अगर कोई स्टॉक आपका बुरी तरह नीचे गिरता आ रहा है तो आप उसमें इनिशियल गैप ढूंढे। ये इनिशियल गैप जिस दिन आपको मिल जाए आपका ट्रेडिंग बहुत अच्छी मिलेगी आपको, ठीक है। और अगर मैं इसे मंथ में चेक करता हूँ, ये देखिए इसी पॉइंट को अगर मैं मंथ में लेके जाता, ये डे में था, मैं इसे मंथ में लेके जाता हूं, ये मंथ है, चेक करें मेरी सीरीज कहां पर है, पॉइंट को ध्यान देना, मेरी पूरी की पूरी सीरीज कहां से चली, सपोज यहां से कोई भी जगह आप पकड़ ले, मैं यही जगह पकड़ लेता हूं, ठीक है। ये वाला पॉइंट नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मार्केट इसके बिल्कुल पास में आ रखा है, तो हम पीछे का कोई भी पॉइंट, यही पॉइंट पकड़ ले, और यहां से मैंने अपनी फिबोनाची लगाई यहां पर, चेक करें क्या हुआ, कहां से मार्केट वापस गया, एग्जैक्ट बताएं, दोबारा 61%। बाय कहां पर होनी थी? यस एनीवन, बाय कहां पर होनी थी? बाय का कांसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया कि मैंने बाय कहां पर करनी थी। यस, जल्दी से बताएं कहां पर होनी थी, 50% के ऊपर। और क्या मार्केट ने पूरे मंथ में 50% के ऊपर बाय दी आपको? लेकिन दोबारा से सेम क्वेश्चन, बाय एग्जैक्ट कहां पर होनी थी, बाय एग्जैक्ट कहां पर होनी थी इसके ऊपर ना दोबारा से सेम क्वेश्चन। बाय यहां पर भी कर सकते हैं, बाय यहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर बाय कब करेंगे, यहां पर बाय कब करेंगे, दोनों का कंसेप्ट अलग है। अगर मैं चाहता हूं कि मैंने सपोज 10 स्टॉक यहां से बाय किए थे या 100 स्टॉक यहां से बाय किए थे, मैं नुकसान में हूं, मैं नुकसान में चल रहा हूं, तो मैं इस जगह पर एवरेज करूंगा जिससे एवरेजिंग बीच में हो जाए और मेरा प्रॉफिट निकल आए। लेकिन अगर मैं ओपन हूं, मैंने कोई पोजिशन नहीं ली है, तो मेरे को यहां से बाय नहीं करना चाहिए, मेरे को बाय करना चाहिए यहां से। इसके ऊपर आपको बहुत बड़ा मूव मिलेगा, और कितना मूव होगा, जितना आप ये लेंथ ले लीजिए इतना ही लेंथ आपको ऊपर मिल जाएगा, ये इसका टारगेट होगा, वो आपको मिल जाएगा। अगर मैं यहां से लगा के देखूं कि मेरा टारगेट क्या था, तो आप यहां से पकड़िए और इसको नीचे तक ले आइए, यहां तक इसी को अगर मैं ऊपर कर दूं तो ये मेरा टारगेट बना होगा। मैं दिखा देता हूं, देखिए मार्केट अपने टारगेट के आसपास घूम रहा है, राइट और रॉन्ग बताएं, सही बोल रहा हूं कि हाँ? देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं यहां पर। देखिए, सब अपनी अपनी राय देंगे तब हमारा एक वेबिनार बहुत अच्छा होगा, ध्यान रखिएगा। अब आपको यहां पर करना क्या है जरा समझिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि अब आपको कहां पर बाय करना चाहिए, तो जरा इसी सीरीज को अब मैं 50% लगा लेता हूं मंथ पे। पॉइंट को ध्यान से नोट करना, मेरा लो कौन सा है, मेरा लो ये रहा है, मेरा हाई कौन सा है, मेरा हाई ये रहा है, समझिए। मैं इस पे केवल रिट्रेसमेंट लगा रहा हूं, चेक कीजिए रिट्रेसमेंट, इसे हटा देता हूं मैं, ठीक है। और हम चलते हैं वापस रिट्रेसमेंट पर और फिर थोड़ा आगे चलेंगे, छोटे छोटे पॉइंट है इनको आप डिस्कस कर लेंगे और समझ जाएंगे तो आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी। कोई अलग से कोई ट्रेडिंग थोड़े ना होती है, ठीक है। थोड़ी सी इसमें मेहनत कर लेंगे तो ये आपको पूरी जिंदगी पैसा दे सकता है मार्केट। मैंने कहां पर लगाया, देखिए ये, अब आपको बताइए कि आपको कहां पर बाय करना चाहिए। यस, अब बताएं कि आपको बाय कहां पर करना चाहिए। फिर से पॉइंट आ गया, क्या आपको यहां पर कहीं पर बाय कर लेना चाहिए था? नहीं। पॉइंट को चेक करें, या तो मेरा बाय होगा 50%
और अगर 61 के ऊपर आया तो भी मैं 50 पे बाय करूंगा, और अगर मार्केट नीचे नहीं आता, नहीं आया नीचे, तो उस केस में ये मेरी एंड वेव बनी है और मार्केट इसके ऊपर बाय लेके जाएगा, और बहुत बड़ा बाय, कम से कम जितना लेंथ ये है उतनी लेंथ की बाय आपको ऊपर मिलेगी। देन तो चलिए ये पॉइंट आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से। तो अब आपको करना क्या है, जब मंथ में मार्केट 50% पर आए तो उस केस में आप बाय कर सकते हैं, या फिर 61 के ऊपर आए तो 50 के ऊपर दोबारा से बाय करें, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप यहां पर बाय करें। मैं एक एग्जांपल आपको और दिखा देता हूं यहां पर, जिससे आपके पास पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, यहां पर चेक करें, मैं यहां से लेके चलता हूं आपको, कोई सा भी पॉइंट सपोज यही ले लेते हैं। चलिए मार्केट कहां से गिरा, पॉइंट को नोट करना, और मैं आपको डेज कैलकुलेट कराता हूं। ठीक है, मैं डेज कैलकुलेट कराता हूं, मैं बोलता हूं आपको मार्केट देखो यहां से गिरना शुरू हो गया, पॉइंट को समझना। ठीक है, अगर मैं सपोज ऐसे बोलता कि चलो मैं यहां से यहां तक की कोई लेंथ ले लेता तो शायद मैं यहां से बाय कर लेता, और मार्केट देखिए अच्छा खासा नीचे गिरा और मार्केट एक लॉस में मेरे को डाल सकता था। तो मैंने क्या किया, ऐसा ना करके मैंने इसके ऊपर एक लाइन डाल दी, देखिए रेड कलर से डाल देता हूँ, शायद विजिबल होगी, तो मैं यहाँ पर एक रेड कलर से लाइन डाल देता हूँ। अपनी पूरी क्लास में मैं लोगों को ये नहीं सिखाता देखे कि एग्जैक्ट बाय मतलब यहां से बाय कर लो, वहां से टिप में टिप देने का क्या फायदा। आप मेरे पास लोग 3 महीने आते हैं, समझिए मेरे पास लोग 3 महीने आते हैं, 3 महीने में अगर मैंने उनको टिप दी, मैंने बोला इसके यहाँ बाय कर लो, इतने के ऊपर ऐसा लगा दो, इतना बाय कर लो, उन्होंने मेरे पास सीखा क्या, सीखा क्या। जितने लोग मेरे पास हैं, आप किसी से भी, जितने लोग दुनिया के अंदर हैं जो मेरे से सीखे हैं, आप उनसे पूछिए, मैंने उनको एक भी बाय सेल नहीं दिया होगा, और वो बड़े आराम से ट्रेड कर रहे होंगे। अगर आप लोगों में से कोई है मेरे पास जिसने मेरे साथ ट्रेनिंग ली है तो वो बता सकता है इसी ग्रुप में कि मैंने अभी आज तक अगर आपको बाय सेल भी बताया तो एक भी नहीं बताया, और सारे लोग प्रॉफिट करते हैं। कंसेप्ट पे हम चलते हैं, कंसेप्ट पे चलते हैं हम कभी भी। मैं क्यों आपको एक भाई अपाइज बना दूं कि भाई आप हमेशा मेरे पीछे लगे, ऐसे क्यों बनाना। आप किसी अगर ट्रेडर को बनाना है तो उसे हीरा बनाए, इसे डायमंड बना के छोड़े जिसे दुनिया याद करे, मजा तब आएगा। चलिए अब जरा चलते हैं आगे, और यहाँ पर चेक कीजिए आपने कितने दिन वेट किया इसके लिए, मेरे को बाय कहाँ पर करनी है, मेरे को बाय इसके ऊपर करनी है, देखिए मेरे को बाय इसके ऊपर करनी है। यहाँ पर लोग बाय कहाँ पर करते हैं, लोग बाय नीचे करते हैं, समझिए किसी पर्सन ने ये 50% पे बाय करी होगी यहाँ पर, समझिए एक पर्सन ने, ध्यान से पॉइंट को चेक करना, एक पर्सन ने, ए पर्सन ने यहाँ से बाय किया ए पॉइंट से, इसके मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है 50%। एक पर्सन है जिसने नहीं बाय किया और वेट करता रहा इसके ऊपर जाने की, आप समझिए इसके ऊपर जाने के चांसेस 100% है। किसको डर ज्यादा होगा आप मेरे को बताएं, किसको डर ज्यादा लगेगा, यस एनीवन, डर किसको ज्यादा लगेगा, अब आते फियर की, ये पूरा मार्केट ही फियर और ग्रीड का है, किसको डर ज्यादा लगेगा मेरे को बताएं, ए पॉइंट को या बी पॉइंट को, इसको मैं बी कर देता हूं, बी पॉइंट को डर लगेगा ज्यादा या ए पॉइंट को, ए पॉइंट को, ए पॉइंट को सबसे ज्यादा डर लगेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब जरा पॉइंट को समझिए, यहां पर अब आपको जितने इंडिकेटर्स हैं, चाहे आप कोई सा भी इंडिकेटर बोले, उस इंडिकेटर की जरूरत आपको यहां पर है, इस पॉइंट पर, यहां नहीं है, समझिए यहां तो बाइंग का एरिया ही नहीं है, आप करना चाहे कर ले लेकिन ये बाइंग का एरिया नहीं है। पीछे भी चेक करें, इसको मैं दिखाता हूं, ये देखिए अगर मैं यहां से भी मार्केट गया था, नीचे गया, 2 दिन नीचे रहा, लेकिन 2 दिन के बाद ऊपर आया ना, समझिए यहां पर कितने दिन नीचे रहा, पॉइंट को नोट करें जरा, ये देखिए 1 डे 2nd डे 3rd डे 4th डे 5th डे 6th डे 7th डे, 7 दिन तक मार्केट, और 8वें दिन भी, 8वें दिन ऊपर गया, तो मतलब 7 दिन तक मार्केट नीचे था, ट्रेडिंग करना चाहे कर लेते लेकिन ट्रेडिंग नहीं करनी थी इसके ऊपर 8वें दिन से, चाहे तो आप MIS करते, चाहे आप CNC करते, जो मर्जी करते आपको मिलती यहां पर, पॉइंट को नोट करें। अब एक कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई CNC कब करे, MIS कब करे, ये लोग पूछते हैं, और लोग का क्वेश्चन भी जायज है। देखिए मेरा क्वेश्चन ये रहता है, मैं उनको आंसर क्या करता हूँ, आपको भी वही आंसर करता हूँ मैं, कि देखिए मार्केट जब एनवेव का रिट्रेसमेंट लेके नीचे आता है तो आपकी CNC हमेशा ऊपर ही बनती है, CNC हमेशा ऊपर बना है, ये CNC की जगह है, और MIS की जगह कौन सी है, यस MIS की जगह कौन सी है, जब मार्केट नीचे आने के बाद अपनी एनवेव बनाने के बाद ऊपर चलता है, ये आपकी MIS की जगह है, यहां से आप MIS करें,
फिर रिट्रेसमेंट हो, फिर ऊपर चले एमआईएस करें इसके ऊपर। लेकिन जैसे ही मार्केट एक फुल रिट्रेसमेंट लेके ऊपर चला जाए या जो फॉल है वो कवर कर ले, तो उसके बाद आप अपनी सीएनसी शुरू कर दे, राइट है? इस बात का ध्यान रखना। ये छोटा सा पॉइंट मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। कोई स्टॉक ले लेते हैं चलिए, या चलिए एक बार पहले मैं आपको इस समय करंट सिचुएशन दिखा देता हूं निफ्टी की, पॉइंट चेक करना। अब आपके ये निफ्टी है, लाइव चल रहा है मार्केट, देखिए। मैं लाइव के लिए जाना जाता हूँ, लोग बोलते हैं सब लोग अच्छा कराते हैं, मैं नहीं बोलता कोई खराब कराता है, सब लोग अच्छा करा रहे हैं। जो शिक्षा दे रहा है सब अच्छे हैं, जो आपको पढ़ा पा रहा है सब अच्छे हैं, जो आपको ज्ञान दे रहा है सब अच्छे हैं। ज्ञान जहां से मिले बटोर लो, जहां से। मैंने थ्री इडियट देखी थी मूवी, ठीक है, मूवीज में कम देखता हूँ, मैंने देखी थी। ज्ञान जहां से मिले बटोर लो, आदमी के खराब अच्छे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो आपको सिखा सकता है तो ज्ञान बटोर लो। अब मेरे को बताएं मार्केट में इस समय मार्केट की रैली ये है, पॉइंट को नोट करना, मार्केट की रैली ये है और ये रिट्रेसमेंट आ रखा है आपका। बाय कहां से होता है, लॉजिकली बाय इसके ऊपर होता है या नहीं, बताएं आपको सबसे अच्छी बाय कहां पर मिलेगी 100% वाली? यस एनीवन, ये ए पॉइंट है। और देखिए अगर मैं इस पे वो लगा दूं फिबोनैकी लगा दूं, तो मैं आपको फिबोनैकी भी लगा के दिखाता हूं कि 50% की फिबोनैकी कहाँ आएगी। कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि आप एक ही उससे ट्रेड करेंगे, मंथ एक ही इंडिकेटर पे ट्रेड करेंगे, आपको जो इंडिकेटर अच्छा लगता है उस पे ट्रेड करें। ये देखिए मैंने ये लगा दिया फिबोनैकी, आप देखिए मार्केट कहाँ पर रिट्रेस ले रहा है। यस, कौन सी जगह पर रिट्रेस ले रहा है मार्केट, बताएं एग्जैक्टली। देखिए ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल 50%, यस और नो, क्या बोलते हैं, पॉइंट क्लियर? अब आपको क्या चाहिए यहां पर, पहला पॉइंट आपकी बाइंग कहाँ है। आपकी बाइंग ऊपर ही होगी, अब किस पॉइंट पर होगी वो अलग बात है, वो अगर मैं दे दूंगा तो आप क्या सीखेंगे? यस, फिर आप मेरे ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। वो पॉइंट मैं नहीं बताऊंगा, वो पॉइंट आपको जब काम करेंगे मेरे साथ तो अपने आप समझ में आता रहेगा। ए पॉइंट सबसे अच्छा पॉइंट है। अब यहां पर आपको क्या देखना है, कैसे देखना है कि मार्केट ऊपर जाएगा, केवल यही जजमेंट करना है। और हम सारे दिन बैठ के यहां जजमेंट करते रहते हैं, यस या नो बताएं, करते हैं कि नहीं? क्यों आशीष जी, क्यों आशीष पटेल जी, सही बोल रहा हूं मैं? ब्रिजेश जी सही बोल रहा हूँ? मार्केट में हम यहां बाय करने की कोशिश करते रहते हैं सारे दिन, हमारा मार्केट क्या बोलता है, 50% पे बाय करो, ये बाय कर रहा हूं मैं, देखिए समझिए, गलत है, गलत है। कर सकते हो आप बाय, स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन चेक कीजिए मार्केट ने एक रेंज बाउंड बना रखी है। मैंने आपको बोला था एक साइडवेज मार्केट, देखिए क्या कर रहा है इस समय, ये देखिए क्या कर रहा है मार्केट, साइडवेज मार्केट ने अपनी रेंज बना के रखी हुई है। अब बताएं मार्केट कहाँ टूटेगा तो सेल करेगा, यस कहाँ टूटेगा तो सेल करेगा। मैं रेंज भी बना देता हूँ इसकी आपके लिए, ये देखिए रेंज भी बना के दिखाता हूँ, मार्केट कहाँ टूटेगा तो सेल करेगा, जरा इसको देखते हैं। ये मेरी पूरी रेंज बन गई। अब अगर मार्केट में मार्केट नहीं ऊपर जाता है, मैं बोलता हूँ मार्केट तोड़ गया ऊपर, ब्रेक कर गया, मान लिया, तो देखिए ये गैप बचा हुआ है जो मार्केट अभी फिल करके आएगा, और इसका करंट रेजिस्टेंस मार्केट का ये है, क्योंकि मार्केट यहां से गिरा है तो मार्केट दोबारा भी ऐसे जाके गिर सकता है। जब तक मार्केट इसके ऊपर जाके सस्टेन ना कर जाए तब तक मैं ऊपर इसकी बाय नहीं ले सकता। अब मेरे को बताएं मार्केट अगर 50% या 61% के नीचे आ गया तो क्या होगा, बताएं क्या बोलते हैं, सेलिंग आ जाएगी मार्केट के अंदर, इसकी रैली हाफ हो जाएगी। अगर 50% को तोड़ा तो फिर हमारी एक सेलिंग आ जाएगी, ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है, राइट? चेक करते जाइए आराम से, छोटे छोटे कंसेप्ट है। मेरे पूरे लोगों को इशू था कि सर लाइव में हम लोगों को पैसे ज्यादा हो जाते हैं, कई लोगों ने बोला मेरे को कि सर आपकी फीस ज्यादा है, फीस जरूर ज्यादा है मेरी, ये समझिए मेरी फीस ज्यादा है। आप ऐप में भी देखेंगे तो 45,000 है, 1-2 रुपए नहीं है, मेरी फीस अपनी 45,000 है। लेकिन 3 मंथ के अंदर, 3 मंथ मैं इतना सिखाता हूँ, इतना सिखाता हूँ, कोई जब मेरे से सीख के जाता है उसको ये नहीं समझ आता इतनी सारी नॉलेज मैं निकालूँ कहाँ कहाँ, केवल ये रीजन, क्योंकि मेरे को सिखाने का जरूर है। देखिए दो चीजें आपके साथ, पहली चीज क्या है, आप स्टूडेंट है, समझिए आप स्टूडेंट है, आप सीखना चाहते हैं, आपका मेंटर नहीं सिखाना चाहता क्योंकि वो बिजनेसमैन है। पॉइंट को समझना, एक बिजनेसमैन है आपका जो मेंटर है, ठीक है, आप खूब सीखना चाहते हैं, आप बोलेंगे मैंने 45,000 दिए तो मैं तो सीखना निचोड़ डालूंगा, मेंटर मेरे को सारा सिखाएगा। लेकिन अगर मेंटर सिखाने को तैयार नहीं है तो क्या होगा, बताएं?
मेंटर सिखाने को तैयार नहीं, उसे तो यह है कैसे जल्दी से जल्दी मैं अपना ये कोर्स खत्म करूं कितने कम से कम में। नहीं समझे, अब मैं बोलता हूं अगर इसका उल्टा, अब ये उल्टा हो गया, यस मैं बोलता हूं मेंटर सिखाने को बुरी तरह तैयार बैठा है, आप चाहे सीखो ना सीखो, आप सीखना चाहते हो नहीं सीखना चाहते, आपने फीस दी हुई है, लेकिन मेंटर को जुनून है सिखाने का, तब क्या होगा बताएं? क्यों अनवर जी, उस टाइम पर क्या होगा अगर मेंटर बोले कि मैं सिखाने को तैयार हूं, मैं कैसे भी करके सिखाऊंगा स्टूडेंट को, कैसा भी स्टूडेंट है मैं सिखा के छोड़ूंगा, आप बताएं मजा आएगा जुनून आपके? और अगर गलती से ऐसा हुआ कि स्टूडेंट में भी जुनून है और मेंटर में भी जुनून है तो क्या होगा उस केस में? उस केस में एक हमारा हीरा पैदा होता है बहुत बड़ा, जो कि पूरे देश में चमकता है, ठीक है समझिएगा उस चीज को। तो इसलिए जितना आपका प्रेशर स्टूडेंट में होना चाहिए, जितना आपका ईगरनेस स्टूडेंट में होनी चाहिए, उससे ज्यादा ईगरनेस आपके पास मेंटर में होनी चाहिए। दूसरा, मेंटर की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? मेंटर मेंटर आपका इनोवेटिव हो, समझिए सबसे बड़ी चीज इनोवेटिव हो, वो आपके पास इंडिकेटर पे काम ना कराता हो, समझिए मेरी बात ध्यान से, वो केवल चार इंडिकेटर पे, RSI ऊपर गया 60 से बाय करा दिया, MACD ने क्रॉसओवर किया बाय करा दिया, अरे ये तो मैं अपने आप भी देख लेता, मेरे को मेंटर की क्या जरूरत है? मेंटर वो है जो रोज नई नई तरीके आपको बताए कैसे ट्रेड करने हैं, किस कैसे कैसे सोच है आपकी, सोच को, आपकी सोच जो नीचे है बिल्कुल, जिसकी वजह से आप लॉस कर रहे हैं, उस सोच को बढ़ा बढ़ा के इतना ऊपर ले जाए कि लॉस का नाम ही ना हो आपके मार्केट के अंदर, वो आपका मेंटर होगा, समझिए। चलिए आगे चलते हैं, और वापस हम, मैंने आपको बता दिया आपकी बाय कहां पर होगी निफ्टी में, निफ्टी की ये रेंज बाय की नहीं है, यहां पर प्लीज, आज आपने बोला कि मेरा मार्केट ऊपर खुल गया बाय करना है, मत कीजिए, मार्केट ने रेंज को नहीं तोड़ा है, बाय करने का कोई सीन नहीं है, छोड़ दीजिए बाय, बाय अगर इसको तोड़ेगा भी तो भी बाय नहीं आएगी। ये देखिए ये पूरी गैप कवर करने के बाद, अक्सर एक बात का ध्यान रखिएगा कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन अगर मार्केट खुला है तो अक्सर मार्केट गैप कवर करने के बाद यहां से गिरता है, ठीक है। तो एक रेंज बनी हुई है मार्केट की, और अगर आप इसको ऐसे समझते हैं तो दो रेंज हमारी बनी हुई है, अगर मैं और भी रेंज बना दूं तो देखिए ये भी रेंज मेरी बनी हुई है, ये भी रेंज पूरी नीचे तक एक रेंज जा रखी है जो कि अभी और मेरे को इशू कर सकती है, तो मार्केट का एक बाय ऊपर बना है, इसके ऊपर आप बाय लीजिएगा तो आपको फायदा होगा कम से कम। उसका रीजन रीजन भी चेक कर लीजिए कि अगर मैं यहां पर चेक करता हूं, पहला मेरा एक रेजिस्टेंस ये बना हुआ है और दूसरा रेजिस्टेंस मेरा ये बना हुआ है, इसको भी जरा हल्का सा चेक कर लीजिए काम आएगा। अब देखिए, अब मैंने यहां पर क्या बोला, मार्केट अगर किसी रीजन से इसके यहां पर से रिजेक्शन ले सकता है, मार्केट यहां से रिजेक्शन ले सकता है, लेकिन किसी रीजन से मार्केट यहां इसके ऊपर निकल गया तो क्या होगा? इसके ऊपर यहां पर क्या होगा बताएं, इस जगह पर अगर मार्केट निकल गया तो मार्केट को पहला सपोर्ट ये मिलेगा और दूसरा सपोर्ट ये मिलेगा, दो सपोर्ट हो गए मार्केट के पास के नहीं, अगर मार्केट गिरने लगेगा तो ये भी सपोर्ट देके ऊपर ले जा लेगा इसको, तो एक बड़ा सपोर्ट मार्केट का होगा और मार्केट यहां से बाय करेगा। पॉइंट क्लियर या नहीं? आगे पॉइंट क्लियर, चले आगे, ठीक है। आप एक और चीज, लोगों के पैसे मैं ऐसे ही निकलवा देता हूँ, 45,000 लोगों के मैं आपके 3 महीने के अंदर ही निकलवा देता हूँ, ये लोगों को पता ही है कि बीच बीच में निकालते रहते हैं, ठीक है। और कई लोग पूछते हैं सर आपका प्रोसेस क्या है, इसमें पूछते हैं लोग सर आप कैसे करवाते हैं क्या होता है। देखिए हम, मैं जो काम कराता हूँ मेरा 3 मंथ का, कई लोग पूछते रहते हैं मेरे से कि मेरा 3 महीने का पूरा कोर्स होता है, 3 मंथ का पूरा कोर्स होता है, और इसका जो फीस होती है वो भी 45,000 है, उसे भी आप अभी भी 3,000 का डिस्काउंट आपको ऐप पर मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड करोगे हमारा तो 3,000 का डिस्काउंट मैं और दे रहा हूँ उसमें, तो आपका बने 42,000। 42,000 का मतलब आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनी 14,000, मंथली इंस्टॉलमेंट दीजिए आराम से, 14,000 आपने पे किया मेरे को, आप समझिए 42,000 में से केवल आपने 14,000 पे किया, अब यहां पर आप जुआ खेल रहे हैं, समझिए जुआ खेलना ही है तो यहाँ खेलिए। 14,000 आपने मेरे को पे किए, या तो मैं एक अच्छा मेंटर साबित होऊंगा या एक खराब मेंटर साबित होऊंगा, दो में से एक ही होगा, या तो अच्छा या खराब, समझिए। अगर मैं खराब मेंटर साबित हुआ, मान लिया मैं आपको नहीं सिखा पाया, मेरे से खराब मेंटर है ही नहीं दुनिया में, आप भी बोल के जाएं कि सर आपने नहीं सिखाया, बहुत खराब मेंटर है, बिल्कुल आपका नुकसान कितने का हुआ, केवल 14,000 का, 28,000 आपके पास ही बच गए आपके, आप थैंक टू गॉड करिएगा कि आपके पास इस मेंटर से बच गए और 28,000 हमारे बच गए, लेकिन
अगर दूसरा केस, अगर मैंने आपको सिखा दिया, अगर मैंने आपको सिखा दिया और आपको 1 महीने में लगा कि नहीं बहुत इम्प्रूवमेंट है, तो शायद अगली इंस्टॉलमेंट देने की आपको जरूरत, मतलब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको देने में हिचकिचाहट नहीं होगी। और पहला महीना हम लोग तसल्ली से ट्रेड करते हैं, 1 मंथ ट्रेडिंग पूरी, सॉरी ट्रेनिंग, पूरी ट्रेनिंग 1 मंथ के लिए। जो सेकेंड मंथ होता है इसमें मैं छोटे छोटे लॉट से आपको ट्रेड कराता हूँ, 5 लॉट, सॉरी 5 10 क्वांटिटी, लॉट नहीं क्वांटिटी। उसका रीजन क्या है, आपको अगर मैंने 10 ट्रेड लिए तो आपको ये चेक करने हैं 10 में से कितने अच्छे जा रहे हैं। आपने बोला 8 अच्छे जा रहे हैं या 9 अच्छे जा रहे हैं, आपने बोला बहुत अच्छा है, मैंने भी बोला आपको बहुत अच्छा, लेकिन ये गलती से भी तो हो सकता है। आप अब पूरे वीक चेक करेंगे, क्या पूरे वीक में आपके 8 या 9 जा रहे हैं, आपने बोला यस जा रहे हैं, बिल्कुल आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ, मैंने बोला 10 में से 1 भी अच्छा नहीं गया, तो क्या आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ाएंगे, मत बढ़ाइए, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कीजिए, उसमें इंप्रूवमेंट लाइए। जिस दिन आपको पता लगे नहीं अभी 8 हो गए, फिर से वीक तक चेक करें, क्वांटिटी बढ़ा लें। जो थर्ड मंथ होता है, सेकेंड मंथ में आप कुछ ना कुछ पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, थर्ड मंथ में आप अच्छे खासे पैसे कमा पाते हैं, तो आप सोचिए सेकेंड मंथ में आपने 2,000 भी निकाले तो ये आपकी फीस में से ही तो कम हुए, तीसरे महीने आपने 5,000 6,000 निकाले ये फीस में से ही तो कम हुए सारे, उसके बाद तो आपको कोई फीस देनी नहीं। और मेरा सपोर्ट तो आपका पूरी लाइफ टाइम है, किसी से भी पूछें आप कि मैंने, वो फोन करते हैं मैंने ना उठाया हो, व्हाट्सएप करते हैं, कोई मेंटर अपना फोन नंबर दे के नहीं रखता, मेरा मेरा फोन नंबर आपको हमेशा मिला होता है, मेरा फोन नंबर सबके पास होता है, सारे मेंटर्स के पास जितने भी लोग हैं सबके पास मेरा नंबर होता है, वो आराम से मेरे साथ काम करते हैं, पूरा देखते हैं अब जिस भी समय प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो वो सामने से मेरे को कॉल करते हैं, सर मेरा स्टॉक फंस गया मेरे को क्या करना है, मैं सामने से उन्हें एडवाइस भी करता हूँ। चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर, अब वापस आता हूँ मैं एक पॉइंट पर आगे कि देखिए मार्केट जब ऊपर चलता है तो मार्केट ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ठीक है। यहाँ पर जरा एक पॉइंट को साथ साथ में नोट करते चलना, मैंने कब आपको बाय बताई, मैंने बाय बताई है यहाँ पर, नीचे बाय नहीं करनी है, ये किस लेवल तक जाएगा, 50% तक, और ये बाय आपकी ये बनेगी, राइट। उसके बाद मार्केट दोबारा से यहाँ पर जाएगा इसके ऊपर, ये अगली बाय है, ये अगली बाय है, ये अगली बाय, इसके ऊपर ही बाय करनी है। लेकिन जब मार्केट नीचे गिरेगा तब, अब देखते मार्केट जब नीचे गिरेगा तो मार्केट कहाँ पर आएगा, सबसे पहले सपोर्ट लेगा हाई के ऊपर, फिर सपोर्ट लेगा लो के ऊपर, फिर हाई के ऊपर, फिर लो के ऊपर, हाई के ऊपर, लो के ऊपर, ये इसके सपोर्ट बनते जाएंगे, मतलब मार्केट इसके नीचे जाएगा। सेलिंग कब होगी इसको भी चेक कर लें, सेलिंग कब होगी, ये मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है, ये देखिए ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और सेलिंग कब होगी पॉइंट को नोट करना, ये भी आपके काम का रहेगा। मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, सबसे पहले सपोर्ट लेगा हाई के ऊपर, यहां तक आपको कोई इशू नहीं है, ये है रिट्रेसमेंट, रिवर्सल नहीं है, ये रिट्रेसमेंट है। और मार्केट अगर इसके नीचे आएगा तो सेलिंग साइड एक सोच सकता है मार्केट, लेकिन तब आपको मार्केट सेलिंग में जाएगा जब लो के नीचे जाएगा। आप चेक कीजिए ये लो, ये लो, ये अगला लो, किसी ने कोई सा लो तोड़ा नहीं है मार्केट ने, अब मार्केट पहला लो ब्रेक कर रहा है, तो यहां से यहां तक रिट्रेसमेंट और इसके नीचे रिवर्सल, और मार्केट नीचे आने के बाद टेस्ट किसको करेगा, इस लेवल को टेस्ट करेगा, फिर गिरेगा नीचे, तो मार्केट का एक सिस्टम है। चलिए तो अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, ये मैंने किसी स्टॉक में चेक किया, कोई स्टॉक आप बता दें आपको लग रहा हो तो मैं उसको पहले चेक कर लेता हूं फिर आगे चलते हैं, कोई भी स्टॉक बता दे जिसको हम देख सकते हो, यस एनीवन एनीवन, कोई भी स्टॉक बता जो आपके दिल का हो, मेरे कोई स्टॉक नहीं होते इसलिए मैं अपने स्टॉक पे कोई बोलता नहीं कि मेरा ये स्टॉक वो स्टॉक, मेरा कोई स्टॉक नहीं होता। यस जस्ट डायल, चलिए चलते हैं जस्ट डायल को, और जस्ट डायल को देखने की कोशिश करते हैं, इसको मैंने बता दिया आप कहां पर बाय करेंगे, इसके ऊपर बड़ा प्यारा बाय आपको मिलेगा, तो आप चलते हैं जस्ट डायल पर। मेरे को मजा आता है जब आपका, आप सामने से स्टॉक बताते हैं मेरे को, और एक छोटा सा पॉइंट आपसे और भी यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ इसके बजाय, कि देखिए एक मेरे पास तरीका है कि 5 मिनट, 1 आवर, 1 डे और 1 मंथ, मैं ऐसे देखना शुरू करूं नंबर 1 या मैं नीचे से ऊपर देखना शुरू करूं नंबर 2, कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है बेनिफिशियल? टीवीएस मोटर, बिल्कुल, मैं एक मिनट देख लेता हूं इसको भी, यस बताएं नंबर 2 या नंबर 1, हमेशा नंबर 2,
आप मंथ से शुरू करिए, क्योंकि मंथ से आपको बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाते हैं। जैसे मैंने इसको जस्ट डायल को चेक करता हूँ, तो चेक कीजिए, मैंने क्या किया मंथ में चेक किया, मंथ में मार्केट क्या कर रहा है, पॉइंट को नोट करना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट में चल रहा हूँ, और मेरे कोई स्टॉक नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूँ मेरे कोई स्टॉक होते नहीं। अभी मार्केट ने यहां से यहां तक की रैली कर चुका है। हमने पहला पॉइंट कौन सा डिस्कस किया था, फिबोनैकी। चलिए मैं वापस फिबोनैकी पे, इसको जो मैंने आपको कराया है और जो मैंने टीचिंग करी है अभी तक, उसको मैं जरा एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पर, और मैंने दोबारा से 50 और 61 पे चलता हूँ। अब आपको ये समझ में आ गया है कि मेरे को बाय कब करनी है। देखो यहां से मैं लगा रहा हूँ फिबोनैकी, और मैंने इसे ऊपर तक लगा डाली है। यहाँ पर चेक कीजिए मार्केट इस समय कहां पर बैठा है। यस डॉट जस्ट डायल, बिल्कुल सेम जो हमने करा है, मैं उससे अलग नहीं हो रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो आपको बताऊंगा उससे मैं अलग आपको करके दिखाऊंगा, मैं यही करूंगा। यस बताए टीचर जी, आप लोगों को मुबारक हो। दामोदर जी, यस दामोदर जी तो हमारे साथ में ही है। यस दामोदर जी, टीचिंग जो टीचर्स डे, आपको भी बहुत मुबारक हो। देखिए कोई टाइम आएगा कि आप लोग टीचर बनेंगे, मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग ट्रेडिंग सिखाएं लोगों को, और बहुत सिखाएं, इस ट्रेडिंग को इतना फैला दें, इतना फैला दें कि बच्चा बच्चा ट्रेडिंग करता हो। उस टाइम पर हमारे कंट्री की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। आप देखिए पूरे मार्केट में जब कोरोना टाइम आया तो दो ही लोगों ने अर्थव्यवस्था को संभाला, दो लोगों ने। एक आपके पास ट्रेडिंग थी, एक ट्रेडिंग थी, और दूसरे वाइन फैक्ट्रीज थी। संभाला क्या मतलब, जो बंद नहीं हुए ये, जबकि बहुत अच्छा था ये खराब था। वाइन पीना तो बहुत खराब बात है, तो ये खराब था, लेकिन फिर भी इस टाइम पर ये खत्म नहीं हुए। उस टाइम पर सारे खुले रहे, लेकिन आप समझिए ट्रेडिंग बंद नहीं हुई उस टाइम पर, क्योंकि ट्रेडिंग से बहुत लाखों करोड़ों लोग डे में, एक दिन में ट्रेडिंग करते हैं। फायदा नुकसान बहुत बड़ा बड़ा होता है। अब देखिए ये पॉइंट है, आपको कहां पर बाय करना चाहिए प्लीज मेरे को बताएं। यस जल्दी से बोलें, बिल्कुल जस्ट डायल आपके सामने है और मैं मंथ का चार्ट लगा के बैठा हूं। बाय कहां पर होगी, क्या आपको यहां पर बाय करनी चाहिए? यस एनीवन, दामोदर जी बोल रहे हैं थैंक यू सर, धन्यवाद कि आप मेरा नाम लिए, जरूर आपका नाम रोशन करेंगे। देखो दामोदर जी जितने मेरे लोग हैं मेरे डायमंड हैं, समझिए। मैं कॉलेज में भी सब मेरे को जानते हैं, कॉलेज में बच्चों पे मैं जान देता हूँ पूरा। मैं स्टाफ से लड़ने में दिक्कत नहीं करता, मैं डायरेक्टर से लड़ने में दिक्कत नहीं करता, मैं चेयरमैन से लड़ने में दिक्कत नहीं करता। बच्चे मेरे लिए बहुत स्ट्रांग है। इस ऐसे ही जब मैं इस ट्रेडिंग फील्ड में आया, इस ट्रेडिंग फील्ड में मैं जानता भी नहीं था, समझिए। इस ट्रेडिंग फील्ड को आप सोच रहे होंगे मेरे को 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, नहीं, मेरा प्रोफेशन ही नहीं है। मैं ये गलती से आ रखा हूँ इस फील्ड में, मैं गलती से आ रखा हूँ, समझिए। ये फील्ड मेरा नहीं है बिल्कुल, मैं तो एक प्रोफेसर हूँ, मेरा कोई लेना देना इस फील्ड से नहीं है। 2017 में, 2016 दिसंबर में, ठीक है 2017 ही बोलिए, 2017 में मैं एंटर किया, और इसलिए एंटर नहीं किया कि इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैं जानता भी नहीं था इस फील्ड को। इस फील्ड में मैं किस रीजन से एंटर किया, और वो रीजन अभी भी मेरे पास ही है। मैं इस फील्ड में जब तक टॉप पर नहीं पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल टॉप का मतलब जब मेरे जितने डायमंड्स हैं, अगर मैं 10,000 को सिखा रहा हूं तो 10,000 मेरे एक क्रीम बनने चाहिए। बस मेरा ये मोटो है, जिस दिन मेरा मोटो पूरा हो जाएगा मैं अपनी इस फील्ड से निकल जाऊंगा। मेरे को ऐसा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं फीस का भी बहुत ज्यादा झंझट नहीं पालता। 45,000 फीस इसलिए रखी हुई है कि लोग कम ना आके। मेरा जो ट्रेडिंग थी, अगर आप जानते हैं किसी ने पहले देखा, 500 रुपए में भी चलती थी, 500 रुपए में भी सिखाता था मैं लोगों को किसी टाइम पर। आज 45,000 है, फीस ज्यादा लग रही है, बिल्कुल ज्यादा लग रही है, लेकिन समझिए ये मैं इसलिए कर रहा हूं जिससे भाई लोग कम नहीं आके, ठीक है। कई लोगों को रहता है कि भाई अच्छा अच्छा पैसा ले रहा है तो अच्छा सिखाएगा, कम पैसा ले रहा है तो कम सिखाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे, अब इस पे आगे कोशिश करते हैं यहाँ पर थोड़ा आगे जाने की। अब मैं आता हूं अपने एक मेन पार्ट पर, जिसको हम बोलते हैं इशिमोकू, कैसे वो काम करेगा, राइट है। अब देखिए यहाँ इस पॉइंट पर मैं बोलता हूं कि बाय होगी, लेकिन बाय में यहां पर क्लाउड बेस का क्या यूज कर सकता हूं। अब आते हैं पॉइंट पर, मैं यहां पर से क्लाउड लगाता हूं, पॉइंट को नोट करना। मैं यहां से क्लाउड लगाने की कोशिश करता हूं, और मैं यहां से क्लाउड या कोई भी इंडिकेटर, चलिए पहले इंडिकेटर की बात कर लेते हैं। अगर मैं यहां पर कोई इंडिकेटर लगाता हूं, सपोज मैंने लगा दिया मूविंग एवरेज, चलिए मूविंग एवरेज लेते हैं, और मूविंग एवरेज मैंने 50 का ले लिया। मैंने देखा क्या मार्केट 50 के ऊपर है, यस
बताएं। चलिए मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि ये पर्टिकुलर इंडिकेटर वो पर्टिकुलर, छोड़ दीजिए सारे। मैं बोलता हूँ सिंपल सा इंडिकेटर, मैंने मूविंग एवरेज लिया, क्या मूविंग एवरेज के ऊपर है मार्केट? नहीं है, नहीं है, देखिए नहीं है। कम से कम मूविंग एवरेज के ऊपर तो आएगा ये 50 के, तब तो मैं बाय करूंगा, समझिए। ठीक है, अब मैं चलता हूं आगे और मैंने देखा कि क्या क्लाउड बेस पर बाय आ रही है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए इशिमोकु क्लाउड पर चलते हैं और देखते हैं क्या इशिमोकु क्लाउड पर बाय आ रही है। देखिए क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताएं प्लीज, जल्दी से बोले और उसके बाद हम इसका इंटरप्रिटेशन शुरू करते हैं। यस त्रिलोचन जी, हाँ त्रिलोचन जी कैसे हैं आप? हाँ जी, ये देखिए यहां से आलोक कुमार जी, देखो बाय है, समझिए ये मेरे को मंथ में मेरे को बाय दिखा रहा है, लेकिन मंथ की बाय प्रिडिक्ट कितने महीने में होती है? 2 से 3 महीने में प्रिडिक्ट होती है मंथ की बाय, मतलब कम से कम 1 या 2 महीने लग ही जाते हैं उसमें। आप समझिए मार्केट आपको क्या बोलना चाह रहा है, पूरा मार्केट इशिमोकु क्लाउड पर मार्केट आपको क्या बोलना चाह रहा है। मार्केट बोल रहा है देखिए मार्केट बाय में है, 3 कैंडल उसने बाय की निकाली है, मार्केट नीचे आया था, क्लाउड का सपोर्ट लिया, मार्केट यहां तक गया, लेकिन मार्केट आपको ये भी बोल रहा है कि यहां से बाय मत करो, आपको अगर बाय करना है तो कम से कम 50 के ऊपर मार्केट को जाने दो, नंबर एक। अगर 50 के ऊपर मार्केट चला जाता है तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा कि आप 50% के ऊपर जाने दो, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर पहले मार्केट को आने दो, क्योंकि मार्केट 3 रिट्रेसमेंट ले चुका है, तो मार्केट को कम से कम इसके ऊपर आने दो, और अगर बाय करनी है तो इस 50 के ऊपर बाय करेंगे, ये बोल रहा है मार्केट। तो जस्ट डायल को थोड़ा सा भी वेट करें, क्योंकि मार्केट में अगर मैं मंथ की कैंडल एक देखता हूं तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट ने एक सेलिंग प्रेशर बहुत बड़ा डाल रखा है, देख रहे जितने लोग मेरे साथ होंगे उन्हें पता होगा मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आ रखा है। अब ये सेलिंग प्रेशर को हम जजमेंट करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर चल के। मैंने यहां पर देखा डे, इसी चीज को मैंने यहां पर देखा डे, आप जरा इसको चेक कीजिए, यहां पर डे में क्या हो रहा है, डे में मार्केट देखिए नीचे इतनी बड़ी कैंडल मार्केट ने डाली थी और वापस आ रखा है, 2 बार सेलिंग प्रेशर ले चुका। देखिए मार्केट पहली बार लिया था नीचे आ गया, दूसरी बार लिया नीचे आ गया। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कन्वर्जन बेसलाइन हटा दूं 1%, मैं कन्वर्जन बेसलाइन थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए इसको हटा देता हूं जिससे कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब यहां पर जरा इसको चेक कीजिए, अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मार्केट में एन वेव के हिसाब से हमारी बाय कहां पर आती है? यस, कौन बताएगा हमारी एन वेव के हिसाब से बाय कहां पर आती है? हमने अभी अभी किया था, यस जल्दी से बता दें, एन वेव की बाय मेरी ये है ना, यस या नो? अगर मैं बाय करूंगा अभी तो इस समय कहां पर है? इस समय देखिए मार्केट नीचे आ रखा है, राइट नीचे आ रखा है मार्केट, इसके ऊपर हम बाय करेंगे। और देखो मेरे को क्लाउड भी क्या बोल रहा है, क्लाउड भी बोल रहा है देखो भले ही ग्रीन है लेकिन क्लाउड गलत है अभी, समझिए ये आपका स्पैन बी आ गया और ये आपका स्पैन ए आ गया, स्पैन भी नीचे जा रहा है, आपका स्पैन ए कैसे होना चाहिए अगर ये सही में बाय जाना था, स्पैन ए ऊपर और स्पैन बी फ्लैट, या फिर स्पैन ए ऊपर स्पैन बी भी ऊपर, या फिर स्पैन ए ऊपर और स्पैन बी भी इसके साथ में लग के चले, लेकिन अगर स्पैन ए ऊपर है और स्पैन बी नीचे जा रहा है तो ये गलत है, और अगर स्पैन ए नीचे जा रहा है स्पैन बी भी ऊपर जा रहा है तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। इस समय देखिए आपके पास क्या हो रहा है, इस समय देखिए स्पैन भी नीचे जा रहा है, राइट? तो जब तक ये इसके ऊपर ना आ जाए तब तक मैं बाय नहीं कर सकता, तब तक आप बाय ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और ये कब आएगा, जब मार्केट इसके ऊपर आएगा क्लाउड के तो आपको एक अच्छी बाय देगा, तो थोड़ा सा रुक जाए, राइट है। चलिए दूसरा स्टॉक यूज करते हैं इन्फी, इन्फी को देखते हैं इन्फी क्या कर रहा है, कोई से भी स्टॉक को आप चेक करें फिर आगे चलेंगे। अब देखिए ये आपके पास मार्केट है और अगर मैं इसको फिबोनैकी लगाता हूं पहले तो फिबोनैकी मेरे को क्या बोलती है, चेक करते हैं देखते हैं मार्केट क्या बोल रहा है, उसके बाद हम कोई काम करने की कोशिश करेंगे। इसमें इंडिकेटर बाद की बात है, इंडिकेटर बाद की बात है, पहले आप उसको करना सीखें फिर उसके बाद इंडिकेटर लगाएंगे। ये देखिए ये मैंने पकड़ा, इसको आप चाहें तो यहां से भी ले सकते हैं, ये देखिए रैली यहां से यहां तक गई है, तो यहां से पकड़े आप और इसे यहां तक लगा लें। फिबोनैकी कहां से यूज होती है, ये बहुत जरूरी होता है। इस समय देखिए मार्केट 61 के नीचे ट्रेड कर रहा है, इन्फी 61 के नीचे ट्रेड कर रहा है, अगर ये इसके नीचे आया तो आपके पास एक डाउन कम से कम यहां तक का मिल सकता है आपको, तो बेटर है कि अभी इसे बाय मत करें, अभी इसे थोड़ा सा नीचे आने दें या फिर और नीचे ही आने दें, अभी इसे बाय करना आपके लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, थोड़ा सा रुक जाए, इसको बाय करेंगे तो आपको नुकसान कर सकता है ये, ठीक है। मार्केट ने देखिए क्या किया,
इसको जरा और भी समझ लेते हैं, थोड़ा और पास से समझते हैं। देखिए मार्केट ने 61% को डाउन किया, मार्केट नीचे खुला, नीचे लो पर खुला है, और मार्केट ने देखिए 50% से रिजेक्शन ले लिया, या फिर ऐसे बोले कि ये जो कैंडल थी इसके 50% से मार्केट रिजेक्शन ले चुका है। तो मार्केट अब सेलिंग का बनेगा, अगर इसके नीचे आएगा तो इन्फी में आप सेलिंग कर पाएंगे, भले ही मार्केट ऊपर जा रहा है जाता रहे, लेकिन इसके नीचे आपका सेलिंग का सीन बन सकता है। ठीक है, चलिए और कौन सा स्टॉक बोल रहे हैं, कोई और भी बता दें जो बोल रहे थे, फिर मैं आगे चलता हूँ। थोड़ी झील, झील झील बहुत अच्छी पोजीशन पे अभी नहीं है, मैं इसको और वेट करूंगा कि मार्केट में थोड़ा सा और झील में एक रिट्रेसमेंट आए। ठीक है, इसको मंथ में चेक कर लीजिए, मंथ में देखिए मार्केट जो है, ध्यान से चेक करना झील को, कि मंथ में मार्केट जो रिट्रेसमेंट करता हुआ चल रहा है वो कैसे कर रहा है। ये देखिए 50 मूविंग एवरेज पर रिजेक्शन लेके फिर वापस आ रहा है, रिजेक्शन लिया वापस आ रहा है, तो मार्केट यहाँ तक का एक मूव कर सकता है और फिर एक डाउनसाइड ले सकता है। तो मार्केट में अगर सेलिंग करेंगे तो इसकी कैसे करेंगे, इसको पॉइंट को चेक कर लो। ये आपका जो ट्रेंड लाइन दिख रही है ये लिया मार्केट, अगर मार्केट की ट्रेंड लाइन अगर आपको बाय ही करना है तो कब करेंगे, मार्केट का पॉइंट समझ लो। ये देखो मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे सरवाइव करते हुए चल रहा है अभी, और मार्केट यहाँ से उठा है, कोई छोटा मोटा बाय आप ले सकते हैं, इंट्राडे ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आए और उठे तो आप इंट्राडे ले सकते हैं। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाके दिखा देता हूँ, इसे यहाँ पर चेक करें। अगर मैं डे में देखता हूँ, ये देखिए मार्केट को कब कब आपको बाय करना था, पॉइंट को नोट करना। ये देखो जब जब मार्केट ट्रेंड लाइन पर आए, आप चाहे तो ऐसी भी ट्रेंड लाइन डाल सकते थे, ये देखिए ऐसी ट्रेंड लाइन, और इसके ऊपर भी बाय कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन आपको बाय कब करनी चाहिए, फिर से पॉइंट पॉइंट वहीं पर हम वापस आते हैं एन वेव के ऊपर, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग चीज है अगर आप उसे समझ जाते हैं तो। देखिए अगर मेरे को झील का एक कॉल बाय करना था, कई लोगों ने मेरे साथ कॉल भी बाय किए, झील का अगर आपको कॉल बाय करना था आपको कब करना था, जब ये देखिए मार्केट गिरा यहां से, आप वेट करें इसका, यहां पर कितने दिन वेट किया, 1 2 3 4 फोर्थ डे बाय आई, लेकिन बाय तो मिली ना मेरे को, आप चेक कीजिए यहां पर इसके ऊपर बाय नहीं मिली आपको, इसके ऊपर बाय गई तो देखिए कितनी प्यारी बाय गई ऊपर, राइट। तो आपको क्या करना है, मार्केट ट्रेंड लाइन पर आए जाने दीजिए, लेकिन चाहे तो छोटी एनवे मार्क कर लीजिए, चाहे बड़ी एनवे मार्क कर लीजिए, दोनों में से कोई भी, तो आप वहां पर बाय कर सकते हैं। अगर मैं छोटी एनवे बोलता तो ये एनवे है, मार्केट इसके ऊपर बाय ले गया, अगर मैं बड़ी एनवे बोलता तो मार्केट का ये है, मार्केट इसके ऊपर बाय ले गया, तो किसी के ऊपर भी आप बाय कर सकते थे। अगर मैं झील को इस समय बोलता हूं तो देखिए मार्केट ने क्या किया हुआ है, मार्केट को आपको कहां पर बाय करना चाहिए, मार्केट अभी ट्रेंड लाइन पर आने के बाद देखिए गया है ऊपर, ये चल ही रहा है, ये चल रहा है देखिए, लेकिन मार्केट ने इशू क्या किया हुआ है इस समय, मार्केट जब वापस आना था, पॉइंट को नोट करना, एक और पॉइंट है, मार्केट जब नीचे आ रहा था तो मार्केट का ये सपोर्ट था, समझिए सपोर्ट था मार्केट का, और मार्केट उस सपोर्ट को नीचे आया, ब्रेक करने की कोशिश की और फिर नीचे आ गया, और अभी भी देखिए उसी सपोर्ट से रिजेक्शन ले रहा है। तो अभी मैं इसको बाय नहीं करूंगा, अगर आप बाय करना ही चाहते हैं तो अच्छा जगह कौन सी है इसकी बाय करने की, अगर आप सचमुच बाय करना चाहते हैं तो इसके ऊपर करें, और अगर आपको छोटा मोटा बाय करना चाहते हैं तो ये पॉइंट जो रिजेक्शन का दिख रहा है, ये पॉइंट जो रिजेक्शन का दिख रहा है, अगर कैंडल इसके ऊपर बन जाए तो आप छोटा मोटा बाय कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट में क्लाउड भी ग्रीन है, मार्केट 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है। एक बात का और यहीं पर ही पॉइंट नोट कर ले, वो काम आएगा, कि अगर मार्केट डे टाइम फ्रेम में 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, या ऐसे भी बोल सकते हैं थोड़ा और बड़ा टाइम फ्रेम ले ले, मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ टाइम फ्रेम को, क्योंकि आप उसमें काम करते होंगे 200 मूविंग एवरेज में, मैं 50 के मूविंग एवरेज में काम करता हूँ, तो मैं 200 में काम नहीं करता, मैं 50 मूविंग एवरेज पे काम करता हूँ। ठीक है, तो आप जरा चेक कीजिए, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, वो भी आप ध्यान में रखिएगा, कि अगर डे टाइम फ्रेम में मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आप एन वेव के ब्रेकआउट पर ही बाय लीजिएगा, राइट, चाहे कहीं पर भी ब्रेकआउट आए, आप चेक कर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मार्केट में ये ब्रेकआउट था, इसके ऊपर बाय, फिर मार्केट का ये ब्रेकआउट चलने दीजिए, उसके ऊपर बाय, फिर जब ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट पर बाय लेने बस आप, केवल ब्रेकआउट पे जहां पर भी मिले। इस समय अगर मैं ब्रेकआउट की बात करूं तो देखिए मार्केट जो है करंट ब्रेकआउट कौन सा दे रहा है, इस समय चलिए आगे, ब्रेकआउट कौन सा दे रहा है यहां पर देखिए, कहां पर बाय मिलनी चाहिए आप ही बता दें, इसके ऊपर बाय है कि नहीं है, यस और नो, 200 के ऊपर भी आ जाएगा और बाय भी हो जाएगी, क्लियर है।
तो सबसे अच्छा तरीका है, तरीका जब तक हम तरीके से बाय नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं मिलेगा। अब चलिए एक काम करते हैं, ये देखिए इस समय मेरे को बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, चलिए देखते हैं इसको, देखते हैं ठीक है। इस समय देखिए अगर एक तरीका और भी है ट्रेड करने का, अगर आप चाहो तो मैं बता देता हूँ उसको भी ठीक है। मार्केट को अगर आपको लगता है कि 200 मूविंग एवरेज के हिसाब से मैं बाय करता हूँ, तो मैंने देखा डे में अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 1 घंटे में भी 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और आपने देखा 5 मिनट में भी 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आप एक बाय पोजिशन बना सकते हैं। एक सिंपल सा एक रूल है, आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर चेक कीजिए, अगर चूंकि मैंने 1 घंटे में, ये देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, इसके अंदर कौन सा स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं, जील की, जील में अगर मैं देखता हूँ तो मार्केट 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है 1 डे में, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1 घंटे में जाता हूँ तो मैंने देखा 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मेरी सिमेट्री बिगड़ गई, डे में डाउन में है और 1 घंटे में ऊपर है, सिमेट्री बिगड़ गई। या तो डे में भी ऊपर आ जाए या 1 घंटे में नीचे आ जाए, तो मैं इसके नीचे सेल करने का प्रीफर ज्यादा करूंगा बजाय ऊपर बाय करने के, मैं सेलिंग साइड में रहना ज्यादा प्रीफर करूंगा क्योंकि वो मेरे को ज्यादा अच्छा मूव देके जा सकता है ठीक है। और स्टॉप लॉस कहां पर होगा आपका, 53 के ऊपर आप स्टॉप लॉस इस पे रख सकते हैं, चाहे तो इसके बाय सेलर भी चेक कर लीजिए यहां से, देखिए 16 और 8 ठीक है। आप क्या करें यहां से कुछ क्वांटिटी सपोज में, हालांकि सेल नहीं करनी चाहिए पर चलो कर लेते हैं ठीक है। ये देखिए मैंने मार्केट में सेल भी कर दी आपके सामने, ये देखिए मैंने सेल भी कर दी। सेल क्यों किए मैंने, समझिए सेल क्यों किए मैंने, बाय क्यों नहीं किए, ये तो बहुत अच्छा बाय है, आप समझिए मैं सेल क्यों कर रहा हूँ। यस एनी वन प्लीज एक्सप्लेन करें मैं सेल क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं तो बाय करना चाहिए था मेरे को, तो देखो इसके ऊपर है मार्केट, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम आपको क्या बोल रहा है, बड़ा टाइम फ्रेम आपको सेलिंग बोल रहा है, तो मैं सेल को प्रीफर करने की कोशिश करूंगा राइट है। चलने देते हैं उसको, और हमारा टारगेट क्या होगा बता दे, टारगेट कम से कम यहाँ होगा मतलब 48.49 लगा दीजिए ठीक है। देखते हैं यहाँ पर लगा के छोड़ देते हैं 49, ट्रेडिंग कर रहे हैं आराम से कर रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ मैं 49 पे अपना टारगेट भी लगा देता हूँ, चलिए देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं मिलता। 49 पे मैंने अपना टारगेट भी लगा दिया, सामने चल रहा है देखो आपके, मैंने ऐसा नहीं किया कि अलग से ट्रेड लिया, आपके सामने ले रहा हूँ, फायदा नुकसान आपके सामने ही दिखेगा। और भी देते हैं, और भी देखते हैं, और भी हम शुरू कर देंगे ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं, अब चलते हैं हम और किसी स्टॉक पे ठीक है। और कोई स्टॉक आपका हो तो बताएं, उसको भी मैं देख लेता हूँ जिससे आगे चलूँ मैं। हम लोग का ऐप भी अवेलेबल है, आप चाहे तो प्ले स्टोर में जाके आप वहां से अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में, मोबाइल का जो प्ले स्टोर है उससे भी आप पिनेकल ट्रेनिंग आइकन नाम से अपना ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको फ्री लिटरेचर भी मिलेगा ठीक है, आपको वीडियोस भी मिलेगी, आपको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पर आपको सारे फ्री वीडियोज भी मिल जाएंगे। आप पेड वीडियोज चाहते हैं पेड वीडियोज मिल जाएंगे, आपको कोर्स चाहते हैं कोर्स मिल जाएगा, जैसे आपको अच्छा लगे आप जाके एक जगह पर सारा कुछ देख भी सकते हैं, तो ये चीज आपके काम की हो सकती है ठीक है। चलिए और कोई स्टॉक हो तो बताएं, बाटा इंडिया, चलिए एक बार बाटा इंडिया को भी, केपी मिल भी देख लेता हूं मैं, चलिए एक बार बाटा इंडिया को ऑब्जर्व करते हैं, फिर मैं आपको आगे भी बताने की कुछ कोशिश करूंगा ठीक है। अगर मैं बाटा इंडिया को देखता हूं, और मैं इसको हटा देता हूँ क्लाउड को थोड़ी देर के लिए, फिर मैं क्लाउड को भी थोड़ी देर में वापस लाऊंगा। अब देखिए बाटा इंडिया, ये बाटा इंडिया, बाटा इंडिया का सपोर्ट कहां पर है, पॉइंट को चेक करना। मैंने आपको क्या बताया, मार्केट ये एनवे बनाई, ये नीचे आया और उसके बाद मार्केट ऊपर गया और इस समय नीचे आ रहा है। अब मार्केट में देखो नीचे आया था, मार्केट कौन सा वाला सपोर्ट लिया था, मार्केट के सपोर्ट कौन कौन से बनेंगे, यस सपोर्ट कौन कौन से बनेंगे जल्दी से बताएं, सपोर्ट कौन कौन से, चलिए मैं बना के दिखा देता हूं आपको कौन कौन से सपोर्ट है। पहला सपोर्ट ये देखिए, पहला सपोर्ट ये रहा है मेरे पास जहां पर मार्केट बैठा हुआ है, दूसरा सपोर्ट एनवे का ये है मेरे पास जहां सपोर्ट लेके मार्केट वापस गया, ये देखिए एग्जैक्टली वहां से वापस गया मार्केट सपोर्ट के पास से, और इस समय ऊपर जाने के बाद मार्केट इस सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है यहां पर। अब मैंने किस में चेक किया, आप बोलेंगे कि सर ये तो मंथ में, मंथ में हमें ट्रेडिंग का क्या काम है, पुनीत पुनीत भाटवा जी आप पूछ रहे हैं कोर्स को कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए कोर्स ज्वाइन करने का कुछ नहीं है, आप पिनाकल ट्रेनिंग आइकन ऐप डाउनलोड करें ठीक है, पिनाकल ट्रेनिंग आइकन ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप आराम से ज्वाइन भी कर सकते हैं राइट। एक नंबर में आप चाहो तो मैं यहाँ पर नंबर भी लिख देता हूँ, एक मिनट जस्ट अ मिनट ठीक है, मैं आपको नंबर भी दे देता हूँ यहाँ से, कोई ऐसा इशू नहीं है, और आप पहले आराम से देख ले, आराम से देखने के बाद ही सोचें कि आपको क्या करना है, एकदम से
मत करिएगा, आराम से देख के आराम से सोच समझ के तब करिएगा, राइट। एक मैं नंबर आपको दे देता हूँ यहाँ पर, एक मिनट रुकिए। या मैं एक नंबर आपको दे रहा हूँ, ये नंबर लिख लीजिए, आपको जो भी कोर्स अगर परचेज करना है किसी को तो इस नंबर पे कर सकते हैं। हम चल रहे हैं 7776 93, नोट कर ले सब, जिसको भी चाहिए हो तो ये नंबर मैं दे दूंगा, 7065। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 7766 93 7065। ये अनम्या जी हैं, ये अनम्या जी हैं, आप इनसे डिटेल ले सकते हैं सारा। दूसरा नंबर भी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। मिस्टर मुनीश हैं, उनका भी नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर आपको हालांकि मैंने दिया है, पर नॉर्मली मैं अपना नंबर तब देता हूँ जब लोग मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि उनकी क्वेरी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फंसे होते हैं। 9311835912, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9311835912, ये है मिस्टर मुनीश, मिस्टर मुनीश, मिस्टर मुनीश टाग। आप दोनों में से अनम्या जी को फोन कर सकते हैं, मुनीश जी को फोन कर सकते हैं। डायरेक्ट एनरोलमेंट कराना चाह रहे हैं तो अनम्या जी को कॉल कर लीजिए, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मुनीश जी को कॉल कर लीजिए, अगर आपको कोर्स के बारे में कुछ डिटेल चाहिए, पूछना चाहते हैं कोर्स कैसा होगा क्या होगा, मुनीश जी को कॉल कर ले। और अगर आप पेमेंट करना चाह रहे हैं तो अनम्या जी को कॉल कर ले, वो आपको पेमेंट प्रोसेस में हेल्प कर देंगी, तो आप वहां से भी अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पेमेंट का छोटा सा है, आप ये मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर समझिए मेरा सपोर्ट कौन सा है, पॉइंट को जरा दोबारा से समझना। देखिए मार्केट में इस समय अगर मैं देखता हूं तो मेरा इस समय सपोर्ट, करंट सपोर्ट कौन सा बना हुआ है, यहां पर मेरा सपोर्ट है यहां पर। अब मेरे को यहां पर चेक करना है, देखो मंथ में डाउन आ रहा है, समझिए मंथ में डाउन आ रहा है मार्केट, लेकिन यहाँ सपोर्ट लेगा नहीं लेगा ये मेरे को मंथ नहीं बता सकता, ये मंथ नहीं बता सकता, मेरे को छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके यहां पर क्या चेक करूंगा, बताएं कोई बताए प्लीज, यहां पर क्या चेक करेंगे बताएं, यहां पर क्या चेक करना है, कम से कम डे टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल तो बननी चाहिए मेरा कि नहीं, अगर ये सपोर्ट एग्जिस्ट करेगा तो देखते हैं। चलिए मैंने यहां पर देखा और मैं गया डे टाइम फ्रेम में, देखिए डे टाइम फ्रेम में क्या मार्केट जा रहा है नीचे, या सॉरी सपोर्ट ले रहा है ऊपर या नहीं, मेरी फिबोनैकी यहां काम आएगी कि नहीं, यस बताएं मेरी फिबोनैकी काम आएगी यहां पर या नहीं आएगी, जल्दी से बताएं क्या मेरी फिबोनैकी यहां पर काम आ सकती है या नहीं, एनीवन क्या मैं लगा दूं यहां पर फिबोनैकी या नहीं, यस बिल्कुल आलोक जी यहां पर फिबोनैकी काम आएगी, यहां पर फिबोनैकी नहीं लगाई तो कोई फायदा नहीं है। ये देखिए मैंने फिबोनैकी लगा दी, मार्केट कहां बैठा है, इसको इधर कर देता हूं, मार्केट कहां बैठा है 50% पर, समझिए मार्केट 50% पर बैठा है, और मार्केट कहां चल रहा है 61% के पास में, मार्केट 61 से उठना चाहिए और 50 के पास जाना चाहिए और यहां से मेरी बाय होगी, या फिर अगर मैं देखता हूं तो मार्केट यहां से रिजेक्शन लेके, समझिए यहां पर बाय का क्या तरीका होगा, बाय का तरीका होगा या तो ये आपका जो कैंडल आपको दिख रही है ये बैक मार के यहां पर रुक जाए ऊपर, मतलब इसको बोलेंगे रिजेक्शन, और बड़ा करिए, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से पॉइंट को सुनिए प्लीज, मैं ये बोल रहा हूं कि मार्केट अगर 50% से नीचे आ रहा है और ये इसका सपोर्ट लेवल है तो मार्केट को यहां से बैक मार के इसके ऊपर रुक जाना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए, या फिर मार्केट अगर 61 पर आएगा तो 61 पर मेरे को बाय नहीं करनी है, मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा। सर क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, देवेंद्र जी मैं असल में ये आप पूछ सकते हैं उनसे, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ जो सितंबर वाला बैच है वो अभी हमारा जो सितंबर 8 को स्टार्ट हो रहा है वो फुल हो चुका है, तो वो वाला पूरा फुल हो गया, उसमें सीट नहीं मिल पाएगी। हमारा 4th वीक में स्टार्ट हो रहा है, सितंबर 4th वीक में, और ये इसका टाइमिंग था 9 to 10 नाइट में, और इसका टाइमिंग मिलेगा रात में 8 से 9, 8 PM to 9 PM,
और इसका डेज रहेंगे TTS, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ये रहेगा आपका क्लास का, ये रहेगी क्लास। और सुबह आपके पास 11 to 12:30 ये रहेगा लाइव ट्रेड, और ये रहेगा मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 11 to 12:30 लाइव ट्रेड, कंपलसरी नहीं है लाइव ट्रेड, नहीं आना चाहते मत आइए, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाती है, लेकिन ये जो आपकी क्लासेस है इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं जाती है, तो इसको अटेंड करना कंपलसरी है, बस ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब जरा हम वापस आते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं मार्केट यहाँ करता क्या है, और अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके क्या देखूंगा, मेरे को बताएं, यस जल्दी से बताएं, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके मैं क्या देखूं, आपके सामने लाइव चल रहा है इस समय, यस एनीवन, क्या देखना चाहिए जल्दी बताएं, एनीवन जल्दी से बोले, छोटे टाइम फ्रेम में अब ऊपर का रिट्रेसमेंट बनना चाहिए कि नहीं बताएं, चले जरा छोटे टाइम फ्रेम पर 1 घंटे पे देखते हैं, चलिए ये मेरा 1 घंटा आ गया, अब 1 घंटे पे क्या होना चाहिए बाटा इंडिया में बताएं, मार्केट ने जरा और समझते हैं मार्केट को, यहां पर मार्केट ये ऊपर गया, ध्यान से पॉइंट को चेक करना, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने रिट्रेस किया, रिट्रेस किया, और मार्केट यहां से तोड़ के इसको नीचे आ गया, तो इसका रेजिस्टेंस कौन सा बन गया, आप जल्दी से बता दें, यस कौन बताएगा इसका रेजिस्टेंस कौन सा बन गया, जल्दी जल्दी, बिल्कुल ट्रेडिंग कर रहे हैं आप लोग, ट्रेडिंग में बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मार्केट का क्या करेगा, मार्केट नीचे आया, अपना रेजिस्टेंस यहां से लेगा और फिर गिरेगा, तो कम से कम मार्केट को किसके ऊपर जाना चाहिए, यस कम से कम मार्केट को कहां जाना चाहिए, इस पर सपोर्ट लेना चाहिए मार्केट को, तब जाके मार्केट कोई बाय का मार्केट बना सकता है। टाटा स्टील, टाटा स्टील भी चलिए देख लेता हूं मैं 2 मिनट। देखिए मार्केट को अगर बाटा इंडिया की बात करते हैं, इसके ऊपर जाना चाहिए, एक पॉइंट नोट कर लो आपके काम का रहेगा, मैं कुछ छुपाता नहीं, मैं सब बताता रहता हूँ, मेरे से तो लोग इसलिए परेशान रहते हैं कि ये सब खूब बताते हैं, आधे लोग मेंटर से किसलिए परेशान रहते हैं, यस कोर सत्यम कुमार जी, कोर्स कैसे बाय करने, ये सत्यम जी मैंने अभी आपको बताया, आप ऐप डाउनलोड कर ले पिनेकल ट्रेनिंग आइकन, उस पर आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, वहां से ही आप बाय कर पाएंगे, या अनिम्या जी का मैंने नंबर दिया है, वहां से भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। एक देखिए होता क्या है, लोग मेंटर से क्यों परेशान रहते हैं, ठीक है, मेंटर से किस लिए, 2 तरीके से लोग परेशान रहते हैं, और मेरे से लिए भी लोग परेशान होते होंगे, लेकिन मेरे से किसी और रीजन से परेशान होते होंगे लोग, होते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि जो टीचर ये स्टूडेंट होता है वो ये चाहता है कि मेंटर मेरे को सब कुछ बता दे और बाद में मैं मेंटर से भी आगे निकल जाऊं, इतना बता दे कि मेंटर मेरे को इतना बता दे, कोर्स फी 45,000 है, इसमें 45,000 है, अभी आपको 3,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपकी फीस हो गई 42,000, ठीक है, और इसमें आप 14,000 की इंस्टॉलमेंट आपकी बनेगी 3, ये आपका पूरा फीस रहेगी जो आप देंगे, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा फीस कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको 14,000 देने हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई एक साथ सारे नहीं देने, आप 4,000 रुपये पहले जमा कर दें, और आराम से जब क्लास शुरू होगी उससे 1 या 2 दिन पहले आप बाकी 10,000 रुपये जमा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। मैं चाहता हूँ किसी तरह बस आप ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग कर ले आराम से, और मेरे ग्रुप में हमारा जो ग्रुप होता है ये भी ध्यान रखिएगा, हमारा जो बैच बनता है, बैच में मैं 10 से 12 लोग लेता हूँ बस, मैं नहीं लेता ज्यादा, मेरे को पसंद नहीं है कि 50-60 लोग या 100 लोग आ जाए, फिर वो बिल्कुल आप समझिएगा 100 लोग आ गए या 50 लोग आ गए, एक एक ने क्वेश्चन पूछा तो 1 घंटा तो हमारा वहीं निकल गया, मैं तो खुश हो जाऊंगा कि भाई चलो मेरा टाइम निकल गया, लेकिन आप लोगों ने क्या सीखा, समझिए आप लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा, आप लोग तो केवल भीड़ भीड़ में ही रह जाएंगे, इसलिए मैं ये वाला कंसेप्ट लेता ही नहीं, 10-12 लोग लो और उनको तसली से, इनके क्वेश्चन आंसर मेरे मुश्किल से 10 मिनट में निपट जाएंगे सारे क्वेश्चन आंसर, और फिर बाकी टाइम हम पढ़ाई कर सकते हैं, इसलिए मैं 10-12 लोगों का ही ग्रुप लेता हूँ, इससे बड़ा ग्रुप ही नहीं लेता मैं, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया होगा ये पॉइंट आपको। अच्छा एक पॉइंट और छोटा सा मैं बता देता हूँ, प्लीज मेरे नहीं तो दिमाग से चला जाएगा, पॉइंट को नोट करना कि मार्केट सपोज नीचे गिर रहा है, पॉइंट ध्यान से नोट करें, मार्केट सपोज नीचे गिर रहा है ऐसे, ये मार्केट नीचे आ रहा है, पॉइंट को ध्यान से नोट करना, मेरे पॉइंट लोगों को बहुत धीरे धीरे समझ में आते हैं, लेकिन जब समझ में आते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, ठीक है। अब मार्केट ऊपर चलेगा, ध्यान से पॉइंट को नोट करना, मार्केट ऊपर चलेगा चाहे कितनी भी एनवेव यहां पर बना ले, आप उसमें एंट्री मत करना,
आपका मार्केट सबसे पहले रेजिस्टेंस किसका लेगा? सबसे पहले लेगा लो का रेजिस्टेंस, क्लियर है? और जैसे ही आपको पता लगे मार्केट लो का जो भी रेजिस्टेंस लिया है उसके ऊपर आ गया, तो शायद आप सोच सकते हैं शायद कोई बाय आ जाएगी, शायद, पर बाय होगी नहीं अभी, बाय का एक सिम्टम बनेगा। और मार्केट देखिए ये हाई को ब्रेक करता हुआ नहीं आ रहा है, पॉइंट को एक और समझना, ये देखिए मार्केट नीचे आया था, रिट्रेसमेंट किया, लॉजिकली तो मार्केट को इसके ऊपर निकल जाना था, मार्केट नहीं गया, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ चलना शुरू कर सकता है। मार्केट फिर से नीचे आया, मार्केट यहां पर आया, नहीं गया इसके ऊपर, तो देखो मेरे जो हाई है वो लो में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, मतलब डाउन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, और ये ट्रेंड टूटना चाहिए कि नहीं। और ऐसे ही ये देखिए ये लो है, पॉइंट को समझना, हाई लो में लोग बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, ये देखिए आखिरी लो ये लो है, ये भी देखिए इसका भी सिस्टम ब्रेक नहीं हुआ, ये डाउन डाउन में चलता जा रहा है, और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर चलता है तो मेरा पहला वाला लो ब्रेक होने पर, पहला वाला लो ब्रेक होने पर ये जो सिस्टम है लो का ये टूट गया, समझिए ये लो का सिस्टम टूट गया। अब मार्केट में पहला लो मेरा ब्रेक हो गया, ब्रेक का मतलब ऊपर की तरफ ब्रेक, तो ट्रेंड रिवर्सल की तरफ ब्रेक हुआ है। अब मार्केट जैसे ही इसके ऊपर चला तो अब एक और कंस्ट्रेंट है इसमें, एक और मुश्किल है जो कि अभी ब्रेक नहीं हुई है, वो है हाई। ये देखिए ये हाई अभी ऐसे कैसे बने हुए हैं, और आखिरी हाई मेरा ये रहा है। तो मार्केट ने पहले लो को ब्रेक किया, मार्केट को एक सपोर्ट मिला, मार्केट ऊपर जाके हो सकता है यहां से एक बार ऐसे नीचे आके रिट्रेस करके जाए, लेकिन बाय आपकी इसके ऊपर, हाई के ऊपर यहां पर बाय बन जाएगी, समझिए। तो इसके ऊपर आपका पहला लो टूटा और बाय की साइड मार्केट चला, और हाई टूटने पर आराम से मार्केट बाय लेगा, क्योंकि यहां से अगर गिरने भी लगा तो लो इसको सपोर्ट दे देगा, ठीक है। इसी कंसेप्ट को अगर मैं यहां पर देखता हूं तो जरा चेक कीजिए, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ये नीचे आया, ऊपर चला और मार्केट नीचे, तो अगर मार्केट ऊपर चलने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले रेजिस्टेंस उसको इस लो का मिलेगा, पॉइंट को नोट करना, इस लो का रेजिस्टेंस इसको मिलेगा यहां पर, और मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस लेके देखो नीचे जा रहा है। अगर मार्केट को बाय में सचमुच में जाना है तो मार्केट को इस लो को क्रॉस करना पड़ेगा, और इसकी बाय कहां पर आएगी, कम से कम इस वाले जोन, इसके ऊपर बाय आएगी इसकी, और मार्केट कम से कम इसके ऊपर जाना चाहिए, पॉइंट नोट। तो अब जरा हम और पास में चलते हैं, देखते हैं यहां पर। अच्छा चलिए, कई लोगों को इश्यू होता है कि सर यहां पर हम इशिमोकु लगाएं तो क्या होगा, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। और मैं बोलता हूं मैंने अगर इशिमोकु लगा दिया तो क्या मेरे को इशिमोकु बाय बोल रहा है, यस या नो, बताएं आपका इशिमोकु किसके ऊपर बाय बोल रहा है, एग्जैक्टली इसके ऊपर, ठीक है, चेक करें यहां पर कि इसके ऊपर मेरी बाय है, क्लाउड भी बोल रहा है इसके ऊपर बाय है, समझिए क्लाउड कैसे हेल्प कर रहा है, इशिमोकु क्लाउड कैसे हेल्प कर रहा है, क्लाउड आपको बता रहा है कि देखो क्लाउड में अंदर जा रहा है मार्केट, और अभी डाउन साइड में मार्केट जा रहा है, एक रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे गया है ये देखिए, और मार्केट को बाय आनी है तो इसके ऊपर आएगी। देन आप चाहे तो पास में जाके देख ले, अब मैं इसको 5 मिनट में चलता हूं, तो आप बताइए 5 मिनट में जिसने क्लाउड करे हुए हैं क्या क्रॉसओवर हो गया, यस क्रॉसओवर हो गया, नहीं हुआ, पहले कम से कम क्रॉसओवर तो होगा, तब तो देखो चीको स्पेंड भी कितना दूर है, ये आनी चाहिए, कम से कम बेस लाइन को क्रॉस करेगी, अगर बेस लाइन को क्रॉस करेगी तो यहां कहीं क्रॉस करेगी तो यहां पर ऊपर बाय बनेगा आपका, ठीक है। तो अभी बाय मत कीजिए इसे, अब दूसरा कौन सा बोल रहे हैं, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, एचडीएफसी, चलिए देख, केवल स्टॉक में एनालाइज करके दिखा रहा हूं, मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं आपको बाय सेल बताऊं, ना ही मैं बताता हूं, मैं केवल स्टॉक को एनालाइज करके आपको दिखा रहा हूं कि स्टॉक में एनालिसिस में होता क्या है। यहां पर चेक कीजिए, ये आपका पॉइंट को नोट करते जाना, छोटा छोटा पॉइंट है और ये आपके काम के हैं। अब देखो अगर मैं यहां पर देखता हूं तो आपको शायद ध्यान आ रहा होगा कि ये एग्जैक्टली मार्केट देखो एक रेजिस्टेंस के पास में बैठा है, और अगर मैं इसकी फिबोनैकी लगा देता हूं तो फिबोनैकी भी मेरे को क्या बोलेगी, मैं ये भी दिखा देता हूं आपको, ठीक है। ये अगर मैं फिबोनैकी इसकी लगाता हूं तो पॉइंट को चेक करना, और हमने झील भी नहीं देखा, मेरे को क्या नुकसान फायदा दे रहा होगा, बता ही देना, आप ही बता देना मेरे को, ठीक है। एक बार आपने लगा दिए अपने पॉइंट्स, टारगेट, स्टॉप लॉस, उसके बाद आराम से बैठी, जबरदस्ती नहीं करनी होती, ठीक है। ये देखिए इस पॉइंट से मैं चला, ये मेरा लो है और मैं ऊपर चलता हूं और मार्केट का ये हाई, कहां से मार्केट वापस गया जरा बता दे,
बिल्कुल, कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं? एचडीएफसी, एसडीएफसी, एचडीएफसी बताएं कहां पर जा रहा है? 61 से रिट्रेस किया, 50 पर बाय करना था और अभी बाय में है, राइट? अब अगर इसके ऊपर मार्केट सपोर्ट लेगा तो मेरे को बाय करनी चाहिए या सेल? देखें जरा, यस बताएं, इस समय बाय का सीन है या सेल का सीन? सेल का सीन है, बताएं। यस आलोक कुमार, 60, हाँ बिल्कुल 61 के ऊपर बाय होनी थी। यस, चेक करें मार्केट, देखो मार्केट ने पहला लो अपना क्रॉस किया, ये देखिए मार्केट का पहला लो था, ये मार्केट क्रॉस कर चुका। यहां से जब बाय आएगी तो आप यहां तक की बाय उठा सकते हैं, लेकिन लॉजिकली बाय इसके ऊपर आती है जो सीएनसी है। अब मैंने आपको क्या बोला, नीचे से आप इंट्राडे करें और इसके ऊपर सीएनसी बनाएं। और पास में चलते हैं जरा इसको, और बाद में देखते हैं। ये देखिए 1 घंटा, 1 घंटा इस समय क्या कर रहा है, ये बताएं, क्या मैं बाय कर लूं? चलो बताएं प्लीज, बाय करूं या सेल करूं, बताएं जल्दी से बोले, मैं बाय कर लूं या सेल करूं, जल्दी से बोले, आपके हिसाब से मैं कर लेता हूं बाय। बिल्कुल, ये देखिए बाय हो गया, नुकसान फायदा सब आपके साथ में ही है। देखिए झील, देखिए झील निकल भी गया हमारा, राइट, हमने ध्यान भी नहीं दिया, वो निकल भी गया। अब देखो एचडीएफसी, देखो मेरा नुकसान में, पॉइंट को नोट करना, एचडीएफसी मेरा नुकसान में है। देखो मैंने रखा हुआ है इसको, रख रहा हूं आपके सामने ही रख रहा हूं इसको, मैं क्यों बाय की साइड में रख रहा हूं, कोई बताएगा बाय साइड में क्यों रख रहा हूं मैं? यस, आपके सामने ले लिया मैंने इसको, आपके कहने पर ले लिया, मैं अपना भी नहीं ले रहा हूं, मैंने आपके कहने पर इसको ले लिया, राइट। अब इसको चलते हैं और मैं, चलिए क्लाउड बेस पर भी इसको देख लेता हूं, क्लाउड बेस पर मार्केट क्या कर रहा है, बताएं क्लाउड बेस पर बाय बोल रहा है सेल बोल रहा है मेरे को, आप बताएं, यस एनीवन, क्यों त्रिलोचन जी, बाय है सेल? एंड वेव का सपोर्ट पर है, बिल्कुल रवि जी, यस आलोक जी, वीरेंद्र जी, बिल्कुल बाय का सपोर्ट है, लेकिन देखो अब मार्केट कहां तक आ सकता है। अब जरा प्लीज पॉइंट को दोबारा नोट करना, अब इसका पहला सपोर्ट कौन सा बना, फिर हटा दिया मैंने इसको, अब मेरा सपोर्ट कौन सा बना, मैं सपोर्ट बनाता हूं मार्केट का, मार्केट कहां तक नीचे आएगा? यस, अगर मैंने बोला मेरा मार्केट जो है वो नहीं आया मेरे हिसाब से, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं मेरा मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चला, मैं बोलता हूं मेरा मार्केट गिरेगा, तो देखिए पहला सपोर्ट मार्केट का ये होगा ना, एनवेव का मार्केट उसी पे सपोर्ट लेके बैठा है। अब मेरी सेलिंग कहां पर होगी, ध्यान दीजिए, अगर मेरी कोई सेलिंग होगी तो इसके नीचे ही होगी, और मार्केट देखिए कितना, कितने घंटे हो गए इसके ऊपर सपोर्ट लिए हुए, यस कितने घंटे हो गए, आज 5 तारीख है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे, 3 घंटे से मार्केट यहीं पर बैठा है। देखो नुकसान आ रहा होगा, मैं दिखा देता हूं, देखिए मैं अपने नुकसान फायदे कभी छुपाता नहीं हूं, ये देखिए नुकसान है, चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी इसे बाय साइड में लेके बैठा हूं, क्योंकि ये बाय साइड है, अगर मैं इसे यहां पर कन्वर्ट भी कर दूं सीएनसी में, ये देखिए मैं इसे सेल साइड नहीं ले रहा हूं, समझिए क्यों नहीं ले रहा हूं सेल साइड, जल्दी से बताएं, मैं इसे सेल साइड क्यों नहीं ले रहा हूं, यह समझ आया सबको, मैं इसे सेल साइड में क्यों नहीं ले रहा हूं, पहले मेरी डायरेक्शन तो क्लियर हो, मैं कहां जाऊंगा, क्यों अनवर जी, राजेंद्र जी, स्नेहल जी, स्नेहल जी कैसे हैं? यस, मैं बाय करके बैठा हूं, मैं सेल करके नहीं बैठा हूं, क्योंकि एनवे ब्रेक हुई है यहां पर, अगर मैं कोई कॉल लूंगा तो मैं यहां से कॉल के लिए जा सकता हूं, मैं यहां से पुट के लिए नहीं जा सकता, या तो मैं पुट सेल करूंगा या मैं कॉल बाय करूंगा, कॉल बाय के केस में अगर मैं कॉल बाय करूंगा तो उसमें थीटा ज्यादा लगेगा, तो रखने में मुझे इश्यू होगा, राइट, अगर मैं कॉल बाय करूंगा तो मैं उसे रखने में इश्यू होगा, इसलिए मैं पुट बाय करूंगा, पुट सेल करूंगा तो उसमें मेरे को थीटा का फायदा मिल जाएगा, मैं रख के बैठा हूं, देखिए मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके बैठा है और मैं यहाँ रख के बैठा हूं, तो इसको अगर आप सीएनसी में डालेंगे, मैंने आपको अभी अभी एक चीज बताई थी, समझिए पॉइंट को प्लीज समझिए, काम आएगा आपके। देखो मैं अभी क्या बोला था मैंने आपको कि मार्केट में ये देखिए ये लो था, ये आया मार्केट नीचे, ठीक है मार्केट नीचे आया, अगर मार्केट की यहाँ हाई ब्रेक होता है और आप किसी रीजन से यहाँ बाय लेंगे तो मैं यहाँ पर एमआईएस करूंगा, और कब तक एमआईएस करते रहूंगा, जब तक ये एनवे ब्रेक करेगा, और जब इसके ऊपर चला जाएगा तो मैं सीएनसी लेने की कोशिश करूंगा। अभी मेरा अगर टारगेट होना चाहिए तो कहां तक, मेरा टारगेट यहां तक होना चाहिए बस, और रीजन क्या है आप यहां पर चेक करें, मार्केट किस लिए ये इशू कर रहा है, क्यों इसके बीच में फंस गया, बताएं मार्केट क्यों फंस गया इसके बीच में, यस एनीवन,
क्यों रवि जी, ये सपोर्ट भी है और ये सपोर्ट भी है। देखो मार्केट इस सपोर्ट से नीचे नहीं जा पा रहा है और इस सपोर्ट से ऊपर, ये रेजिस्टेंस हो गया मार्केट का, इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो मार्केट क्या मजबूरी है कि मार्केट बीच में फंसा हुआ है। देखिए समझिए, मार्केट बीच में फंसा हुआ है। अब मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट को एक झटके से इसके बाहर निकलना पड़ेगा, या हो सकता है कल इसके ऊपर खुले या परसों इसके ऊपर खुले। इसके ऊपर मार्केट खुलेगा तो बाय साइड ही है, फिर आपकी सेल साइड नहीं बनेगी। क्यों? तो अभी मार्केट, इस मार्केट को हम क्या बोलेंगे, यस इस मार्केट को क्या बोलेंगे, साइडवेज। लेकिन नीचे से आपको यहां पर क्या दिख रहा है, नीचे से देखिए मार्केट ने 2 दिन डाउन लिए हैं और उसके बाद मार्केट यहां पर बाय की साइड में चलने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट एकदम से डाउन नहीं जाएगा, आप समझिए। अगर मैं यहां पर देखूं मार्केट में कि मार्केट में क्या हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं इस समय, मैंने सेल साइड नहीं ली है। समझिए, मैं यहां पर टारगेट भी लगा लेता हूं, 61 का टारगेट लगा लेता हूं, ठीक है, ज्यादा मैं रखना नहीं, केवल आपके स्टॉक में यहां पर दिखा रहा हूं, 61 पे मैं टारगेट लगा देता हूं। ये मैंने 61 पे टारगेट भी लगा के छोड़ दिया, ठीक है। ये देखिए आपके सामने टारगेट भी लगा हुआ है ये, और मार्केट जितना भी, आप पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं अगर आप चाहो। आपको लगता है कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करना, और पार्शियल प्रॉफिट का रूल क्या है, जितने आपने स्टॉक लिए हुए हैं अगर उसका 2 गुना या 3 गुना आपको प्रॉफिट दे रहा है तो आप चाहे तो उसमें से पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या अगर आप चाहो कि मेरे को अपना टारगेट हिट करना है तो टारगेट करा लीजिए। देखिए आपके सामने चल रहा है, हमने कितने स्टॉक बाय किए, आप चेक करें हमने कितने स्टॉक बाय किए सुबह से, तीन तीन ट्रेड लिए, कितने माइनस है अभी तक भी। देखें हम लॉजिक के हिसाब से बात कर रहे हैं, मैं कोई आपको अलग से नहीं दिखा रहा हूं, कोई ऑप्शन चेंज नहीं, कुछ नहीं करता हूं मैं, करता ही नहीं, मैं केवल लॉजिक के हिसाब से बात करता हूं, पूरा और कंप्लीट लॉजिक। मार्केट एनवेव के ऊपर गया है और मार्केट देखिए बाय साइड चलेगा, कि आज तोड़ेगा या कल तोड़ेगा इसको, लेकिन मेरे को यहां से सीएनसी रखनी है। समझिए, आप इसको पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। देखिए अगर मैं सपोज ऐसे बोलूं कि चलो मैं पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करके दिखा देता हूँ, मैं सपोज 58 पे बोलता हूँ कि कुछ क्वांटिटी मेरी 58 पे निकल जानी चाहिए, 58 पे सपोज मैं बोलता हूँ 15 क्वांटिटी मेरी निकल जानी चाहिए, ये देखिए राइट। इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, 1 मिनट, क्योंकि क्वांटिटी मेरे को हटानी पड़ेगी। ये देखिए कितना हुआ, 10 क्वांटिटी बची हुई है। आप चाहे तो स्टॉप लॉस के साथ में इसको हटा लें, या डायरेक्ट हटाना चाहे डायरेक्ट हटा लें। इसको भी आप चाहे तो इसका भी टारगेट लगा सकते हैं, 69 68 जो भी आप लगा लें, मैं 59 पे लगा लेता हूँ इसको। ये देखिए 59 पे जाएगा, ये भी टारगेट हट गया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट बाय रखना चाहे बाय रख लीजिए, लेकिन इस समय सेल तो नहीं है ना। यस बताएं, क्या सेल है इसकी, नहीं है। चलिए राइट, अब चलते हैं वापस निफ्टी पे। ये मैंने आपको बता दिया तो एचडीएफसी की बाय बन रही है, लेकिन लेकिन इशू क्या है इसमें, एक इशू ये है कि ये ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा है। अच्छा है कि इसके ऊपर जब कैंडल खुले तो आप बाय कर लें, ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा, मतलब ज्यादा सेफ तरीका रहेगा, ठीक है। चलिए वापस निफ्टी के ऊपर चलते हैं, हमने निफ्टी को बहुत देर से छोड़ा हुआ है, निफ्टी को छोड़ना अच्छी बात नहीं है, यहां पर चलते। चलिए निफ्टी अब क्या कर रहा है, देखिए हमने मार्केट एक रेंज ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, पॉइंट क्लियर हिंडालको। चलिए एक बार निफ्टी अभी रेंज ब्रेक कर रहा है, करने दीजिए इसको, हिंडालको को चेक करें। चलो हिंडालको भी देख लेता हूं मैं, कोई इशू नहीं है। ये देखिए हिंडालको में बिल्कुल सेम केस हो रखा है कि नहीं, देखिए क्या दिख रहा है आपको हिंडालको में। मार्केट अपना एक जो एनवेव थी जहां से मार्केट सेल करके आया था, मार्केट उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर अब रुक जाता है, अगली कैंडल अगर इसके ऊपर खुलेगी तो आप यहां गैप तक का एक बाय उठा पाएंगे, समझिए ठीक है। यहां पर चेक कर लें, आपको इसमें अगर बाय करनी थी तो देखो जैसे ही ये ब्रेक हुआ था बाय होनी थी, जब ये ब्रेक हुआ था ये वाला तो देखिए तब बाय होनी थी, मतलब एक बाय यहां पर, एक बाय यहां पर, अब एक बाय यहां पर बनती है जहां पर मार्केट है। लेकिन मार्केट को ऊपर सस्टेन करने दीजिए एक बार, मतलब ये जो मेरी कैंडल है ये ऊपर ऐसे क्लोज देनी चाहिए, अभी मार्केट ने क्लोज नहीं दिया है। मनोज जी हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू, सेम टू यू मनोज जी, ठीक है। आप लोग खुश रहे, आराम से ट्रेडिंग करते रहे, बहुत बड़े डायमंड बने और बहुत अच्छे से ट्रेडिंग करें, आपका घर बहुत पैसे से भरा रहे, ठीक है, और आपके जिंदगी में कोई परेशानी पैसे की वजह से कभी ना आए, जिंदगी में इतना पैसा हो कि कम से कम पैसे की तरफ आपको देखने की जरूरत ना पड़े, प्लीज। इतना मैं इतनी ऊपर वाले से आपके लिए भाई दुआ करता हूँ कि ऐसा हो,
और इतना पैसा आपके पास आए, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखिएगा मेरे ट्रेडर भाई बहन जो भी हैं आप सब लोग, ठीक है, बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास पैसा आ जाए, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, पैसा आए आपको जमीन पे रहिएगा, बस बुरा लगे अच्छा लगे लेकिन ध्यान रखिएगा, पैसे अगर आपके पास कितना भी आ जाए, करोड़ों अरबों रुपए भी आ जाए, बस जमीन पे रहना, पैसे को कभी सर पे मत चढ़ने देना, राइट, पैसे को सर पे मत चढ़ने देना, क्योंकि पैसा आपको या तो जेब में अच्छा लगेगा, पर्स में अच्छा लगेगा, वॉलेट में, या फिर आपके बैंक में अच्छा लगेगा, आपके सर पे पैसा कभी अच्छा नहीं लगेगा, राइट, सर पे आपकी ईमानदारी, आपकी ईमानदारी, आपकी सिंसेरिटी, आपका डिसिप्लिन, यही अच्छा लगेगा आपके सर पे, पैसा अच्छा कभी नहीं लगेगा। आप अगर सर पे पैसे का पूरा ताज बना लोगे, आपको कोई भी अच्छा नहीं बोलेगा। अगर आप पूरा अच्छी मुकुट बना लो और लेके मार्केट में घूमोगे, कोई आपको अच्छा नहीं बोलेगा, ठीक है। इसलिए पैसे को आप किनारे रखना, पैसे को बिल्कुल इतनी अहमियत मत देना कि सब कुछ छोड़ दो पैसे के लिए। समझिए, पैसा आप कमा रहे हो, पैसा किस लिए कमा रहे हो? पैसा आप कमा रहे हो अपने परिवार के लिए, समझिए, अपने दुख सुख के टाइम के लिए, अपने कुछ जरूरतें पूरी करने के लिए। लेकिन पैसा आप इसलिए नहीं कमा रहे कि आप परिवार खो दो, अपने रिश्ते खो दो, अपने सारे दोस्त खो दो, इसलिए आप पैसा नहीं कमा रहे हो। इसलिए पैसे को हमेशा अपनी या तो अपनी जेब में रहने देना, वॉलेट में रहने देना, बैंक में रहने देना, कहीं पर भी रहने दो, लेकिन सर पे मत रखना पैसे को, बस ध्यान रखना। और दूसरा, मैंने आपको हमेशा ये बताया है, अगर आप 100 रुपए प्रॉफिट करते हो, पॉइंट को ध्यान देना, अगर आप 100 रुपए प्रॉफिट करते हो, तो इसमें 10 रुपए, 10 रुपए अपने घर के लिए कहीं ना कहीं यूज करो प्लीज, ठीक है। 10 रुपए घर के लिए आप यूज करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आपने बोला कि ठीक है मैंने 1,000 रुपए आज कमाए हैं, तो 1,000 रुपए में आप बताइए, आपने तो 1,000 रुपए कमा लिए, लेकिन आपके घर का क्या, समझिए, घर वालों का क्या हुआ इसमें? उन्होंने तो अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया आपके लिए, आपने उनको क्या दिया? तो मैं ये बोलता हूं, अगर 1,000 रुपए आपने कमाए, तो क्यों ना हम उसमें से 100 रुपए घर के लिए कुछ खर्च, कुछ भी ले आए, बच्चों के लिए ले आए, आपके माँ बाप हो गए उनके लिए ले आए, वाइफ के लिए ले आए, और ब्रदर सिस्टर होगा उनके लिए ले आए, कुछ भी ले आए, कुछ ना होने से, कुछ ना देने से 100 रुपए का देना भी अच्छा है कि नहीं? आइसक्रीम ही खिला दें, टॉफी खिला दें, कुछ भी खिला दें उन्हें, जो दिल करे अच्छा लगे, कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, अब चलते हैं आगे, ठीक है। और हिंडाल्को को अभी देखिए, यहां से ऊपर से एक कैंडल क्लोज करने दीजिए, ये एक रेजिस्टेंस है, मैं बना देता हूं, देखिए रेजिस्टेंस ये आपका, देखो मैंने ऊपर की कैंडल नहीं है, विक नहीं लिया है, मैं नीचे की विक ले रहा हूँ, ये वाली ध्यान दीजिए, एवरेज विक लेते हैं, तो मार्केट अभी इसके ऊपर नहीं गया है, मार्केट जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन करेगा कोई कैंडल, तब आप कोई बाय कर पाएंगे, समझिए, इसके ऊपर मैं बाय कर पाऊंगा यहां से, अगर मार्केट यहां इसके ऊपर चलेगा तो। मार्केट ने अभी बाय नहीं दिए यहां पर। आप इस पॉइंट पर दो चीज कंफर्म कर सकते हैं, पहली चीज क्या है कि मेरा क्लाउड मेरे को क्या बोल रहा है, ये देखिए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप यहां पर ये कंफर्म कर सकते हैं कि मेरे बायर सेलर क्या बोल रहा है, ये देखिए अभी सेलर थोड़े से ज्यादा है, बायर थोड़े से कम है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर रुकना चाहिए, एकदम से बाय नहीं करनी चाहिए, कम से कम एक कैंडल ऊपर बन जाने दीजिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा बाय नहीं मिलेगा हिंडाल्को का, आपको बहुत अच्छा बाय नहीं मिलेगा मार्केट का, छोटा मोटा बाय ले पाएंगे बस यहाँ तक के, ठीक है। तो बाय मत कीजिए हिंडाल्को को, थोड़ा सा रुक जाए ज्यादा अच्छा होगा। हिंडाल्को का मैंने एक चीज और भी बताई थी आप लोगों को कि हिंडाल्को देखो कहाँ से गया है, अगर मैं इसका चैनल बनाता तो देखिए, जरा एक पॉइंट को नोट करना, ये आपके काम में आएगा, ये देखिए ये आपके पास एक चैनल बना था इसका, और मार्केट ने बहुत टाइम बाद इस चैनल को ब्रेक किया था। आप चेक कीजिए, इस चैनल के अंदर मार्केट लगभग 2006 से घूम रहा है, 2006 से, और किस टाइम पर ब्रेक किया इसने, 2021, 2006 से 2021 में इस चैनल को ब्रेक किया था, और मार्केट ने एन वेव का सपोर्ट लेने, देखो ये एन वेव का सपोर्ट लेने मार्केट आया, अब ऊपर जा रहा है। तो अब आपको लॉजिकली बाय कब करनी चाहिए, इसमें पॉइंट को चेक करें, ये आपका एक हाई है, ऐसे भी कर सकते हैं, देखो मैं एक तरीका और भी बता देता हूँ आपको, यहाँ तो तरीके बहुत रहते हैं, ये देखिए ये मैंने मंथ का मार्क किया, ये आपको पता ही होगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर वीक का भी मार्क कर ले, मंथ और वीक लगभग बराबर होते हैं, तो आपने डे का मार्क किया, डे का हाई और लो, देखिए पिछले डे का हाई मैं ब्लू से मार्क कर देता हूँ इसको, पिछले डे का हाई मैंने मार्क किया, पिछले डे का लो मार्क कर दिया, ये देखिए हाई जैसी ब्रेक हुआ, अगर मैं 1 घंटे में जाता तो देखिए 1 घंटे में उसने हाई को ब्रेक किया है, देख रहे हैं,
एक दिन के हाई को ब्रेक करके मार्केट बैठा हुआ है। आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं, इसे होल्डिंग में रख सकते हैं। अगर आप इसे होल्डिंग में रख लेंगे तो आपको बुराई नहीं देगा कुछ भी, ये एक दो दिन में आपको कम से कम यहां तक मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि एनवे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि इसको जरा सा ना एक कैंडल बाहर निकल जाने दीजिए, ऊपर सस्टेन कर जाने दीजिए। मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया है, मार्केट के इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। अगर मैं 5 मिनट की कैंडल देखता हूँ तो देखिए मार्केट क्या कर रहा है, देखिए जरा मार्केट उसी लेवल पर एग्जैक्ट बैठा हुआ है, देखिए आपके सामने दिखा रहा है, देख रहे मार्केट इसके ऊपर जाने में थोड़ी सी कमी महसूस कर रहा है, ये देखिए मार्केट एग्जैक्टली उसके पास जाके मार्केट वापस आने की कोशिश कर रहा है। मार्केट को इसे ब्रेक करना बहुत जरूरी है, और अगर 5 मिनट में, 5 मिनट में इसके ऊपर एक एनवेव बन जाए तो बहुत प्यार से ब्रेक कर पाएंगे। तो एक एनवेव का थोड़ा वेट कर ले, मार्केट यहाँ पर एकदम से सपोर्टिव नहीं है, थोड़ा सा ऊपर चले जाने दें इसको, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा ये छोटी छोटी बातें हैं, विप्रो विप्रो यस विप्रो मैं देख लेता हूं अभी, विप्रो क्या कर रहा है। देखो मार्केट को एकदम से प्लीज बाय मत करना इसको, ऐसा नहीं है मैंने बोला तो झट से बाय कर ले इस पॉइंट को, मार्केट को एक एनवे बना दे दीजिए इसके ऊपर, क्योंकि मार्केट जब कभी भी इसको ब्रेक करता है तो मार्केट एक एनवे के साथ में अगर चलेंगे तो आपका ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए बोला था मैंने यहाँ पर मार्केट एक एनवे, अच्छा एक छोटा सा पॉइंट और, इस समय मार्केट का एक सपोर्ट कौन सा बनेगा ये रहा है, एन वेव का सपोर्ट इसका कौन सा बन रहा है। मार्केट ने जब ब्रेक किया ये डाउन में आया और ये भी ऊपर गया, तो मार्केट एक डाउन यहां तक ले सकता है, अभी ये मार्केट डाउन ले सकता है, देखो ये सपोर्ट है, तो एकदम से ब्रेक करना मेरे को नहीं लगता मार्केट एकदम से यहां पर से ब्रेक करेगा, जाएगा ऊपर लेकिन थोड़ा सा एक डाउन लेके, यहां से डाउन लेके और फिर ऊपर जाएगा। आपको बाय यही करनी है, समझिए बाय यहीं पर ही करनी है, लेकिन अगर मार्केट डाउन लेके ऊपर जाए तब भी इसके ऊपर बाय कर ले, या फिर ऊपर एनवे बना दे तो भी बाय कर ले, दोनों केस में आप बाय कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? तो ये सिंपल सा है, आप कैसे भी इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। और कौन सा और कोई पूछ रहे थे स्टॉक, ठीक है ये सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा इसमें झंझट नहीं है। चले निफ्टी पे वापस चलते हैं, निफ्टी 50 पे चेक करिए, देखिए निफ्टी ने अपना लेवल ब्रेक किया, पॉइंट को नोट करें, हमने निफ्टी को चेक किया था, निफ्टी ने अपना लेवल ब्रेक किया, जब मार्केट का देखिए ये जगह है, पॉइंट को समझना ये जगह है, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। ये देखो क्लाउड बस, ये क्लाउड बस होके मार्केट ऊपर जा रहा है, आप चाहे या तो कोई कॉल भी उठा सकते हैं, देखिए मैं कोई कॉल लेता हूँ निफ्टी का, एक मिनट निफ्टी का कोई कॉल उठा दें यहाँ से, निफ्टी कितना चल रहा है, यस कितना चल रहा है निफ्टी 17600, तो 17800 का एक कॉल उठा ले, ऊपर का ओटीएम लेना चाहे ओटीएम ले ले, एटीएम लेना चाहे एटीएम ले ले, जो मर्जी, ये देखिए। अब जरा अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूँ, जो लोग ऑप्शन में काम करते हैं, ऑप्शन वालों के लिए मैं एक चीज बताता हूँ यहीं पर ही, आपको एक बात ध्यान रखना, चाहे आप एटीएम ओटीएम कोई भी करें, मर्जी आपकी, ठीक है उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी जैसी मर्जी आती वैसे करें। अगर मैं निफ्टी का सपोज 17800 का एक कॉल ले लेता हूँ यहाँ पर, ये देखिए एटीएम ले लें आईटीएम ले लें जो आपको दिक्कत करे, ये मैंने डबल क्लाउड लगाया, ये देखिए क्या दिख रहा है आपको कॉल में, क्या दिख रहा है बताएं, यस क्या दिखाई दे रहा है बताएं, क्या 17800 का कॉल एक अच्छी जगह पर आ गया या नहीं, देखे मार्केट ने ब्रेक किया है, देखो एक लेवल ब्रेक किया है मार्केट ने। अगर मैं यहां पर देखता हूं मार्केट का, देखो एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस है, जरा थोड़ा और पास में चलते हैं, मैं निफ्टी को यहीं से दिखाता हूं आपको, यहां पर देखिए एक रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस कौन सा है पहले मैं रेजिस्टेंस को मार्क कर लेता हूं, ध्यान से पॉइंट को चेक कीजिएगा यहां से, और मैं इसके ऊपर कोई बाय करने की कोशिश करूंगा अगर मेरे को मिलेगा तो। पहले मैं अपना रेजिस्टेंस मार्क करता हूं उसके बाद ही हम सोचेंगे, मेरा रेजिस्टेंस यहां तक आता है ये, और मैं इसको थोड़ा सही तरीके से मार्क कर लेता हूं। जो लोग भी ऑप्शन में काम करते हैं वो ऐसा कोई इशू नहीं है, किसी में भी काम करें, जिसमें आपका दिल करे उसमें काम करे, ये देखिए। अब मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा, और नीचे का सपोर्ट कौन सा बन गया मेरा, ये सपोर्ट है मेरा नीचे का, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो सपोर्ट ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मार्केट ऊपर ही चल रहा है तो आराम से आप उसमें बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर चेक करें मार्केट ये ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, और चाहे तो इसको पास में भी आप ले जाके चेक कर सकते हैं। अगर मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम में इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस बना हुआ मिलेगा आपको, ये रहा है रेजिस्टेंस, ये देखिए
मार्केट को किसके ऊपर बाय करनी चाहिए, पॉइंट को समझना, मार्केट को किसके ऊपर बाय करनी चाहिए आपको, इसके ऊपर, ये लेवल मैंने बनाया है और मार्केट में ये ब्रेक होगा तो मैं इसको बाय करूंगा, तो मेरे को ज्यादा अच्छा एक बाय मिल पाएगा, राइट। मतलब आप ऑप्शन को कहां पर बाय करना है। अब कई लोगों को इश्यू होता है सर स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करें। चलिए अब मैं अगर स्ट्राइक प्राइस बोलता हूं, एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, लोग बोलते हैं ये देखिए आप स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करते हैं। स्ट्राइक प्राइस आप चूज करते हैं निफ्टी में ऑप्शन चेन में जाके, और अब तब यहां से ढूंढते हैं कि कहां ओआई ज्यादा है। बिल्कुल आप सही है, बिल्कुल सही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल सही करते हैं। देखिए ये आपको रेजिस्टेंस बन रहा है, किसमें बन रहा है, 17,700 पे मिल रहा है। पॉइंट को नोट करें आराम से, मैं आपको केवल कनेक्टिविटी दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये गलत या सही, सब सही है जो आप करते हैं, सब सही है, लेकिन एक कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। यहाँ पर चेक कीजिए, इस समय अगर मैं देखता हूँ तो मेरे को रेजिस्टेंस कहाँ पर मिल रहा है, 17,650 चल रहा है इसका स्ट्राइक प्राइस, और देखिए 17,700 पे आपको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। यहाँ पर ओआई भी ज्यादा है, यहाँ पर चेंज इन ओआई भी ज्यादा है, और यहाँ पर वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो इसका मतलब इस जगह पर मेरे को एक रेजिस्टेंस मिलेगा 17,700 पे। तो इसका मतलब अगर मैं बाय करूंगा तो 17,700 के ऊपर ही करना चाहिए ना मेरे को बाय। आप देखते हैं इसका सपोर्ट कहाँ पर मिल रहा है, आपको एक सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, या तो 17,600 पे एक सपोर्ट है और या फिर 17,500 पे एक सपोर्ट है। मार्क कर लें आप इसको अगर लगता है आपको, तो देखिए 17,700 पहले 17,700 मार्क करता हूं मैं यहाँ पर ऊपर आपके सामने। 17,700 को आप ऐसे भी मार्क कर सकते हैं, मैं इसको इधर कर देता हूँ, ये देखिए 17,700 अप्रोक्सीमेट ये रहा है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। मतलब आपको बाय करना है तो इसके ऊपर ही करना है। और दूसरा कौन से थे हमारे पास, यहाँ पर सपोर्ट 17,600 और 17,500, दो सपोर्ट भी है हमारे पास, तो मैंने सपोर्ट को भी मार्क कर दिया। आप आराम से मार्क करें। अब देखिए आपको करना क्या है, 17,600 और 17,500, राइट, मैं मार्क कर देता हूँ 17,600, मार्क करें आराम से 17,600 और 17,500 पे भी मैं मार्क कर लेता हूँ। 17,500 आ गया ये वाला, यही वाला ही समझ लीजिए, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसको हटा देते हैं, ये आपके पास दो सपोर्ट मिल रहे हैं और दो रेजिस्टेंस। अब देखिए एक पॉइंट को नोट करना, हमारा ये एनवेव है कि नहीं है बताएं, हमारा मार्केट कहां से गिरा, पॉइंट को नोट करना, एक आपके पास ऑप्शन में काम आएगा, आपके जो लोग भी ऑप्शन करते हैं उनके बड़ा एक काम आ सकता है, ये पॉइंट काम आ सकता है। देखो मार्केट में ये हमारा एक सप्लाई जोन है, मार्केट में मेरा एक सप्लाई जोन है और मैं कनेक्टिविटी डाल रहा हूं अब अपने ऑप्शन चेन की और यहाँ की। इसका मतलब ये बोल रहा है कि बजाय बाय करने के आपका मार्केट यहाँ पर बड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेल हो सकता है, राइट। आप अगर यहाँ से सेल करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, और मार्केट एक सपोर्ट कहाँ पर है, यहाँ तक। इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, आप जरा थोड़े पास में चलते हैं, अगर मैं राइट साइड में आ जाऊं तो ये बोलता है मेरे को कि भाई अगर मार्केट यहाँ से, हो सकता है यहाँ से थोड़ा ऊपर यहाँ तक भी चला जाए अभी मार्केट, ठीक है। अभी मार्केट का पहला सपोर्ट कौन सा है, ध्यान से पॉइंट को नोट करना, काम के बहुत पॉइंट होते हैं। मार्केट में अगर कम से कम मैं सेल करूंगा तो पहला सपोर्ट कौन सा है मार्केट का, ये रहा है, राइट, हाई, ये हाई। कम से कम इसके नीचे मैं सेल करूंगा अगर कोई सेल भी करूंगा तो, और मेरा सेल या तो इस लो तक और या फिर यहां तक हो सकता है क्योंकि ये ओआई का सपोर्ट है। 17,600 एक लॉजिकल लेवल भी है, साइकोलॉजिकल लेवल जिसको बोलते हैं, तो 17,600 तक मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन कम से कम इस हाई को जो इसका सपोर्ट है इसको मार्केट को ब्रेक करना ही चाहिए, तब तक मैं सेल नहीं करूंगा। देन और मैं वेट करूंगा मार्केट यहां पर क्या रिएक्शन देता है, मेरे को मार्केट का यहाँ का रिएक्शन नोट करना है, मेरे को बाइंग सेलिंग नहीं करनी। रेड कैंडल बनी बाय कर लो, कोई कंसेप्ट नहीं है मेरा। अगर रेड कैंडल बनी है तो मैं वेट करूंगा कि क्या इस सपोर्ट को ओबे करता है या नहीं करता है। एम आई राइट और नॉट, बताएं ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कौन बताएगा, यस जल्दी से बताएं ऐसा होना चाहिए या नहीं। यस दीप पांडे जी, हैप्पी बर्थडे सर, यस आपको भी, आपको भी। देखिए होने वाले टीचर, देखो हमारी तो उम्र ढल जाएगी, समझिए एक टाइम पर हम निकल जाएंगे मार्केट से, लेकिन नए लोग तो आने चाहिए मार्केट के अंदर के, नहीं हम कब तक रहेंगे। झुंझुनवाला जी ठीक है, बहुत अच्छे थे, हम भी उनको प्रणाम करते हैं, बहुत हमारे आदर्श हैं, सब कुछ है, लेकिन हम मार्केट में सब कोई सरवाइव पूरी जिंदगी नहीं कर सकेगा। राजा महाराजा आए पूरे इसमें चले गए, अंग्रेज आए चले गए, हम भी आए चले जाएंगे, मार्केट यहीं पर ही रहेगा।
मार्केट के अंदर सरवाइव करने के लिए लोग चाहिए, और वो लोग सरवाइव करेंगे जो मार्केट को समझ पाए हैं, वो लोग मेंटर बनेंगे जो मार्केट को समझा पाए हैं, वो लोग रहेंगे, समझे। तो इसलिए मैं तो इसलिए सिखा के जा रहा हूँ, ये एक नोबल कॉज है। लोगों ने मेरे को बोला जब मैं 2017 में इसमें एंटर किया, लोगों ने बोला कि भाई किसी को मत बताना, किसी को एक को भी मत बताना, एक आदमी को भी बताओगे तो तुम्हारा नुकसान होगा बहुत बड़ा, मत बताना। मैं टीचर हूं, मेरा दिल नहीं मानता, बच्चों को जितनी नॉलेज मैं देता हूँ मेरे को मजा आता है। मैंने बोला मैं टिप्स नहीं यूज करूंगा, मैं तो सिखाने की कोशिश करूंगा, कोई मेरा क्या ले जाएगा बताइए। अगर मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी कोई, तो क्या आप मेरे बैंक से पैसे उठा लेंगे? क्यों किरण जी, क्या बोलते हैं? क्यों रामदास जी, क्या मेरे बैंक से पैसे चले जाएंगे अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजी बता दूंगा तो, या सिखा दूंगा तो? नहीं होगा ना। लेकिन आपका तो फायदा हो गया कि नहीं, आपको कुछ फायदा मिल जाएगा कि नहीं बताए, समझे इस चीज को। ये हम नहीं समझते, आपको ये चीज समझनी चाहिए लोगों को। आप देखिए मार्केट कहां पर सपोर्ट लेगा, आपका सपोर्ट यहां पर है, ये रहा देखिए, ये रहा, इसके नीचे आ नहीं रहना है मार्केट, समझिए ये सपोर्ट है, ये नहीं आ रहा है इसके नीचे, इसका मतलब ये मेरा रेजिस्टेंस है। आप देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक लाइन लगा रहा हूं, और वो ट्रेंड लाइन मेरी कौन सी बनी है, देखिए दो ट्रेंड लाइन चल रही है यहां पर। मैं ब्लू कलर से ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ कर देता हूं, आपके काम की रहेंगी यहां पर। ये देखिए ब्लू कलर से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूं, यहां से ये मेरी ट्रेंड लाइन है, इसको ऐसे ही बना दीजिए, ये ट्रेंड लाइन आ गई, और यहां से मेरी एक ट्रेंड लाइन, चूंकि लोज बने हैं तो मेरी एक ट्रेंड लाइन ये ट्रेड कर रही है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी, समझिए, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक मेरा एक मेरे को सेल नहीं मिल सकता। मार्केट देखिए उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है, पहली बार भी उसके ऊपर, दूसरी बार भी उसके ऊपर, तीसरी बार भी उसके ऊपर, चौथी बार भी उसके ऊपर ही आया हुआ है। देखिए यहां पर जब तक ये ब्रेक नहीं होगी, और खाली इसका ब्रेक होना नहीं है, ये सपोर्ट भी लेके जा सकता है, ये ब्रेक हो और ये टूटे तो मेरा सेल होगा, नहीं तो मेरा सेल नहीं होगा। देखिए मार्केट कहाँ जा रहा है, इसके ऊपर, ये साइकोलॉजिकल लेवल है, मेरा ओआई के लिए रेजिस्टेंस है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर ओआई ने रेजिस्टेंस दिया हुआ है 17,700, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो कॉल है, कॉल में रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, यहाँ पर चेक करें मार्केट यहीं पर ही बैठा है, इसके ऊपर अगर जाएगा तो मेरी कोई बाय होगी, और अगर यहाँ से गिर जाएगा मार्केट, ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर लोग सेलिंग करेंगे, तो यहाँ से अगर सेल होगा तो आपका कम से कम यहाँ तक एक सेल, और अगर इसके नीचे आया तो आपका यहाँ तक या यहाँ तक एक सेल मिल सकता है आपको, ठीक है। तो मैं एकदम से बाय करने के मूड में नहीं रहूंगा, थोड़ा सा वेट करें, और मार्केट क्या करता है ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। डन, ये बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब काम कर रहे हो तो ऑप्शन चेन में आप स्ट्राइक प्राइस कोई सा भी चूज करो। अब हाँ एक चीज पॉइंट में बता रहा था आप लोगों को, कि लोगों का रहता है कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करें, जरा इसको पॉइंट को नोट कर लेना, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर कि स्ट्राइक प्राइस को कैसे चूज किया जाता है। ऑप्शन चेन के हिसाब से भी आप स्ट्राइक प्राइस को चूज कर सकते हो, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि उसके हिसाब से चूज करना चाहिए। जब आप चार्ट के ऊपर हो तो चार्ट के हिसाब से चूज करो ना, वो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। चार्ट के ऊपर तो चार्ट के लिए चूज करो, आप चेक करो आपका मार्केट, सपोज यहाँ से आप बाय ले रहे हो 1%, यहाँ से बाय ले रहे हो, तो इससे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में चेक करो कि आपका एन वेव कौन सी आ रही है, नियरेस्ट एन वेव। वो आपकी मर्जी है कि आप 5 मिनट की एन वेव यूज करते हो, 1 घंटे की यूज करते हो, या 1 दिन की यूज करते हो, वो आपकी मर्जी है। देखिए मैं बोलता हूँ मार्केट ने यहाँ से बाय उठाई फॉर एग्जाम्पल, या और कोई पीछे का एक कोई लॉजिक ले लेता हूँ मैं, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। मार्केट में आपको पता लगा एक कंडीशन एरिया है ये वाला, और मार्केट इसके ऊपर बाय ले रहा है। अगर इसके ऊपर बाय उठाएगा तो मैं कौन सी वाली स्ट्राइक प्राइस यूज करूं कोई मेरे को फायदा मिल जाए, देखते हैं मेरे को ऐसी कौन सी स्ट्राइक प्राइस यूज करनी चाहिए जिससे मेरे को फायदा मिल जाए। चेक करिए आपका मार्केट यहां से गिरा है, यहां से, तो मेरे को सबसे पहले इस वाले स्ट्राइक प्राइस को यूज करना चाहिए, और या फिर आप अगर ऐसा नहीं करते हो तो एक तरीका और भी है कि जो भी नियरेस्ट लो बना है, लो कौन सा है, ये वाला, जो भी इस रीजन का लो बना हुआ है, मैं लो को स्ट्राइक प्राइस लेता हूं। कई लोग हाई को लेते हैं, कई लोग लो को, लेकिन मेरा मानना है कि मार्केट अगर ऊपर चलेगा तो सबसे पहले लो को टच करेगा, तो मेरे को कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए था यहां पर, अगर मार्केट ऊपर जाएगा लो वाला, लो वाला कितना है 15,650, 15,650 का स्ट्राइक प्राइस मेरे को चूज करना था, ये बड़ी जल्दी हिट हो जाता है। और अगर इसके बाद आपको कोई कॉल लेना था तो आपको ये 15,850 के आसपास का कॉल लेना था, ये आपका, ये देखिए ये भी हिट होता है ऊपर जाके, समझिए। तो आपके पास अगर स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, ऐसे पास का स्ट्राइक प्राइस चूज कीजिए,
मैं अगर आपको 5 मिनट में यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए आपका मार्केट सुबह सुबह यहीं पर से चेक कीजिए प्लीज। लोग ऐसे ही चेक करते हैं, लोग गड़बड़ भी करते हैं अपने लिए, पर आप देखिए 5 तारीख है, 5 तारीख है, मैं दिखा देता हूँ आपको और मैं कॉल दिखा भी दूंगा कहाँ पर होगा। ये देखिए 5 तारीख है और आपको पता लगा मार्केट ने, ये कौन सा गैप था प्लीज बताएं, आज कौन सा गैप था ये जल्दी से बोले, जल्दी से बोल दें ये कौन सा गैप था। बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि कौन सा गैप है, जल्दी से बताएं। बिल्कुल तब तक कोई कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं, मैं बता देता हूँ। देखिए हम लोगों का जो कोर्स है 3 महीने का है, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, हम लोगों का कोर्स 3 महीने का कोर्स है। आप ऐप में जाके अंदर आपको पता लग जाएगा, कोर्स का डिटेल भी ले सकते हैं, वहां पर एनरोल भी कर सकते हैं। 3 महीने का कोर्स रहेगा, पहले महीने हम केवल लर्निंग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, केवल लर्निंग। सेकेंड मंथ में हम लोग, सेकेंड मंथ जैसे ही होगा हम लोग ट्रेडिंग शुरू कर देंगे छोटी छोटी, और थर्ड मंथ में हम फुल फ्लैश ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। उसमें जितने भी प्राइस एक्शन है, मैं किस पर स्ट्रेस ज्यादा देता हूँ, प्राइस एक्शन पर, प्राइस एक्शन और उसके बाद इंडिकेटर, हम सारे इंडिकेटर, इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन, कॉमोडिटी, मैं आपको सारे कराता हूँ, ठीक है। ऑप्शन लास्ट मंथ में हम लोग करते हैं, थर्ड मंथ में ऑप्शन करते हैं, ठीक है। फॉरेक्स भी मैं थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूँ आपको बीच में, हालांकि कोर्स में नहीं है पर फिर भी मैं आपको बताता रहता हूँ। इस समय देखिए ये आपका इनिशियल गैप हुआ है, इनिशियल गैप अप, और मैंने इनिशियल गैप अप की प्रॉपर्टी आपको बताई थी, क्या इनिशियल गैप अप की, कि मार्केट में अगर इनिशियल गैप अप हुआ है उसको भरने के लिए मार्केट नहीं आता है, राइट और रॉन्ग? राहुल जी सही है, क्यों किरण जी? मार्केट नहीं आता इनिशियल गैप को भरने के लिए, और मार्केट ने क्या किया पूरे दिन, उस गैप को भरने के लिए नहीं आया मार्केट, और देखिए मार्केट ऊपर ऊपर चलता रहा। तो अगर आज आपको पता होता कि इनिशियल गैप है तो शायद आप आराम से बाय ले लेते, राइट? आराम से इसको चेक करते रहे तभी तो आएगा हमें। अब देखिए दूसरा दूसरा पॉइंट, ये तो इनिशियल गैप की बात हो गई। अगर आप बोलते हैं कि मेरे को कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए था, आप चेक करें यहाँ पर, छोटा गैप अप है। अच्छा ये छोटे गैप अप की भी कहानी सुन लीजिए, एक छोटे गैप अप की कहानी सुने, ये अच्छी स्टोरी है, फायदा करेगी आपको। कि देखिए अगर मैं निफ्टी का मूवमेंट बोलता हूं, तो निफ्टी का मूवमेंट एक दिन का लगभग 150 से 200 पॉइंट होता है, 150 से 200 पॉइंट निफ्टी का गैप अप है। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि निफ्टी सीधा 200 पॉइंट ऊपर खुल गया, 200 पॉइंट ऊपर खुल गया, तो निफ्टी ने पूरे दिन का मूवमेंट तो कर चुका निफ्टी, अब उसके ऊपर जाने के चांसेस कितने रहेंगे, 50%, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, राइट? लेकिन जरा मेरे को बताएं, अगर मैं बोलता हूं कि निफ्टी ने केवल 50, कौन सा वाला ज्यादा अच्छा मूवमेंट रहेगा, मतलब 200 पॉइंट का गैप अप खुला या फिर 100 पॉइंट का गैप अप खुला या फिर मुश्किल से 50 पॉइंट का गैप अप खुला, कौन सा वाला गैप अप ज्यादा अच्छा रहेगा, 1, 2 और 3, कौन से गैप अप को आप ज्यादा अच्छा मानेंगे? यस, जल्दी से बताएं कौन से गैप अप को आप ज्यादा अच्छा मानेंगे, जल्दी से। इनिशियल गैप अप हुआ है मार्केट में, हम मान रहे हैं कि इनिशियल गैप अप हुआ है, लेकिन कौन सा वाला गैप अप ज्यादा अच्छा रहेगा? यस, सबसे अच्छा गैप अप आपका रहेगा जो 50 पॉइंट खुला है। उसका रीजन क्या है, मार्केट को 200 पॉइंट जंप करना है ना, अब अगर 50 पॉइंट का गैप अप खुला है तो उसके पास 150 पॉइंट जंप करने के लिए है। अगर मार्केट ने 100 पॉइंट पे खुला है तो उसके पास 100 पॉइंट जंप करने के लिए है, लेकिन मार्केट अगर 200 पॉइंट ही खुल गया तो उसके पास जंप करने के लिए कुछ भी नहीं है, जाने को जा भी सकता है लेकिन जाने के लिए है नहीं उसके पास, फिर मार्केट नीचे गिरेगा, समझे? अगर मैं इसको आज चेक करता हूं तो आज पॉइंट को चेक करें, मार्केट की ट्रेंड लाइन कहां पर आ रही है, मार्केट की ट्रेंड लाइन को समझे, मार्केट की ट्रेंड लाइन ये रही है, ये ट्रेंड लाइन है मार्केट की, और मार्केट बार बार उस ट्रेंड लाइन को ओबे करता हुआ चल रहा है, समझिए, मार्केट उस ट्रेंड लाइन को ओबे करता हुआ चल रहा है, ये समझिए। और मार्केट वापस कहां पर आएगा, देखिए आज सुबह से अगर आप ये पहले से भी ट्राई करते हैं तो मार्केट कितने दिनों से उस लाइन को ओबे करता हुआ चल रहा है, ये देखिए पीछे से चेक करें, मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था और इसने देखिए गैप अप खोला सीधा ट्रेंड लाइन के ऊपर, और देखिए अच्छा खासा ऊपर गया फिर नीचे आया, मार्केट ने उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट, उस पे सपोर्ट, उस पे सपोर्ट, बार बार उस पर सपोर्ट ले रहा है, और देखिए अभी भी सपोर्ट लेके ऊपर गया है। इसका मतलब दोबारा आपकी बाय कब होगी, दोबारा बाय इसी ट्रेंड लाइन से अगर ऊपर जाएगा तो बाय होगी, और अगर जिस टाइम भी इसको ब्रेक करेगा तो सेलिंग हो जाएगी,
इसका मतलब अगर जब मैं सेल करूंगा तो कम से कम इस ट्रेंड लाइन के नीचे करूंगा सेल, तो ही मेरी सेल है, नहीं तो मेरी कोई सेल नहीं है। अब जरा इसको भी चेक कर लेते हैं कि अगर मैं इसको क्लाउड बेस पर बाय करता हूं तो क्लाउड बेस पर बाय कब आएगी। चेक करिए मार्केट, कई एक इशू है बहुत बड़ा, और वो इशू क्या है कि कई लोग बोलते हैं सर फॉल्स बाय कैसे डिटेक्ट करें, फॉल्स बाय कैसे डिटेक्ट करें। आप जरा मेरे को एक छोटा सा पॉइंट बताएं, अगर मैं इस पूरे क्लाउड को इस समय देख रहा हूं तो आप जरा ध्यान से देखिए कि ये भी क्लाउड के पूरा नीचे था, कोई नहीं बोल सकता था कि यहां से बाय होगी, ये भी नीचे था कोई नहीं बोलता बाय होगी, ये भी नीचे था, ये भी नीचे था, कहीं से बाय का कोई सीन नहीं था। क्लाउड भी आपको बोल रहा था कि सेलिंग है, क्लाउड भी देखो आपको धोखा दे रहा था यहां पर, फिर भी यहां पर बाय हुई। क्यों? क्योंकि मार्केट अपने ट्रेंड को नहीं तोड़ेगा, ट्रेंड को नहीं तोड़ेगा मार्केट। आप अगर मार्केट ट्रेंड को तोड़ेगा तो मार्केट में सेलिंग आ जाएगी। आप चेक कीजिए मार्केट में फिर से मार्केट ऊपर चला गया, ये बाय है, मतलब इस ट्रेंड लाइन को ओबे करके मार्केट ऊपर जाएगा बाय करते, और मार्केट जब तक इसके नीचे ना आ जाए तब तक मेरी सेलिंग बनती नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट यहीं पर ही और डिस्कस कर लेते हैं, काम शायद आ जाए आपके, फिर क्लास को रोकेंगे। देखिए मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन जो होती है ये आपकी मंथ की ट्रेंड लाइन होती है, इस मंथ की ट्रेंड लाइन से आपकी वीक की ट्रेंड लाइन निकलती है, वीक की ट्रेंड लाइन से आपकी डे की ट्रेंड लाइन निकलती है, डे की ट्रेंड लाइन से आपकी 1 घंटे की ट्रेंड लाइन निकलती है, और 1 घंटे की ट्रेंड लाइन से आपकी 5 मिनट की निकलती है। 5 मिनट, आर, डे, वीक और मंथ। आप जरा पॉइंट को समझे, मार्केट कैसे मूव करता है, मार्केट ट्रेंड लाइन पर ऐसे मूव करता है, जाते हुए ऐसे करके मूव करता है, ऐसे चढ़ता है और आपका ऐसे चलना शुरू हो जाता है, जैसे अभी निफ्टी चल रहा है। तो अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो कहां तक आएगा, 1 घंटे की ट्रेंड लाइन पे। अगर 1 घंटे पे मार्केट मूव करेगा, करता रहा, और फिर इसको तोड़ेगा तो कहां आएगा, डे पर, या मूव करता रहेगा तो आएगा वीक पर, और वीक को भी तोड़ेगा तो आएगा डे पर, सॉरी मंथ पर, और मंथ को भी ब्रेक करेगा तो मार्केट बियरिश हो जाएगा। सेम केस आप ऐसे बाय में भी, बाय की साइड में भी बना सकते हैं, नीचे के लिए बाय के लिए वो भी कर सकते हैं। तो आप बताएं मार्केट को क्या मेरे को अभी सेल कर देना चाहिए, ये बताएं। विप्रो, अच्छा एक मिनट, चलिए विप्रो भी देख, मार्केट अभी सेलिंग के मोड में नहीं है तो मार्केट में सेल मत करना, मार्केट कम से कम इस लेवल के नीचे आप थोड़ा बहुत सेल कर पाएंगे, पर अभी फिलहाल सेलिंग का मूड मार्केट का नहीं है। ठीक है एक मिनट विप्रो भी देख लेता हूँ आपके लिए, विप्रो कहाँ पर है, विप्रो में देख लेते हैं। जिसको कोर्स को देखिए ज्वाइन करना है वो सीधा सीधा अनम्या जी का नंबर मैंने दिया है उनसे बात कर ले, मुनीश जी का नंबर मैंने दिया है मुनीश जी से बात कर ले, आराम से डिटेल आप चेक कर लो, लाइव आपको यहाँ पर मिल जाता है। यूट्यूब पे भी मैं लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीच बीच में आता रहूँ आपके साथ में लाइव, कुछ कुछ आपको सीखने को मिलता रहे आराम से। ठीक है अनम्या जी से बात करके एनरोल करिए आराम से, कोई इशू नहीं है। देखिए लाइव को चेंज करना, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, आप शायद इसमें बिलीव नहीं करेंगे लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट है, समझिए। मेरी अपनी सैलरी, मैं प्रोफेसर हूँ, मेरी सैलरी अच्छी खासी है, लेकिन इशू क्या है कि मैंने उतना पैसा जितना ट्रेडिंग में देखा, समझिए मैंने ट्रेडिंग में जितना पैसा देखा उतना मैंने अपनी प्रोफेसरशिप में भी जिंदगी में कभी नहीं देखा, केवल कितने साल में, 5 साल में, 5 साल में, समझिए मेरी लाइफ जो है 360 डिग्री पूरी टर्न हो गई, लेकिन उसमें मेरी मेहनत लगी, मेरी दिन रात की मेहनत है। मैंने ये भी नहीं देखा कि रात कब हो रही है, 2:30 बज रहे, 3 बज रहे, 4 बज रहे, आप समझिए। मैं 2:30 बजे भी बैठा होता था रात को, 2:30 बजे बैठा होता था, वाइफ आती थी बोलती है एक ही चार्ट को क्या निहार रहे हैं आप, पूरा एक ही चार्ट में निहार रहा होता था पूरे 2 घंटे से 3 घंटे से, केवल एक ही चार्ट को, कोई इंडिकेटर नहीं कुछ नहीं, खाली चार्ट, प्लेन चार्ट, और 4-4 घंटे में निहारता था, पूरी रात मेरे को निकल जाती थी। लेकिन उसका रिजल्ट कब मिला, रिजल्ट मेरे को 2 साल बाद सामने आ गया। मेरी सारी स्ट्रेटेजीज मेरी थी, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, मैंने अपनी पीएचडी की, एमफिल की, एमटेक किया, सब किया, लेकिन मैंने कभी इस ट्रेडिंग के लिए बुक नहीं पढ़ी। अपनी पीएचडी करने के लिए बहुत पढ़ी, एमटेक एमफिल के लिए बहुत पढ़ी है, लेकिन इसके लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, ना ही मैं किसी इंडियन जो ट्रेडर्स है उनको देखता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में जो इंडियन ट्रेडर्स है करते बहुत अच्छा है लेकिन कॉपी पेस्ट ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं समझता नहीं उनको। अगर आपको देखना ही है तो अलग अलग कंट्री के ट्रेड देखिए भाई, कैसे जापान ट्रेड करता है, कैसे चाइना ट्रेड करता है, कैसे भाई बाकी जो कंट्रीज हैं, सपोज यूएसए देख रहे हैं तो यूएसए के लोग, ब्रिटेन के लोग कैसे कैसे ट्रेड करते हैं वो देखें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है तो आप कोर्स के लिए आराम से एनरोल कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। अभी ये वाला तो बैच पूरा फुल है, अभी मेरे को उम्मीद नहीं थी, असल में
आपको पता है मैं सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं है, 18,000 के आसपास सब्सक्राइबर है। मैं ना तो लाइक करने को बोलता हूँ ना सब्सक्राइब शेयर, लेकिन इस बार चूंकि मैंने प्लेटफॉर्म को अपने चेंज किया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि सितंबर का मेरे को लगा था कि भाई ज़्यादा लोग आने वाले नहीं है, लेकिन वो मेरे को पता ही नहीं कब बैच भर गया। ये दूसरा बैच भी भर गया, थर्ड बैच मेरे को शुरू करना पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि मेरे ऊपर उतना बर्डन आता है, मेरे को उतना पढ़ाना पड़ता है लोगों को, लेकिन आपको पता है ना तो मेरी आवाज़ डाउन होती, कभी देखिए आप लोगों ने मेरी आवाज़ डाउन होती हुई किसी भी वीडियो में, थके हुए हैं सुबह से शाम तक आप ट्रेडिंग कर रहे हो, क्लासेस भी ले रहे हो, मेरी आवाज़ कभी आपको डाउन नहीं मिलेगी, वही पेंस रहेगा और सिखाने का पूरा वही एंथुसिएज्म रहेगा। मैं कभी भी चेंज नहीं करता अपने आप को, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं डाउन हो गया तो मेरे ट्रेडर्स उससे ज़्यादा डाउन हो जाएंगे, ठीक है। सर योर ट्रेड टाइम इज बिटवीन सेकेंड टू मिनट है, देन व्हाई आर मेकिंग वीडियोस मोर देन आर। हैप्पी टीचर्स डे सर। अच्छा मेरे को बताएं, देखिए मेरे को समझिए, मेरे को फेसबुक ने बैन कर दिया सर, ये सोचिए मेरे को फेसबुक ने 2 बार बैन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मेरे वीडियो 1 घंटे के, आप समझिए अगर मैं आपको वीडियो 10-10 मिनट का बना दूं, आप ही प्लीज आप ही डिसाइड करें, क्वेश्चन का आंसर आप ही दें। अगर मैं 10-10 मिनट के वीडियो बनाऊं तो उसमें से आप ज्यादा सीखेंगे, या अगर मैं 1 घंटा या इससे ज्यादा का वीडियो बनाता हूं तो उससे आप ज्यादा सीखेंगे। आप पहला नंबर या दूसरा नंबर प्लीज सेलेक्ट करके बताएं, किससे आपको सीखने को मिलेगा और किसको आप लाइक करेंगे ये बताएं। क्यों 1 नंबर लाइक करेंगे? मेरे को कोई इशू नहीं, मैं तो 10-10 मिनट की वीडियो बना लूं, मुझे क्या है, मेरे तो और अच्छा है, मेरे तो काम कम हो जाएगा। यस दामोदर जी, नंबर टू। देखिए मेरा कोई वीडियो पूरा आप टाइम फ्रेम उठा के देख ले, मेरा कोई भी वीडियो आपको 1 घंटे से कम मिलेगा नहीं। उसका रीजन क्या है कि जब आप किसी चीज को समझने लगेंगे तो आपको समझने में ही कम से कम 1 घंटा लगता है। बिल्कुल चेतन जी सही बोल रहे हैं, आसिफ जी सही बोल रहे हैं, सुरेश कुमार जी ठीक है, राहुल जी सुरेश जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, चेतन जी 1 घंटे से कम। आप पहली बात तो मेंटर के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, पहली बात ये शो करता है कि मेंटर के अंदर कितनी एबिलिटी है कि आप देखिए कितना घंटा हो गया मेरे को वो करते हुए, आप बताएं 2 घंटे होने वाले हैं, कितने 10:30 से हम लोग शुरू हो गए थे, 10:30 से 12:30 उससे भी ऊपर 2.25 घंटे इस समय हो चुके हैं। ना तो आपको मेरी आवाज में फर्क लग रहा होगा और ना मेरी ट्रेडिंग तरीके में फर्क लग रहा होगा, ना मेरे समझाने में आपको फर्क लग रहा होगा, मैं वहीं का वहीं हूँ बिल्कुल। अब मेरी भाई का मेरी पूरी जो ट्रेडिंग है वो कम से कम जो वीडियो है वो 1 घंटे की होती होती है, जिससे आप आराम से सीख सके, नहीं समझे? और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरा कोई कॉम्पिटिशन है, मेरा कॉम्पिटिशन किससे भी नहीं है, मेरा कॉम्पिटिशन अपने आप से है, खुद ही से। जब तक मैं बेस्ट नहीं हूं मेरा कॉम्पिटिशन किसी से हो ही नहीं सकता, ठीक है। पॉइंट को हमेशा समझे और आराम से करते रहे, ठीक है, इसको करेंगे तो उतना अच्छा लगेगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर कौन सा विप्रो देख रहे थे तो विप्रो देखिए अभी बाय साइड में नहीं है, समझिए जरा। विप्रो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो विप्रो की ट्रेंड लाइन बना दीजिए, अगर मैं ये ट्रेंड लाइन विप्रो की बना के छोड़ता हूँ तो देखिए विप्रो की ट्रेंड लाइन ये चल रही है और मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है जरा विप्रो का चेक कर ले, मैं 1 घंटे में चेक करा रहा हूँ आपको। विप्रो का मार्केट ये देखिए, ये आपका बिहेव कर रहा है विप्रो का मार्केट, चेक करें क्या आपको बाय करनी चाहिए विप्रो को, आप ही बता दें। यस 702 पे लिया हुआ है 150 क्वांटिटी, क्या करना चाहिए? एक मिनट मैं देख लेता हूं, देखिए अगर आपने क्वांटिटी ली है कितने पे बता रहे हैं आप, 702 पे, 702 पे। आप एक काम करें, इसको एक मिनट में और भी देख लेता हूं जरा, पहले मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे आपके लिए नोट कर लूं। देखिए मार्केट यहीं कहीं से एक रिटर्न कर सकता है, जरा पॉइंट को समझे एक छोटा सा, मैं फिर क्लास को रोकूंगा यहाँ पर, पहले मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद ही मैं क्लास को यहाँ पर रोकता हूँ। यहाँ पर पॉइंट को नोट करना, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो मेरे को पता लग रहा है इस जगह पर कि 38, 50 और 61, अगर मैं यहाँ पर फिबोनैकी लगाता हूँ, पॉइंट को ध्यान से नोट करना, अगर मैं फिबोनैकी लगाता हूँ तो देखिए पूरी फिबोनैकी और मार्केट अभी यहाँ पर बैठा हुआ है, राइट, ध्यान से प्लीज चेक करना क्योंकि इसमें कोई मजाक नहीं चल सकता, जब ट्रेडिंग करते हैं तो कोई मजाक नहीं चलता है। और मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पर जो विप्रो है वो कौन से लेवल पर 50% को रिजेक्ट करके मार्केट आया 61% पर, समझिए। आपको क्या करना है, आप अभी थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पर वेट क्या करें, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अपने स्टॉक को निकाल दें, चूंकि अगर आपने ऊपर से खरीदा है 702 पे खरीदा है, 702 का मतलब यहाँ कहीं पे खरीदा है आपने,
यहाँ कहीं पर ऊपर, यहाँ 702 पे, मतलब यहाँ हाई पे खरीदा है, गलत किया खरीद के। देखिए हाई पे खरीदा तो नुकसान होगा यहाँ पर अब एक काम करना है आप, अगर छोटा सा पॉइंट को नोट कर लेना बस, अगर मार्केट इसके नीचे निकल जाए, आप अगर इस लो को तोड़ दे मार्केट, तो हट जाना, तब तो आपको कोई फायदा नहीं है उसमें। लेकिन अगर मार्केट अभी जैसे बीच में चल रहा है, और मार्केट देखिए मार्केट ने क्या किया, ये लो बनाया, ये थोड़ा ऊपर गया, रिट्रेस करके मार्केट नीचे आया, तो ये साइडवेज चल रहा है मार्केट इस समय। तो मार्केट अगर इसके ऊपर ऊपर रहता है तो आपको निकलने की जरूरत नहीं है। और ये कौन सा लेवल है, लेवल को भी आप चेक कर ले, लेवल है 385। तो 385 के आसपास आप अभी थोड़ा रुके रहे, अगर रुक सकते हैं तो होल्ड कर सकते हैं तो, राइट। और मार्केट देखिए इसके ऊपर बाय कहां पर लेंगे, हमने पहले ही सोचा समझा था, पहले हमें पता है कि हमारी बाय 50 के ऊपर आ रही है। तो आप क्या करें, नीचे से बाय मत करना, आप सोचेंगे कि सर मैं यहां से बाय कर लूं नीचे से या यहां से, मत करना, मत करने दो। आप कहां से बाय करेंगे, चूंकि आपने लिए हुए स्टॉक है तो मार्केट को ना थोड़ा सा ऊपर आने दो, ये 61% से रिट्रेस करेगा और ये मार्केट इसके ऊपर आएगा, यहां पर आप क्वांटिटी बाय कर लेना कुछ, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर जाने पर निकाल भी देना। अब मैं अगर इसको एक दिन में देखता हूं तो देखिए दिन में मार्केट क्या कर रहा है, ये देखिए देख रहे हैं। अब मार्केट ने क्या किया, अगर मैं यहां से फिबोनैकी लगा देता हूं, एक और फिबोनैकी, तो एक और फिबोनैकी कहां पर है, ये देखिए क्या हुआ, दूसरी फिबोनैकी मेरी लगी है डे पर, और डे की फिबोनैकी में मार्केट 61 के नीचे ट्रेड कर रहा है, देखिए मतलब सेलिंग में ट्रेड कर रहा है, कर रहे हैं। तो मार्केट को अभी चूंकि ये इसका है, यहां तक मार्केट जा सकता है नीचे, तो आप क्या करें, इसको यहां तक जाने दे आराम से, जा रहा है अभी, कुछ मत करिएगा और मत खरीदेगा, और मत खरीदना। और मार्केट जैसे ही 50 के ऊपर चलता है, आप यहां से कुछ क्वांटिटी बाय कर लेना, क्योंकि ये इसका पहला डाउन कंप्लीट होगा, तो यहां पर आप कुछ बाय करेंगे और कुछ एवरेजिंग करेंगे तो आपको सही मूव मिल सकता है। लेकिन नीचे मत करना, नीचे आपको नुकसान करेगा। और अगर मैं 1 घंटे का मूव देखता हूं, तो 1 घंटे का मूव देखिए, इसकी ट्रेंड लाइन अगर मैं बनाता हूँ जो मैंने पहले भी बनाई थी, तो मार्केट एक अभी डाउन साइड पर ही है, आप ये देखिए ये हाई और ये हाई, बिल्कुल ये चल रहा है, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है, वैसे देखिए मार्केट कहाँ पर बोल रहा है आपको 50 के ऊपर बाय करने को, ये देखिए क्लाउड भी बोल रहा है कि 50 के ऊपर बाय करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को थोड़ा सा इंट्राडे मिल रहा है, तो जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और मार्केट 61 के ऊपर आता है, तो यहाँ से थोड़ी सी क्वांटिटी, मतलब जब ये ब्रेक होगा ये वाला, यहां से कुछ क्वांटिटी बाय करके यहां पर निकाल दें। और अगर मार्केट फिर से नीचे आता है और इसको ब्रेक करता है, यहां से कुछ क्वांटिटी करके ऊपर जाने दें और ऊपर निकाल दें, ये एक प्रोसेस आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो भी जैसा भी आप करना चाहें। सत्यम कुमार जी, ठीक है, किसमें, हाँ बिल्कुल सत्यम जी, ऐसा कर लें। देखो मार्केट में एक बात, एक छोटा सा पॉइंट आपको बता देता हूं, ठीक है, शायद आपके काम में आ जाए, मैंने सबको बताता हूँ और आपको ही बताऊंगा। अब आप आए हैं तो मैं ऐसा खाली हाथ आपको नहीं जाने दे सकता, कुछ और पॉइंट लेके जाए कि देखिए हमारे पास दो तरह की बाइंग होती है, मैं एक मिनट बता देता हूँ फिर क्लास को मैं रोकता हूँ। दो तरह की बाइंग होती है, अगर मैं बाय करना चाहता हूँ तो बाय दो तरह की हुई, नंबर 1 और नंबर 2, कौन सी वाली अच्छी है आप बताइएगा प्लीज, मैं आपके सामने ही बता रहा हूँ दोनों के दोनों। अगर मैंने सपोज मेरे स्टॉक का प्राइस चल रहा है 500, प्राइस है 500 और मैंने इसकी 100 क्वांटिटी बाय करनी है, ठीक है, एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, आप ही बताइएगा कौन सा सही है। और इसको एवरेज ट्रेडिंग बोलते हैं कि एवरेज ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर चेक कीजिए, आपकी 500 प्राइस है किसी स्टॉक का, 500 प्राइस है और 100 क्वांटिटी आपने बाय की, 100 क्वांटिटी बाय करने के बाद आपने एसएल डाल दिया है कितने, 490 पे, मतलब मेरा 10 पॉइंट का एसएल है, राइट। और इसमें मेरे को लॉस कितना होगा, अगर मेरा एसएल हिट होता है तो 1000 का लॉस होगा, राइट। 10 पॉइंट है, देखिए 10 पॉइंट नीचे मैंने एसएल डाल दिया, ऊपर होगा तो प्रॉफिट भी देगा, लेकिन मेरा एसएल 10 पॉइंट का है। लोग अक्सर प्रॉफिट को मैनेज करते हैं, समझिए, लोग अक्सर प्रॉफिट को मैनेज करते हैं और वो लोग हमेशा गलत होते हैं। आपको मैनेज किसको करना चाहिए, मैनेज किसको करना चाहिए बताएं प्लीज, क्या मैनेज करने के लिए होना चाहिए प्लीज जल्दी से बताएं, किसको मैनेज करना चाहिए आपको, लॉस को। अगर आप लॉस को मैनेज करते हैं तो आप दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेडर बनेंगे, और अगर आप प्रॉफिट को मैनेज करते हैं तो सबसे वर्स्ट ट्रेडर बनेंगे। अगर मैं बोलूं कि प्रॉफिट और लॉस में से पहले किसको मैनेज करना है, तो लॉस को मैनेज करेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं प्रॉफिट में और लॉस में से पहले किसको मैनेज करना है, आपको लॉस को मैनेज करना है हमेशा,
ठीक है, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा, आप हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। तो ये पहला पर्सन है जिसने 500 प्राइस पे बाय किया और 100 क्वांटिटी बाय की और 10 पॉइंट का एसएल रखा, तो 1000 रुपए का उसे नुकसान पड़ेगा। अब मैं सेकंड पर्सन बोलता हूं, इसने भी 500 प्राइस पे बाय करना है, लेकिन इसने बोला मैं एक काम करता हूं यहां से 10 खरीद लेता हूं पहले टेस्टिंग, मैंने 10 खरीद लिए और मैं, इसने बोला अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ऐड कर दूंगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा तो एवरेजिंग के काम आएंगे, मेरे पास बचे हुए 90 स्टॉक। और मार्केट आ गया नीचे, इसने भी 490 पे एसएल लगाया, समझिए इसने भी 490 पे एसएल लगाया और 100 स्टॉक का एसएल लगाया है। अब इसको लॉस कितना होगा देखते हैं, इसका लॉस पहले से डिफाइन नहीं है अभी। और सत्यम जी अभी और मत करिएगा, उसे रहने दीजिए इतना ही, उसको और नहीं करना अभी, और बाय मत करना नहीं तो लॉस बढ़ जाएगा, तो इसलिए मत करिएगा। अगर मार्केट 61 के नीचे आ गया मंथ में तो आपको बड़ा लॉस दे सकता है मार्केट, तो इसलिए अब और मत एवरेज करना, एवरेज करना है तो 50 के ऊपर एवरेज करना आपकी बार, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, मार्केट आ गया 495 पे, ध्यान से चेक करिए, मैं आपको एवरेजिंग बताता हूँ। 495 पे मार्केट आ गया और इस समय मैंने क्या किया, इस समय मेरा नुकसान कितना हो रहा है, मेरा 50 रुपए का नुकसान हो रहा है। पॉइंट को ध्यान से चेक करना, मेरा 50 रुपए का नुकसान हो रहा है, मैंने यहां से 20 खरीद लिए और 30 खरीद लिए, चलिए 30 खरीद लिए, हो गए मेरे 40, राइट। अब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो केवल 50 का नुकसान है, 2 पॉइंट ऊपर जाते ही मेरे को प्रॉफिट में डाल देगा, ध्यान से चेक करिए। मार्केट फिर से नीचे आ गया 492 पर, कितने रुपए का नुकसान है मेरे को, आप चेक कीजिए, 50 का तो नुकसान ये था, 40 ये हो गए स्टॉक, और कितने पॉइंट नीचे आया ये, तो मेरे 120 का नुकसान मेरे को यहां पर हो रहा है। फिर मैंने कितने, यहां पर 30 और 10 40 थे और मैंने यहां से 40 और खरीद लिए, डन, नुकसान ये चल रहे मेरे, और 40 और खरीद लिए मैंने, चेक कीजिए यहां पर 40 और खरीद के मेरे कितने हो गए, 40 और 30 70 और 80 यहां पर हो गए। अब मेरा मार्केट फिर से नीचे चला गया, कितने पे चला गया, 491 पे, और जो बाकी बचे हुए 20 थे वो भी मैंने खरीद लिए, और यहां पर कितना लॉस था, 1 पॉइंट नीचे आया और ये 80 का लॉस और हुआ मेरे को, समझिए। अब मार्केट पूरा नीचे गिर गया तो 100 पॉइंट मतलब 1 पॉइंट का और मेरे को नुकसान हुआ, तो यहां पर पूरा 100 रुपए का यहां भी नुकसान हुआ मेरे को। टोटल नुकसान कितना हुआ और यहां नुकसान कितना था जरा काउंट कीजिए, मैंने यहां पर ये एवरेज बाय किया है, एवरेजिंग बोलते हैं इसको, मैंने एवरेजिंग कर करके मैंने नीचे स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, अगर पूरा मेरा स्टॉप लॉस कट गया तो आप चेक कीजिए, मैं आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूं, 100 ये है, 120 ये है, चेक करते रहिए कितना हो गया, 120 और 100 220 और 80 300 350, तो 350 रुपए का आपका टोटल नुकसान हुआ है, समझिए। और यहां पर आपका 1000 रुपए का नुकसान था। अब दूसरा पॉइंट यहां पर इश्यू क्या होगा, अगर मार्केट नीचे आया पूरी क्वांटिटी बाय कर चुके और बाय करने के आपके पास पैसे सपोज नहीं है, तो आपको केवल वेट करना पड़ेगा और आपको केवल मार्केट का मुंह ताकना पड़ेगा कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन यहां पर मार्केट के साथ आप फाइट कर रहे हैं, समझिए, जैसे जैसे जब जब मार्केट ऊपर जाएगा अपनी उतनी उतनी क्वांटिटी हटाते रहिए। सपोज मार्केट यहां पर था और यहां पर आपने 30 बाय किए थे, मार्केट इस पॉइंट पर पहुंचता है 30 हटा दीजिए, ऐसे ही आपने यहाँ पर 40 बाय किए, मार्केट यहां तक जाता है 40 हटा दीजिए, ये हटाते हुए चलेंगे तो आपके एवरेज बाय होता चलता है, तो आपको लॉस देखिए यहाँ पर 350 का पड़ रहा है और यहाँ पर आपको लॉस जो है 1000 का हो रहा है, मतलब आधे से भी आधा लॉस हो रहा है आपको, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर लीजिए मार्केट को बाय करने के लिए। तो हमने कितना काम किया है, देखिए हमने 3 ट्रेड लिए यहाँ पर, अभी आपके सामने में ट्रेड लिए हैं सारे के सारे, और देखिए आपका तीनों ट्रेड प्लस में है। और यहाँ पर आप चेक भी कर लीजिए कि हमने मार्केट को सोच समझ के बाय किया, 1000 रुपए निकाल भी लिए हैं, ठीक है। आपके ट्रेडिंग में मैं नहीं दिखाता अपने, मैं चैनल पे कभी भी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए नहीं दिखाता। आप सोचिए अगर मैं ये सब ट्रेड करता हूँ तो मैं अपने अकाउंट में अच्छे खासे पैसे निकाल सकता हूँ, निकालता भी हूँ, लेकिन मैं अपनी क्लास के अंदर कभी भी, आज अभी मैंने अभी बढ़ाया है 2000 रुपए, अदरवाइज ये 1000 रुपए ही था। उसका रीजन क्या है कि मेरा देखे देखी मेरे ट्रेडर्स कभी भी ज्यादा क्वांटिटी ना उठा ले, ठीक है। तो केवल इस रीजन से मैं इसको करता हूं, बाकी कोई इश्यू नहीं है, इसलिए मैं अपनी क्वांटिटी को कम रखता हूं यहां पर। तो ये आपका ये पूरा आज का सेशन है, आराम से चेक कीजिएगा। जो लोग लाइव में आना चाहते हैं, अगला वाला फिर होगा लाइव, तो उसको मैं बता दूंगा, आप आराम से लाइव में आइएगा,
ठीक है। और जो कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने अनम्या जी का और मुनीश जी का नंबर आपको दिया है, तो कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं आराम से। कोर्स को ज्वाइन करें, उसके बारे में डिटेल लें, अपना पिनाकल ट्रेडिंग आइकन आप प्ले स्टोर में जाएं, वहां से डाउनलोड करें, ठीक है। कई लोग पूछते हैं कि सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेश्वर वशिष्ठा है, मैं एक छोटे से गांव हर्रा वाला जो उत्तराखंड में आता है उससे बिलोंग करता हूँ। और लोगों ने मेरे को बोला था कि बड़े सिटी में जाके ही आप ट्रेड कर सकते हैं, पर मेरा मानना था कि अगर मुझ में काबिलियत है तो एक गांव में भी लोग मेरे से ट्रेड सीखने आ सकते हैं, या मैं हो सकता है पूरी दुनिया को उसी जगह से ट्रेड सिखाऊं, और मेरा वो मानना सच भी हुआ। आज मैं इसी जगह से, आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, एक छोटा सा गांव है हर्रा वाला, हरिद्वार रोड पर देहरादून के अंदर, मैं वहां से ट्रेडिंग कराता हूँ लोगों को। और कोई भी मुश्किल से कोई कंट्री ऐसा है जिसके लोग मेरे पास ना हो, इंडिया के तो बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, और बाहर कंट्री से भी, नेपाल हो गया, ठीक है, सिंगापुर हो गया, इधर बाकी आपका यूएसए हो गया, यूएसए से भी आ रहे हैं लोग बहुत सारे, ठीक है, वहां से आ रहे हैं, ईरान है, कुवैत है, वहां से लोग आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। तो बहुत जगह से, अलग अलग जगह से, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, तो सब जगह से लोग आते हैं, आराम से करते हैं, पेमेंट करते हैं आराम से। पेमेंट पार्टली मैंने क्यों करा रखा है, जिससे आप आराम से ट्रेड कर सके। आपको देखो जब मेरे पास आओ तो बर्डन नहीं होना चाहिए। अगर सपोज आप देखो 45,000 रुपए आपने मेरे को दे दिए, सीधा उठा के दे दिए, तो आपके दिल में डर बना रहेगा कि कहीं मेरे पैसे ना चले जाएं, कहीं मैं पता नहीं सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे, 45,000 रुपए मैंने दे दिया है, बहुत बड़ा अमाउंट है, वो सब आपका डर नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे कितने लिए? 14,000 रुपए, समझिए, मैंने आपसे केवल 14,000 रुपए लिए। 14,000 में ही तो डर है आपको बस। और अगर 1 महीने में आप सीख गए तो ये 45,000 रुपए आपका कमाने आपके लिए कोई बच्चों का खेल होगा, बिल्कुल बच्चों का खेल। जो कमाते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है 3,000 का, और बताएं, तो आपको केवल 42,000 रुपए पड़ रहे हैं, उसकी भी इंस्टॉलमेंट बना दी 14,000 की, उसका भी कोई एक्स्ट्रा पेमेंट है ही नहीं, आपको बस यही करने। इसको भी आप 2 पार्ट में दे सकते हैं, 4,000 और 10,000 दो पार्ट में दीजिए आप आराम से, तो वो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आराम से करिए, मेरे ख्याल से आज का सेशन आपका फ्रूटफुल रहा होगा, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, सब लोगों के लिए। आज का सेशन आपको समझ आया कि नहीं आया प्लीज बताएं, लिख के बताएं कि समझ आया कि नहीं आया, फ्रूटफुल था कि नहीं था। हमने ट्रेड भी लिए, ट्रेड भी लेके दिखाए, उसके साथ में मैंने आपको समझाया भी, तो मेरे ख्याल से लर्निंग शायद ज्यादा आपको ज्यादा अच्छी लगी होगी लर्निंग के लिए, जहां तक मैं समझता हूँ। प्लीज बताएं, लिख के बताएं, समझ आया कि नहीं आया। कोर्स ज्वाइन करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, मेरी मेरी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है, ना ही मैं बोलता हूँ कि आए जबरदस्ती ज्वाइन करें। आपको अच्छा लगेगा ज्वाइन करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो मैं कौन होता हूँ, राइट? कोई इशू नहीं है, आप आराम से करें, ठीक है। बस आराम से करते रहें, जितना करेंगे उतना आपको फायदा होगा, जितना अच्छी तरह से कर लेंगे उतना आप मजे में रहेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखिए, जिस भी मेंटर को ढूंढे, मेंटर आपके लिए बहुत जरूरी है, पैसा जरूरी नहीं है। पैसा तो एक बार आपके दे के आप फट जाएंगे, लेकिन अगर आपको मेंटर गलत मिल गया वो आपकी लाइफ बिगाड़ देगा पूरी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेंटर चाहे जो भी हो, किसी को भी चुने, उस मेंटर को बिल्कुल अच्छी तरह से चेक करके तब अपना मेंटर बनाइएगा, समझिए। चेतक ने ढूंढा था महाराणा प्रताप को, ठीक है, उसने बहुत सोच समझ के उनको गुरु चुना होगा, ठीक है। अगर एकलव्य ने चुना था ध्रुव को, तो आप कुछ सोच के चुना होगा, इसलिए आप भी जब अपना मेंटर चुने तो बहुत सोच समझ के चुनना, बच्चों का खेल मेंटर चुनना नहीं है, ठीक है। LICI, देखिए LI, एक मिनट में चलिए, LICI पूछ रहे, मैं बता देता हूँ, LICI, ठीक है, एक मिनट चलिए इसको देख लेता हूँ मैं, ये आपका LICI है, इसको जरा बड़े टाइम फ्रेम में एक बार चेक कर ले, फिर मैं क्लास को बस रोकने वाला हूँ। मैंने ये देखिए, जब भी इसका IPO आया था LIC का, मैंने उसी टाइम बताया था सबको, अगर कोई इस ग्रुप में है तो मैंने सबको बोला था अभी इसे बाय मत करना, LIC को बाय मत करना, मैंने सबको बोला था, गलती से भी बाय मत करना, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू अंदाजन 400 रुपए है, 400 रुपए, ठीक है। और पेटीएम का जो आपका चल रहा है उसकी वैल्यू 200-250 रुपए के बीच में है। तो अगर आपके पास LIC वाला है अभी, प्लीज बाय मत करिएगा इसे, आपको इश्यू हो सकते हैं, हो सकता है ऊपर चला जाए, मैं गलत साबित हो जाऊं, ऐसा भी हो सकता है ये ऊपर चला जाए, आप बोले कि भाई वो मेंटर मिला था उसे नहीं पता था, वो तो ऐसा ही मेंटर था। लेकिन आपका अगर मार्केट आपको नीचे 400 या 300 तक आ गया और वहां से आपको बाय मिली, तो बहुत प्यारी बाय मिलेगी। आप इसको वैसे भी चेक कर सकते हैं, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो आप जरा चेक करें, मार्केट ने पहली एन वेव बनाई है, ध्यान से पॉइंट को चेक करना, मार्केट ने पहली एन वेव बनाई है, कौन सी है? ये रही है। और देखिए मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट उस एन वेव को धीरे धीरे ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है, राइट या रॉन्ग?
ठीक है। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ मैं, ये लो है और मार्केट देखिए धीरे 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 हाई गया था मार्केट, और देखिए धीरे धीरे एनवे बनाता हुआ लो की तरफ आ रहा है, और अगर इसको ब्रेक करा मार्केट ने तो एक बड़ा डाउन आपको देखने को मिलेगा फिर से। और कहां तक आएगा ये, जितना आप इसका ऊपर का मूव लगा लीजिए, कम से कम मैं लगा के भी बता देता हूँ आपको, मूव यहां से लगाइए हाई से और यहां तक लगा दी, इतना डाउन कर दीजिए, कितना आ रहा है बस इसको नोट कर लीजिए कितना आ रहा है, मैं आपको अपने आप ही दिखा देता हूँ, ये आ रहा है 560 के आसपास, और मैं और नीचे आ रहा हूं, मैं तो इसको और नीचे लेने वाला हूँ 400 के आसपास। तो आपके पास अभी इसको बाय मत करें, बाय करेंगे तो इशू होगा, कोई फायदा नहीं है इसको बाय करके जबरदस्ती, और अगर बाय करना ही है तो आप ये आपने इसने पहला वाला एक एनबे बनाई है ये, इसके ऊपर मैं बाय करूंगा इसको, मतलब 700 के ऊपर बाय करूंगा अगर मेरे को करना ही हुआ, क्योंकि दो बार मार्केट वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। और इसकी ट्रेंड लाइन कौन सी बन गई इसको भी जरा चेक कर लें यहाँ से, इसकी ट्रेंड लाइन आपकी बन रही है आपकी बार ये वाली, ये देखिए, इसको जरा छोटे टाइम फ्रेम में चले जाइए डे में, तो देखिए ये आपकी ट्रेंड लाइन है, चेक करें ये ट्रेंड लाइन, और मार्केट देखो अपने लो को ब्रेक करके अभी अभी ये देखो कई काफी टाइम से इसका लो सस्टेन कर रहा था, अब उसको ब्रेक करके रिजेक्शन लेके तब नीचे आ रहा है, तो ये तो इसका डाउन है, इसको तो आप सेल करके बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा पैसा देगा, बाय क्यों करना, ठीक है। चलिए ये आपके पास पॉइंट है तो इसको बाय मत कीजिए, नीचे आने दीजिए तो सेलिंग में चला जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर रोकता हूँ इसको, निफ्टी वेब निफ्टी निफ्टी देखिए कहाँ गया, निफ्टी को चेक कीजिए, निफ्टी कहाँ पर चला गया, निफ्टी ये है और देखिए अभी निफ्टी सेल साइड में नहीं है, समझिए लोग बोल रहे हैं सेल साइड में जा रहा है, निफ्टी सेल साइड में नहीं जा रहा है, आप जरा निफ्टी को एक बार पॉइंट को नोट करना, ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ये निफ्टी की ये ट्रेंड लाइन है, पॉइंट को ध्यान से चेक करना, निफ्टी की ये ट्रेंड लाइन आ रही है और मार्केट निफ्टी जो है अपनी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके चल रहा है, ध्यान से चेक कीजिए मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेने चल रहा है, और अब की बार मार्केट यहां पर नहीं आया, तो जैसे ही मार्केट अगर नीचे भी आएगा तो यहां से फिर बाय हो जाएगा, ये इस पॉइंट से फिर से बाय में आ जाएगा, आपको एक बहुत प्यारी बाय दोबारा मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। अगर मैं यहां पर से देखता हूं तो देखिए अब मार्केट ने इसके ऊपर ट्रेंड लाइन बनाई है ये वाली, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन बना के मार्केट बैठा हुआ है, या फिर अगर और अभी करंट ट्रेंड लाइन बोलता हूं तो ये लो बना है, ये रहा है ये लो बना हुआ है, अब अगर मैं इसके पास में जाता हूं तो मार्केट का एक हाई कौन सा बन सकता है ये चेक कीजिए, मार्केट उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ये सपोर्ट लेके चल रहा था और मार्केट ने उसको ब्रेक किया, ट्राई किया इसने ब्रेक करने की, नहीं जा पाया, मार्केट देखिए वहीं से वापस आया, ये दोबारा से यहीं घूम रहा है, और मार्केट ने अभी देखिए अपने जो एन वेव को ब्रेक करके बैठा है, लेकिन मार्केट का ये बड़ा रिजेक्शन है यहाँ से, तो मैं बोल रहा हूँ कम से कम मार्केट को इस लेवल तक थोड़ा आने दीजिए, थोड़ा सा रुक के बाय कीजिएगा एकदम से नहीं, ठीक है। और ज्यादा अच्छा तो यह है कि मार्केट को ट्रेंड लाइन पे आने दे, ट्रेंड लाइन पे आ गया तो मार्केट फिर तेजी से भाग जाएगा यहाँ पर, और या फिर अगर मार्केट गिर रहा है देखिए फिर से डाउन में चलना शुरू हो गया, क्योंकि मार्केट का एक चीज सपोर्ट ध्यान से समझिए कि मार्केट का एक सपोर्ट कौन सा वाला है, अब ये मार्केट का ये सपोर्ट बन गया है, देख रहे सॉरी रेजिस्टेंस, मार्केट का रेजिस्टेंस कौन सा बन गया, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया ना मार्केट का, ये देखिए मार्केट ने कैंडल बनानी शुरू कर दी, तो मार्केट अभी है बाय में, लेकिन मार्केट का सपोर्ट तो आए सपोर्ट नहीं आ रहा है मार्केट का, मार्केट अभी जगह पर रिजेक्शन ले रहा है, आप देखिए 5 मिनट में ये देखिए, अब मार्केट ने देखो हमने डिस्कस किया था और क्या डिस्कस किया था, मैंने आपको बोला था ये सपोर्ट है, ये देख रहे मार्केट का ये सपोर्ट है, ये दिख रहा है सपोर्ट ये, और मार्केट हम दूसरे स्टॉक में लगे रहे, मार्केट वहीं से सपोर्ट लेके गया ना, आप बताएं मार्केट अगर यहां से टूटेगा तो क्या होगा, बस बता दे मार्केट अब टूटेगा अगर तो क्या होगा, एक छोटा डाउन मिल जाएगा आपको, यस चेक करें, एक डाउन आपको दिख जाएगा अगर मार्केट इसके नीचे आना शुरू हुआ तो, एक आप पुट यहां से बाय कर पाएंगे आराम से, पुट बाय करके आराम से नीचे जा सकते हैं, एक बड़ा डाउन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से क्लास को रोकता हूँ और आराम से आप बस चेक करते रहिए, जितना आप चेक करेंगे जितना सोचेंगे समझेंगे, देखिए आ रहा है मार्केट, मार्केट को सोच समझ के ट्रेड करेंगे तो क्यों मार्केट पैसे नहीं देगा बताएं आपको, अगर मैं मार्केट को ट्रेड करूंगा सोच समझ के तो मार्केट मेरे को क्यों पैसा नहीं देगा बताएं, यस बोले इशू है मार्केट को पैसे देने में अगर मार्केट को मैं सोच समझ के ट्रेड नहीं करूंगा तो,
मार्केट आएगा, मेरे को पैसा भी देगा। देखिए अभी, अच्छा मैं क्या अभी सेल कर दूं बताएं, आप बताएं क्या मैं सेल कर दूं? मार्केट देखो ये बार बार सपोर्ट लेके जा रहा है, देख रहे ये सपोर्ट, ये देखिए ये सपोर्ट मार्केट ट्राई कर रहा है, इसको टूटना तो चाहिए ना नीचे की, नहीं क्या पता वापस चला जाइए, ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट वापस चला जाए। तो अगर मार्केट उसके ऊपर गया तो मेरे को बाय देगा, नहीं तो वहां से मेरे को सेल दे सकता है मार्केट। ये देखो कम से कम ये सपोर्ट है, ये टूटेगा तो मेरे को सेल मिलेगी, अगर ये सपोर्ट नहीं टूटेगा तो मेरे को सेल नहीं मिलेगी यहाँ से। केवल मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट वो तोड़े तो आप यहाँ से कम यहाँ लो तक का एक सेल ले पाओगे। और मेरे को कौन सा पुट लेना चाहिए, अब देखिए अगर ये तोड़ेगा तो मैं ये पुट लूंगा कि नहीं, चेक करें कौन सा पुट लेना चाहिए, आप ही बता दें मेरे को कौन सा पुट लेना चाहिए आपको, उसके हिसाब से आप आगे चल दें, जो भी पुट आपको वहां पर लेना चाहिए। देखिए मार्केट आ गया वहां पर, बिल्कुल वहीं पर ही बैठा है, बिल्कुल एज पे बैठा है। मार्केट अगर इसको तोड़ेगा तो आपको एक नीचे तक का डाउन मिल जाएगा, लेकिन मार्केट बार बार यहां से सपोर्ट ले रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, मार्केट ने जब सपोर्ट लिया तो मार्केट उसके बाद ऊपर नहीं गया। ये देखिए मार्केट सपोर्ट लेने के बाद इसको ऊपर चले जाना चाहिए था, मार्केट नहीं गया, मार्केट नीचे आ रहा है, तो मार्केट एक सेलिंग पॉइंट दे सकता है यहाँ से। ठीक है चलिए मैं क्लास को रुकता हूँ यहाँ पर, बस आप चेक करते रहिए आराम से, जितना सोचेंगे देखेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा, उतना सीखने को मिलेगा आपको, उतनी चीजें आपको रिवाइज होंगी, उतना आपको एक्सपर्टीज होगी और आप अच्छे अच्छे ट्रेड उठा पाएंगे, लॉजिकली आप सही होंगे। ठीक है लॉस कम करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज को बढ़ा देंगे, ठीक है दूसरों को सिखा पाएंगे, अपने को सिखा पाएंगे, अपने को इम्प्रूव कर पाएंगे, अपना स्टेटस बढ़ा पाएंगे, अपने को 360 डिग्री टर्न कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें आप कर पाएंगे। लेकिन वो कब करेंगे, वो आप तब करेंगे अगर आपको एक ट्रेडिंग आ जाएगी, तब तब मैं कर पाऊंगा, नहीं तो मेरी ट्रेडिंग मेरे को मुश्किल करेगी। ठीक है तो चलिए मैं क्लास को रोकता हूँ और फिर मिलते हैं। देखिए डाउन जाने की तैयारी में, मार्केट थोड़ा सा छोटा डाउन लेगा यहाँ से, यहाँ से आप चाहो तो अपनी कोई छोटी मोटी सेल कर पाओगे। ठीक है तो चलिए मैं रोकता हूँ यहाँ पर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।